हेलो हेलो एवरीवन, एम आई ऑडिबल एंड विजिबल टू यू पीपल हेलो 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 हेलो, हेलो बच्चो एम आई ऑडिबल आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाइए <coughs> फटाफट से आ जाइए सब लोग मैं आ गई हूँ मैं आ गई हूँ मैं आ गई हूँ आपके पास सबको बुला लीजिए पूरी दुनिया को बता दीजिए सबको बुला लीजिए गुड मॉर्निंग कैसी तैयारी चल रही है यार बता दो जल्दी से जोश कैसा है हाई वाई है या नहीं है चलो थ्योरी वेरी रिवाइज़ हुई कि नहीं हुई कल पूरे चैप्टर अपलोड हो गए थे कल आप वाला लाइव सेशन देख लेना सब कुछ अपलोडेड है गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग आज की सुबह आई होप कि सबकी बहुत बेहतरीन होगी मज़ा आ रहा होगा सबको कैसे हो सब लोग बढ़िया हो बढ़िया हो खुश रहो आज आज पूरा आपका सब कुछ रिवीजन करवाने वाली हूँ। गला बचा बचे तो बचेगा बचा के रखी हूँ मैं है ना गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग एवरीवान गुड मॉर्निंग ठीक है अब बताओ सबने थ्योरी रिवाइज की कल जो पढ़ाया थैंक यू बच्चों, थैंक यू सुपर हॉट तैयारी है कल जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा वो रिविज, रिविजन हुआ या नहीं हुआ हुआ ठीक है मैं बढ़िया मैं एकदम बढ़िया ठीक है थोड़ा गला ऊपर नीचे हो रहा है बट बिल्कुल तैयार हूँ कुछ भी हो आज गला चला ही जाए पर तैयारी भरपूर होनी चाहिए हैं हैं चलिए 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 तो थ्योरी बेटा जी पढ़ लीजिएगा आप लोग पहली बात तो ये बिना थ्योरी पढ़े क्वेश्चंस लगाने का कोई मतलब है नहीं तो फर्स्ट यू हैव तो टू रीड द थ्योरी आपको थ्योरी पढ़ना है ठीक है मेरे बात वाला सेशन जो है मैम लेंगी ठीक है चलिए कॉन्फिडेंस आ गया आप ठीक है और कुछ आप पढ़ना चाहते हो मुझसे तो बता दो अभी और कुछ पढ़ना है अभी अपने पास पूरा समय है <laughs> ठीक है और कुछ पढ़ना चाहते हो तो बताओ मुझे आ रहे फिर से समझा दो पढ़ा दूंगी पढ़ा दूँगी <clears throat> खुश रहो खुश रहो मैं बढ़िया हूँ और कुछ पढ़ना चाहते हो तो बता दो अदरवाइज़ आई विल स्टार्ट आज लास्ट डे है प्रैक्टिस का जी हैं आज हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के बाद तीन बजे सैम्पल पेपर लगाएंगे कहाँ पर आपके आ, स्कूल चैनल पे फिर उसके बाद छः बजे फिर मैराथन लेना है पार्ट टू फिर उसके बाद आपको एक वीडियो मिलेगा फिफ्टीन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब मोस्ट श्योर शॉर्ट क्वेश्चन जो टर्म टू में आपको आने वाले हैं फिर उसके बाद आपको मतलब मैं माइंड मैप्स के थ्रू दस बजे रिवाइज़ करा दूंगी पूरी बायोलॉजी ठीक है के स्टडी शॉर्ट रिवीजन होगा ना आज रात में दस बजे आज रात में दस बजे शॉर्ट रिवीजन करेंगे हम लोग ठीक और कल सुबह पाँच बजे कल सुबह पाँच बजे मेरे लल्ला उठ जाना क्योंकि एक बार एग्जाम देने से पहले पूरे छः चैप्टर का रिवीजन कल सुबह पाँच बजे होगा क्लियर कल सुबह पाँच बजे शुरू कर लेते हैं बायोटेक्नोलॉजी कितने इजी वे में पढ़ाया है यार? कितने इजी वे में पढ़ाया है इंसर्शनल इन एक्टिवेशन भी कल पढ़ो कल का सेशन लगाया नहीं है मेरे ख्याल से तभी insertional इन एक्टिवेशन नहीं आ रहा है क्योंकि जिन लोगों ने कल का सेशन लगाया है वो इंसर्शनल inactivation में बिल्कुल अच्छे हो गए हैं एक पॉपुलर इन्फेक्शन ठीक 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 चलो ठीक चलिए चलिए इंसर्शनल inactivation में डाउट है चलिए उसके क्वेश्चन करेंगे तो आइए शुरू करते हैं चलिए पहला देखिए फर्स्ट सेशन में जो मैम लेने वाली है वो मैं बता देती हूँ पहले मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ हेल्थ एंड डिजीज़ के ज़्यादा समय नहीं है इसलिए हम अपने सेशन का जो पेस है जो स्पीड है उसको थोड़ा फास्ट रखेंगे ठीक है हेल्थ एंड डिजीज़ स्टार्ट कर रही हूँ मैं हेल्थ एंड डिजीज़ सारे एग्जाम्पल बता दूंगी इकोलॉजी के बिल्कुल बिल्कुल इकोलॉजी के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे ठीक है शुरू करें शुरू कर दें चलिए कितने क्वेश्चन होंगे बहुत सारे हैं मतलब ये मान लो कि इसी सेशन में कम से कम सत्तर के आसपास क्वेश्चन कराने वाली हूँ मैं सत्तर मतलब ये मान लो एक चैप्टर के कम से कम पचास पचास तो होंगे चलिए आ जाइए माइंड मैप रात में दस बजे लाइव लाइव स्कूल चैनल पे रात में बजे आखिरी बार रिवीजन आखिरी बार तो नहीं कल सुबह पांच बजे भी मैम कराने वाली है तो आप लोग सब लोग आ जाना कल सुबह पांच बजे उठ के ठीक है चलिए शुरू करते हैं नेम द कंडीशन इन द वर्टिब्रेट वेयर द बॉडी अटैच द ओके 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 एवरीबन चलिए 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 शुरू करते हैं बिना देरी के क्योंकि बिल्कुल देरी का समय नहीं है नेम द कंडीशन इन द वर्टिब्रेट्स ब्रेड्स वेर द बॉडी अटैक सेल सेल क्या कहलाता है ये बच्चों आप लोगों को ना आप आंसर की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब आप मुझे आंसर दीजिए फटाफट क्या होता है वेरी गुड इट इज़ कॉल्ड एज ऑटो इम्यूनिटी आप तो धड़ाधड़ बस आंसर दो ये सेशन इज नॉट फॉर द आ, आ, क्या नाम है सेव करने के लिए ये सेशन सिर्फ रिवीजन सेशन है ठीक है ऑटो इम्यूनिटी ऑटो इम्यूनिटी वो कंडीशन है ठीक है ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है तो एक नंबर का आएगा ऑटो इम्यूनिटी वो कंडीशन है जिसमें जिसमें आपकी बॉडी अपने ही सेल्स को अटैक करने लगती है एग्जाम्पल बता दीजिए क्या है रोमिटॉइड औरथराइटिस ठीक है ये है आपका एग्जाम्पल ये आपकी एन का एग्जाम्पल है ठीक है और भी बहुत सारे हैं जैसे इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज पर आपको एक ही याद रखना है ओके ओके एवरीबॉडी ठीक है ठीक है ठीक है ओके बच्चों जी नेक्स्ट 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 क्लियर क्लियर संतानों मेरी क्लियर हो गया इतना आगे चलिए ठीक ओके okay, तो ये है आपकी ऑटो इम्यूनिटी ऑटो इम्यून सिस्टम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सजेस्ट अ मेथड टू एंश्योर एन एनामिस्टिक रिस्पांस इन द ह्यूमंस चलिए पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा कि ये रिस्पांस क्या होता है एनसीईआरटी की लाइन है बेटा एनसीईआरटी की लाइन है एनामिनिस्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है ठीक है चलो 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 हा 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 क्यों नहीं अब नहीं होना चाहिए आज बात क्योंकि आज अगर बात की तो अपने जीवन के साथ खिलवाड़ किया आपने चलो बताओ <coughs> चलो कोशिश करेंगे अब अब हाँ वो लिखवाया हमने पचास पचास करा देंगे एक चैप्टर में पचास नहीं वैसे तो फर्स्ट सेशन में सौ क्वेश्चन होने हैं तो सौ हो जाएंगे ठीक है जल्दी 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 वो बफर हो रहा है बफर कहाँ हो रहा है नहीं नहीं बफर नहीं हो रहा है बिल्कुल बफर नहीं हो रहा है चलो वेरी गुड बताइए एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स क्या होता है वेरी गुड एवरीबॉडी वेरी गुड एनामिनेस्टिक रिस्पॉन्स को हम सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स ठीक है समझ में आई बात सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स भी कहते हैं ठीक 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 अब हमको ये बताना है यस 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 सेकेंडरी विग्रस होता है कि नहीं होता खतरनाक होता है कि नहीं होता मतलब बहुत तेज होता है इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं ठीक है थीके? तो सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स एनामिस्टिक रिस्पॉन्स कब जनरेट होता है जब आप इम्यूनाइजेशन करते हैं वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन बेटा ये भी पढ़ा है आपको मैंने सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जनरेट होता है बहुत ही बढ़िया सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स में जनरेट होता है वेरी गुड पर वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन द वेरी गुड वैक्सीनेशन का जब हम वैक्सीनेशन लगवाते हैं तो जब आपकी बॉडी में जो रिस्पांस जनरेट होते हैं उसको हम जब वो विग्रस रिस्पांस है इनको हम एनामिनेस्टिक रिस्पांस कहते हैं बताइए व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन क्या डिफरेंस होता है वैक्सीनेशन इज नथिंग जब आप वैक्सीन लगवा के आते हैं दिस इज वैक्सीनेशन वेरी गुड

विद अमीबियासिस अमीबियासिस हो गया है पॉजिटिव एजेंट लिखिए अब आज आपको सिर्फ और सिर्फ वैक्सीन लगवाते हैं इट इज़ कॉल्ड एज वैक्सीनेशन पर उसके खिलाफ जो जनरेट होता है वो होता है इम्यूनाइजेशन क्लियर है आफ्टर वैक्सीनेशन वेरी गुड अब आपको बताना है कि अमीबियासिस का पैथोजन बताइए क्या होता है जल्दी बता दीजिए और सिम्टम बताइए क्या क्या होता है जल्दी 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 लेट नहीं होना है आज हमको ये सेशन जो है फटाफट से कंप्लीट करके रख देना है चलिए अब पेशेंट जिसको जल् अमीबियासिस हुआ है चलिए बताइए इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है बच्चों इसका पॉजिटिव एजेंट है एन हिस्टोलाइटिका ठीक है एन हिस्टोलाइटिका ठीक है एंटमीबा हिस्टोलाइटिका जो है इसका पॉजिटिव एजेंट है सिम्टम बता दीजिए सिम्टम बता दीजिए क्या क्या होता है अमीबियासिस का सिम्टम क्या क्या होता है बताओ जल्दी से अमीबियासिस का सिम्टम क्या होता है पेट में दर्द होता है म्यूकस वाला जो है आपका स्टूल निकलता है उसके बाद आपका ब्लड भी आ सकता है कॉन्स्टिपेशन होता है ठीक है ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों ये बात याद रखिएगा आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ठीक है तो एंटमाइबा हिस्टोलाइटिका से होता है आपका अमीबियासिस ठीक है है इसमें होता है, आपको एब्डोमिनल पेन आपके स्टूल में म्यूकस प्लस ब्लड आता है क्लियर है ठीक है हाँ लॉस ऑफ एपिटाइट भी हो जाता है वेरी गुड लॉस ऑफ एपिटाइट हो जाता है आदमी के पेट में कंटिन्यूसली दर्द बना रहता है मतलब बहुत सारी चीजें ठीक है रेट्रो वायरस है ठीक है चलिए अगला सवाल जल्दी जल्दी करना है ठीक है आज ना तो हमारे पास इतना समय है बकवास करने का और चैट सेक्शन में मुझे लग रहा है कि आज आप बहुत सीरियस हैं तो क्या क्या होगा क्रैम्स होंगे स्टमक पेन होगा उसके बाद आपको स्टूल में म्यूकस ब्लड आएगा और आपको बहुत दर्द होगा ठीक है ब्लीडिंग ये इसका मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम इज दैट कि आपकी जो पॉटी होगी ना उसमें ब्लड आना शुरू हो जाएगा क्लियर चलिए रेट्रो वायरस रेट्रोवास है डीएनए ऑफ द इन्फेक्शन होस्ट सेल द वायरल डीएनए हाउ इट इज पॉसिबल बोलिए जल्दी रेट्रो वायरस के पास कोई डीएनए नहीं है पर जब ये होस्ट सेल के पास गया तो ये डीएनए में होस्ट सेल के पास वायरस का डीएनए कैसे आ गया रेट्रो वायरसेस के पास तो कभी डीएनए था ही नहीं फिर होस्ट सेल के पास कैसे आ गया डीएनए बच्चो जल्दी बताइए वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन बाय द रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन ठीक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से चलिए जो एच का वायरस है वो सिंगल स्टैंडर्ड है या डबल स्टैंडर्ड है जल्दी बताइए एच सिंगल स्टैंडर्ड आर वायरस है या डबल स्टैंडर्ड आर वायरस है जल्दी बता दीजिए ये भी आपको पता होना चाहिए एच सिंगल स्टैंडर्ड आर वायरस है या डबल स्टैंडर्ड आर वायरस है एवरीबडी जल्दी बताइए एच सिंगल स्टैंडर्ड आर वायरस है या डबल स्टैंडर्ड आर वायरस है बच्चो 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 जल्दी बताओ रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से वेरी गुड रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की वजह से ठीक है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कौन से एंजाइम के प्रेजेंस में होता है बच्चों रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम की वजह से होता है चलिए डबल स्टैंडर्ड वे डबल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरस है ठीक है ये डबल स्टैंडर्ड आर एन ए वायरस है जिसके पास एक आपका रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम हर के पास एक एक स्टैंड के पास रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है ठीक 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 चलिए

नेम थ्री इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर कॉज्ड बाय एल्कोहल शराब पीने के बाद हैं? हाँ 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 परिधि सही बोल रही है परिधि त्यागी सही बोल रही है ठीक है हाँ 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 चलो जल्दी बताओ एल्कोहल की वजह से बीमारियां जल्दी बताओ हाँ हाँ हाँ, हाँ।, हाँ। देखो देखो सुनो अभी तुमको एच आई वी में प्रॉब्लम हो रहा है क्या एच आई वी का ऐसा होता है ये एक आर एन ए हो गया ये दूसरा आर एन ए हो गया तो अगर आप तो सिंगल स्टैंडर्ड दो होते हैं मतलब दो आर एन ए पास होते हैं तो दो रिवर्स स्टैंड होता है ठीक है क्लियर समझ में आई बात चलो क्लियर है बच्चों इतनी बात ठीक है तो एच के पास टू आइडेंटिकल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होते हैं ठीक है आइडेंटिकल तो हम कह लेते हैं कि डबल दो है हाँ भैया आ नहीं रहा है आवाज आवाज नहीं आ रहा है हाँ तो क्या क्या है वेरी गुड अरे बता दिया क्या पैंक्रीटाइटिस जितना सूजन है भैया पैंक्रीटाइटिस हेपेटाइटिस लीवर सिरोसिस बेटा ये याद रखना ये याद रखिएगा वेरी गुड सिरोसिस का मतलब क्या हो जाता है खराब हो जाना सिरोसिस का मतलब क्या होता है बेटा जी खराब हो जाना तो तीन इंपॉर्टेंट सिम्टम जो एल्कोहल की वजह से होते हैं पैंक्रीटाइटिस हेपेटाइटिस एंड लीवर सिरोसिस लीवर सिरोसिस ठीक है तो उसमें अंडरलाइन तो करना है ना मैम जी हाँ जब भी आप बैक्टीरिया का नाम लिख रहे हैं तो आपको अंडरलाइन करना है हिस्टोलाइटिका ये ये तरीका ओ, ये तरीका है आपको अंडरलाइन करना ही पड़ेगा ठीक लीवर सिरोसिस का मतलब फैटी लीवर भी हो जाता है और बता दो तुम तो बहुत सारे जानते हो शराब पीने से तो क्या कुछ नहीं हो जाता लीवर कैंसर भी लिख दो वेरी गुड नेम द इम्यून response which इज responsible फॉर द रिजेक्शन ऑफ द टिश्यूज बहुत अच्छान और ऐसे ही सवाल आएंगे बेटा घबराना बिल्कुल मत तैयारी तो तुमने शानदार जबरदस्त बिल्कुल कर रखी है चली, 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 ठीक है चलिए आ जाइए चलिए चलिए ठीक आइए आइए आगे हाँ एल्कोहलिक हेपेटाइटिस हो गया लीवर कैंसर हो गया पैंक्रिटाइटिस हो गया ठीक है गॉल ब्लडर में इन्फेक्शन हो गया गॉल ब्लेटर कैंसर हो गया पेंक्रियास कैंसर हो गया तो एन का ई बड़ा होना चाहिए चलिए बताइए कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है हार्ट डिजीज हार्ट डिजीज तो हो सकती है पर यहां पर ज्यादातर लीवर इन्फेक्ट होता है एवरीबॉडी चलिए शुरू करते हैं यस सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बच्चों सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स क्या कोई इस क्लास में मुझे ये बता सकता है कि इसको रोकने के लिए हम कौन सी एंटीबायोटिक देते हैं वी हैव टू लिंक ईच एंड एवरी चैप्टर ताकि हम पूरा मतलब पैकेज बना के जा सकें यार कोई मुझे ये बता सकता है कि सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है इसको रोकने के लिए वेरी गुड वेरी गुड साढ़े पाँच सौ बच्चे बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं और मेरा मेरा गर्व से मेरी छाती चौड़ी हो रही है बहुत ही बढ़िया चलिए आगे बताइए पाँच सौ साढ़े पाँच सौ बच्चे लाइक भी कर दो ज़रा सा चलो जल्दी से आ जाओ सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स चलो चलो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स वेरी गुड वेरी गुड यार कौन निकालता है ये साइक्लोस्पोरिन ये एक जो है बायो एक्टिव मॉलिक्यूल में पड़ा हम लोगों ने साइक्लोस्पोरिन कौन निकालता है बच्चो कौन निकालता है साइक्लो साइटोटॉक्सिक टी सेल की वजह से होता है सेल मीडिएटेड में भी कौन सी सेल होनी चाहिए साइटोटॉक्सिक टी सेल ये ग्राफ्ट को रिजेक्ट कर देती है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड साइक्लोस्पोरिन ए साइक्लोस्पोरिन ए ये कौन निकालता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम ठीक है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम आगे बढ़ जाए ठीक है आगे बढ़ जाए चलो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजेक्शन ऑफ टिश्यूज इन द बॉडी ट्रांसप्लांटेशन द बॉडी इज केपेबल ऑफ डिफ्रेंशिएट सेल मीडिएटेड की वजह से ही बॉडी पता लगा पाती है कि कौन मेरा है कौन पराया है कौन मेरी संतान है कौन किसी और की संतान है तो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स की वजह से हमें यह पता चलता है कि ये मेरा है और ये मेरा नहीं है ठीक है ट्राइकोडर्मा ट्राइकोडर्मा का टी कैपिटल लिखना नहीं तो गलत हो जाएगा वट इज वन रिम्यूट ऑर्थराइटिस इज कॉस्ट चलिए बताइए वेन रिमिटेड ऑर्थराइटिस नहीं पॉलिस ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम और टाइकोडर्मा का टी कैपिटल होगा भैया जी ठीक है सब लोग टी स्मॉल लिख रहे हो ये गलतियां नहीं करके आना नन्ना ये नहीं होनी चाहिए ठीक है रिमिटॉयड अर्थराइटिस कैसे कॉज होता है कब रिमिटॉयड अर्थराइटिस कॉज होता है ठीक है वेरी गुड बायो एक्टिव डेफिनेशन वट इज़ बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बायो एक्टिव मॉलिक्यूल एक्स्ट्रैक्टेड फ्रॉम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्शन इन टू द ह्यूमन बींगस बिकॉज इट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज वाई इट इज कॉल्ड एज बायो एक्टिव मॉलिक्यूल ठीक है रिमेटॉल अर्थराइटिस में होता यह है कि वेन एवर द बॉडी जो है वो आपके जॉइंट्स को फॉरेन समझने लगे एवरीबॉडी जब आपकी बॉडी जॉइंट्स को फॉरेन समझने लगे जब आपकी बॉडी जॉइंट्स को फॉरेन समझने लगे तो इसे इसके खिलाफ क्या बनना शुरू हो जाता है एंटीबॉडी वेरी गुड इसके खिलाफ क्या बनना शुरू हो जाता है एंटीबॉडी तो जो आपके जॉइंट होते हैं उनके फ्लूड के खिलाफ एंटीबॉडी बनने लगी और आपने अपने फ्लूड वहां पर एंटीबॉडी हो गई अब आप जब आप मूव करते हैं तो आपको बहुत दर्द होता है वेरी गुड ठीक है ऑर्थराइटिस कब होता है वेन द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स एंड एबिलिटी टू डिफ्रेंशिएट पैथोजन और फॉरन मॉलिक्यूल फ्रॉम सेल्फ सेल्स इज लॉस्ट यहां पर बॉडी लॉस्ट कर चुकी है एबिलिटी ठीक है एंड द बॉडी इज लॉस्ट द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉरन ऑर्गेनिज्म एंड देयर ओन सेल्स क्लियर है यहाँ पर बॉडी ये डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रही है कौन है अपना कौन है पराया सो बॉडी इज फेल्स टू डिफ्रेंशिएट कि कौन मेरा है कौन पराया है ठीक है बच्चों ठीक आइए नेक्स्ट सवाल द प्रिसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी बच्चो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन विच प्रॉपर्टी अगर मैं बोलूँ प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन किस प्रॉपर्टी पे बेस्ड होता है हाँ आ ग्राफ्ट रिजेक्शन ये क्या हुआ यस यस विनीशा बहुत बढ़िया जल्दी बताओ हाँ बोलिए जल्दी क्या ये दो नंबर में ऐसे ही सवाल आएंगे कि तुमको क्या लग रहा है कि दो नंबर में कोई बहुत भयंकर सवाल आने वाला है दो नंबर में सेम सवाल पूछे जाएंगे यस प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द मेमोरी ठीक है प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी वेरी गुड वेरी गुड प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीन वेरी गुड यार वेरी गुड ठीक है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड अभी मुझे 600 लाइक्स नहीं मिले यार ये तो गलत बात है यार 600 लाइक्स होने चाहिए जल्दी तो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमोरी ठीक है पहली बार जब आपने इनकाउंटर किया तो आपका जो इम्यून सिस्टम है वो सोचता है कि ओह ओह ये तो आया है इसके खिलाफ एंटीबॉडी मानाते हैं तो तब तक किल करने में थोड़ा सा टाइम लगता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी जो है वो धीरे धीरे रिस्पॉन्स करती है मेरी बात समझ में आ रही बात जब पहली बार इन्फेक्शन आता है तो बॉडी को लगता है ए बताते हैं इसको हम लोग और बॉडी को थोड़ा टाइम लगता है पर जब सेकेंड टाइम आता है तो बॉडी बिल्कुल भी टाइम नहीं लगाती और जिसकी जैसी बॉडी बिल्कुल टाइम नहीं लगाएगी वो धड़ा धड़ धड़ा धड़ बी और टी सेल बनाएगी और क्यों बनाएगी क्योंकि हमारे पास मेमोरी सेल्स बन के रखी हुई हैं तो प्रिंसिपल ऑफ वैक्सीनेशन इज बेस्ड ऑन द मेमरी ठीक है वट इज़ द फंक्शन ऑफ ओपीइड्स चलिए धड़ाधड़ देखिए आप कोई मैम जो है बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर रही है और धड़ाधड़ क्वेश्चन कराई जा रही है और सबसे अच्छी बात क्या है तुमको पता है तुम लोग बिल्कुल आज बकवास नहीं कर रहे हो आज बिल्कुल संट है सबके सब, सब ठीक है ओके छवि इट्स इट्स येस येस यस येस मेमरी जो होती है वो फास्ट इंटेंसीफाई बॉडी में रिस्पॉन्स करती है फंक्शन ऑफ ओपियोइड्स बताइए बच्चों ठीक है जल्दी जल्दी मेरे लल्ला मेरे बच्चों आंखों के तारों मेरे चांद से तारो जल्दी बता दो क्या होता है एनामिस्टिक इम्यून रिस्पॉन्स होता है वेरी गुड वेरी गुड हाई कौन पेन किलर होता है और बताओ क्या होता है ये एक प्रकार का बेटा डिप्रेसेंट है ये याद रखना पहली बात ये एक प्रकार का डिप्रेसेंट है ये आपकी बॉडी एक्टिविटी को स्लोज डाउन कर देता है ठीक है इसको हम एज अ पेन किलर देते हैं जब किसी की सर्जरी होती है क्लियर ये इसके इफेक्ट्स हैं ये इसके इफेक्ट्स हैं तो ये एक डिप्रेसेंट हुआ कि नहीं हुआ मतलब इसको खाने के बाद आप हो जाती है बॉडी सुल का मतलब समझे एकदम रेस्ट में चली जाती है तो इसमें क्या होता है बॉडी में डिप्रेसेंट होता है ये एक पेन किलर होता है ये आपकी बॉडी को स्लो डाउन कर देता है ठीक है डिप्रेसेंट होता है बॉडी को स्लो डाउन कर देता है और ये एक पेन किलर है ठीक है बच्चों बोलिए कैसा रहा ये बढ़िया रहा बढ़िया रहा ओके इसके रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं इसके रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होते हैं बच्चों रिसेप्टर्स बताइए इसके रिसेप्टर्स कहाँ कहाँ होंगे कोई मुझे बता पाएगा रिसेप्टर कहाँ हैं थैंक यू बच्चों जल्दी रिसेप्टर कहाँ हैं जल्दी बता दीजिए रिसेप्टर रिसेप्टर कहाँ हैं इसके रिसेप्टर हैं सी एन एस में और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक में बेटा ये ना ये जो चीज़ अब मैंने लिखी है ये एग्ज़ाम में आपके पूछी जा सकती है वी आई पी ठीक है ये आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है ये डेफिनेटली आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है ठीक है जी आई अरे एक मत लिखना एक मत लिखना दोनों में होता है जी आई ट्रैक में भी होता है और आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी होता है ठीक है हाँ हाँ जी आई ट्रैक मतलब भैया जी आई ट्रैक एस्ट्रो ट्रैक ठीक है तो ओपियोइड एक्ट एज अ पेन किलर जो कि मैंने आपको और भी बहुत सारे बता दिए अगला सवाल नेम एनी टू फिजियोलॉजिकल बैरियर दैट प्रोवाइड इन एट इम्यूनिटी अभी मैम अपने से भी बहुत सारे सवाल करा देगी फटाफट से जल्दी बताइए नेम एनी टू फिजिकल बैरियर दैट प्रोवाइड फिजियोलॉजिकल बैरियर दैट प्रोवाइड इननेट इम्यूनिटी फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर दुनियादारी के जितने सिक्रीशंस होते हैं वो सब आते हैं फिजियोलॉजिकल का बताइए फिजियोलॉजिकल बैरियर बताइए नेम फिजियोलॉजिकल बैरियर दैट अटैक्स ठीक है एक्स अटैक बोल रही हूँ दैट प्रोवाइड इननेट इम्यूनिटी मेरे प्यारे बच्चों जल्दी बता दो ये क्या है हाँ <coughs> जल्दी बताओ यस yes, सलाइवा सलाइवा, सलाइवा, टीयर्स ठीक है जितने भी आपके सिक्री अच्छा वो गैस्ट्रिक जूस ठीक है आपका गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक से निकलता है तो जितने भी आपके सिक्रीशन हैं सब इसके अंदर आते हैं ठीक है गैस्ट्रिक जूस के अंदर सी होता है ठीक है ठीक है इतनी बात आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन अभी मैम आपसे बुक खोलेगी और बहुत सारे आंसर क्वेश्चन और कराएगी तो मुझे थोड़ी सी मेरी किताब लाने दीजिए और मैं अब आपसे सवाल पूछती जा रही हूँ धड़ाधड़ से मुझे आंसर देते जाइए ठीक है मैम आपसे सवाल पूछती जा रही है आप मुझे सिर्फ आंसर देना ठीक है ठीक है मैम आपसे सवाल पूछ रही है सिर्फ मैम को आंसर चाहिए ठीक चलो 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 हेल्थ एंड डिजीज़ खोल दूँ चलो अब बताइए पॉजिटिव एजेंट जिसकी वजह से कैंसर हो सकते हैं जल्दी बताओ मुझे पॉजिटिव एजेंट जिसकी वजह से मैम पूछ रही हैं आप धड़ाधड़ा आंसर धड़ा दो ठीक है पॉजिटिव एजेंट जिसकी वजह से कैंसर होता है क्या कहलाता है कैंसर के पॉजिटिव एजेंट को हम क्या कहते हैं पूरे टॉपिक्स का रिवीजन एक बार मैम छोटे छोटे शब्दों में कराएगी जल्दी बोलिए 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 जल्दी ठीक है बोलिए कैंसर का पॉजिटिव एजेंट जिसकी वजह से कैंसर होते हैं उनको हम क्या कहते हैं बोलिए ओंकोजींस कार्सिनोजन्स बेटा कार्सिनोजन कार्सिनोजन क्लियर उन्हें हम क्या कहते हैं कार्सिनोजन ऑन्कोजीन तो जीन है ना कार्सिनोजेंस की वजह से होते हैं कितने प्रकार के कार्सिनोजेंस होते हैं बेटा चलो फटाफट से रिवीजन चल रहा है ना तो पूरे क्वेश्चन के माध्यम से पूरा रिवीजन हो जाएगा कितने प्रकार के कार्सिनोजेंस होते हैं बता दीजिए जल्दी से अलग अलग प्रकार के कार्सिनोजेंस होते हैं बहुत बढ़िया कितने प्रकार के कार्सिनोजेंस होते हैं अलग अलग प्रकार के कारसिनोजेंस होते हैं जैसे कि फिजिकल कार्सिनोजन ठीक uh, है फिजिकल कार्सिनोजन जैसे कि केमिकल कार्सिनोजन जैसे कि आपका बायोलॉजिकल कार्सिनोजन क्लियर है फिजिकल का एग्जाम्पल बता दो जल्दी से फिजिकल केमिकल बायोलॉजिकल ठीक है आ आ आ आ आ आ तीन होते हैं फिजिकल का एग्जाम्पल बता दीजिए एक्सरे ठीक है यूवी रेज ठीक है इनकी वजह से आपको कैंसर होता है केमिकल का एग्जाम्पल हो गया टोबैको ठीक है डाइज ठीक है क्लियर 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 वेरी गुड वेरी गुड बायोलॉजिकल का एग्जाम्पल बताइए वायरस ठीक है ओके ये, okay. ये कार्सिनोजन आपकी बॉडी में कैंसर कैसे कॉज करते हैं कोई बता पाएगा मुझे वेरी गुड वेरी गुड आग लगाओ चैट सेक्शन में बिल्कुल रुकना नहीं है आज बिल्कुल भी एक एक टॉपिक मैम अच्छे से रिवाइज करवा रही है क्वेश्चन के माध्यम से वेरी गुड वेरी गुड हाँ टोबैको हो गया निकोथिन हो गया वेरी गुड ये कैसे कॉज करते बताइए ये क्या करते प्रोटो ऑंकोजीन क्या होता है बताइए जल्दी और ऑंकोजीन क्या होता है प्रोटो ऑंकोजीन क्या है और अब बताइए मुझे ऑंकोजीन क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑन्कोजीन क्या है और प्रोटो ऑंकोजिन क्या है तो आप क्या बोलेंगे जल्दी बोलो ट्यूमर कॉज करता है वेरी गुड वेरी गुड हम्म जल्दी बोलिए प्रोटो ऑंकोजिन आपके शरीर में आपकी सेल में पाया जाने वाला नॉर्मल जीन है ठीक है इन एजेंट्स की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है ऑन्कोजीन में वेरी गुड इन एजेंट्स की वजह से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है ओंको जीन में ठीक है ठीक है ठीक है हाँ बताइए बताइए वेरी गुड वेरी गुड ठीक 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 चलो अब अगला आपसे सवाल ये है ट्यूमर कितने प्रकार का होता है, है मैं पूरे टॉपिक्स रिवाइज करवाऊंगी मैम आज पूरे टॉपिक्स रिवाइज करवाएंगी जल्दी बताओ ट्यूमर कितने प्रकार का होता है कोई मुझे बता पाएगा हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ट्यूमर वी हैव कितने प्रकार के ट्यूमर है सात सौ बच्चों लाइक करो जरा ट्यूमर कितने प्रकार का होता है जल्दी बताइए दो बनाए हैं मैंने हाँ प्रोटो ऑंकोजीन नॉर्मल जीन है इन एजेंट्स की वजह से ऑंकोजीन में कन्वर्ट हो जाता है कैंसर हो जाता है आपको ठीक है वेरी गुड दो प्रकार का होता है कौन सा कौन कौन सा नाम लिखिए नाम लिखिए कितने प्रकार के होते हैं नाम लिखिए पहला नाम है बिनाइन ठीक है रुकना नहीं है आज पहला नाम है बिनाइन 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 दो प्रकार के ट्यूमर होते हैं पहला ट्यूमर क्या है दो पहला ट्यूमर है बच्चों बी नाइन बी नाइन ट्यूमर ठीक है बी नाइन बी नाइन मतलब वो बिनाइन नहीं बिनाइन एंड मेलेग्नेंट किसी बच्चे का आया है बच्चों मैं सबसे पहले जिसका आया है मैं उसको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करती हूँ तो अच्छा परफॉर्म करोगे सब लोग करोगे सब तो लिख ही रहे हो ठीक है बिनाइन ट्यूमर कौन सा खतरनाक होता है ठीक है हाँ ये तो नहीं आएगा चलो बताओ बताओ मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर ठीक है मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर कौन सी है मोस्ट फियर्ड प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर कौन सी होती है सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी ऑफ कैंसर कौन सी है हाँ बिनाइन एंड मेलिग्नेंट हमको ये समझ में आया कि ये वाला खतरनाक होता है ये बहुत खतरनाक होता है ठीक है चलो सबसे फियर्ड प्रॉपर्टी कैंसर की क्या है वेरी गुड वेरी गुड मेटास्टासिस मेटास्टास जब आपका मेलेग्नेंट ट्यूमर से सेल निकल कर पूरी बॉडी में घूमना शुरू हो जाती हैं ठीक है ठीके? अब आपको सवाल कहाँ से आता है वो भी हो जाए एक बार हालांकि ये पीछे सवाल मेरे ख्याल से क्वेश्चन में दिया है ट्रीटमेंट कैसे करते हैं कैंसर का ठीक है चलिए ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर जल्दी से बता दीजिए कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है हाँ 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 जल्दी बताइए कैंसर का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं एवरीबॉडी जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी। कैंसर का ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं कैंसर का ट्रीटमेंट शुरू हो जाइए आपको रट्टा होना चाहिए यार बायोप्सी से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है क्लियर बायोप्सी से होता है इसे तो डिटेक्शन होता है सॉरी कैंसर का ट्रीटमेंट 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 कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे होता है आपके में अल्फ़ा इंटरफेरॉन अल्फा इंटरफेरॉन ये है आपके में ट्रीटमेंट का आंसर अल्फा इंटरफेरॉन अल्फा इंटरफेरॉन कीमोथेरेपी 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 ठीक है चलो डन विन क्रिस्टीन विन ब्लास्टिंग चलो क्लियर 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 रेडिएशन थेरेपी रेडिएशन थेरेपी ठीक है रेडिएशन थेरेपी क्लियर वेरी गुड ठीक है हैंडराइटिंग में मत जाना धड़ाधड़ बस समझते जाओ ठीक चलिए अब अपन बात करते हैं क्लियर कि कैंसर हो गया ठीक है सीटी स्कैन तो डिटेक्शन होता है लल्ला सीटी स्कैन एमआरआई एक्सरे यूवी ये जो होती है ये होती है डिटेक्शन सबसे अच्छा डिटेक्शन कौन सा है ये भी लिखी दो अब बात चल रही है तो लिखी जो सबसे अच्छा डिटेक्शन कौन सा होता है कैंसर इज़ डन कैंसर के क्वेश्चन भी डन करा दिए मैंने जल्दी बताइए सब सबसे ज़्यादा जो आप वो यूज़ करते हैं बताइए अरे सबसे अधिक कौन सा डिटेक्शन हम यूज़ करते हैं एम आर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाने वाली आपकी वो है एम आर आई 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 यूज़ तो हम एक्सरे करते हैं सी टी स्कैन करते बायोप्सी, हिस्टोपैथोलॉजी करते हैं एम आर आई करते हैं पर सबसे अच्छी एम आर आई होती है क्योंकि इसमें नॉन इन्वेजिव रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं ठीक है चलिए एच आई वी को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट बताइए ठीक है एच को डिटेक्ट करने वाला टेस्ट बताइए फटाफट से चार्ट सेक्शन रुकना नहीं चाहिए आज आज हम चैप्टर के देखो मैम बुक लेके खड़ी है और देख रही है कि कैसे सवाल बन सकते हैं इससे ताकि एक एक लाइन आपकी रिवाइज़ हो सके टेस्ट करने वाला वो बताइए हाँ एच टेस्ट करने वाला वो बताइए क्या है टेस्ट किससे करते हैं टेस्ट का नाम बताइए यस एवरीबॉडी जल्दी 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 एच टेस्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं एलाइज़ा क्या यूज करते हैं बेटा एलाइजा क्या ये कन्फर्मेटरी मेथड है नहीं एलाइजा इज नॉट अ कन्फर्मेटरी मेथड एंजाइम लिंग ऐसे एंड इट इज नॉट द कन्फर्मेटरी मेथड वेस्टर्न ब्लॉटिंग इज द कन्फर्मेटरी मेथड क्लियर है चलो 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 पहला केस एच का कब रिपोर्ट हुआ फर्स्ट केस कब रिपोर्ट हुआ एनसीआरटी की लाइन है फर्स्ट केस कब रिपोर्ट हुआ जल्दी बताइए फर्स्ट केस कब रिपोर्ट हुआ है एवरीबॉडी फर्स्ट केस कब रिपोर्ट हुआ है बच्चों वेस्टर्न ब्लॉटिंग सबसे कंफर्मेटरी जल्दी जल्दी बता दो मुझे ठीक है first case, कब report हुआ है कब हुआ बच्चों एनसीआर टी फॉलो करो एन सी आर टी फॉलो करो है ना चलो ये डन हो गया कैंसर डन हो गया एच डन हो गया ठीक है धतुर हेलो सिनोजिंग एजेंट का नाम बताइए हेलोसिनोजेंस चलिए आपके एनसीईआरटी में हेलोसिनोजेंस किसका किसका एग्जाम्पल है बताइए हाँ हाँ नाइनटीन एटी वन जल्दी बता दीजिए हेलोसिनेजिंग एजेंट का एक हेलोसिनेजिंग एजेंट का नाम बताइए बोलिए 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 एक हेलोसिनेजिंग एजेंट का नाम बता दो मुझे जल्दी से हाँ 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 एक हेलोसिनेजिंग एजेंट का नाम है बेटा धतूरा धतूरा और आपका भांग इसको हम कैनाबिस भी कहते हैं भांग क्लियर धतूरा एंड भांग डन 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 धतूरा एंड भांग हीरोइन ज्यादा डोज लेने पे, ठीक है इर्थ्रोजाइल कोका कोकेन ज्यादा डोज लेने पे कोकेन भी हो सकता है क्लियर डन 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 ठीक चलो ये हो गया है डन आई थिंक अभी और करवाती हूं पहले हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन की ओर मूव कर रहे हैं वेरी शॉर्ट मैंने आपको कई सारे करा दिए हैं उम्मीद कर रही हूं कि अभी तक का रिवीजन आपका शानदार जबरदस्त और जिंदाबाद चल रहा है क्लियर है एल पर एल आपके एन में नहीं है ठीक है एल भी हम करते हैं केमिकल है ये इसको हम सिंथेसाइज करते हैं चलो भैया आगे बढ़ते हैं अब अपन करते हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस शुरू कर लें आर यू रेडी आर यू रेडी फॉर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए रेडी हैं आप चलो आइए वॉट हैपन टू एन इंडिविजुअल वेन आर रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एंड एलकोअर एब्रप्टली डिस्कंटिन्यू वॉट कैरेक्टर्स इज मैनिफेस्ट द इंडिविजुअल सच अचुएशन इफ अ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग एंड एलकोअर इज नॉट इसका क्वेश्चन ये भी हो सकता है प्रोवाइडेड टू एन एडिक्टेड पर्सन ही शोज सम विदड्रोअल सिम्टम लिस्ट एनी फोर सच विद्रोअल सिम्टम चलिए कोई मुझे बता सकता है क्या मुझे कोई बता सकता है बच्चों जल्दी बताइए हाँ आई एम वेटिंग आई एम वेटिंग जल्दी बता दो जल्दी बता दो वॉट हैपेंड अगर कोई रेगुलर डोज लेने वाला शराबी ठीक है ठीक है जल्दी बताइए कि क्या एक रेगुलर डोज लेने वाला शराबी अगर छोड़ वेरी गुड यार वेरी गुड आपको जनरेट होगा विड्रॉल सिम्टम क्या जनरेट होंगे बच्चों जी आपको जनरेट होंगे विड्रॉल सिम्टम ठीक है विड्रॉल सिम्टम जनरेट हो गए आपके हाथ कब कप, कप आएंगे आपको पसीना आएगा इरेगुलर स्पीच हो जाएगी आप एंजाइटी फील करेंगे ठीक है एडिक्टेड पर्सन अगर छोड़ दे तो बॉडी में अनप्रीजेंट सिम्टम अपीयर होते हैं जिसको हम विड्रॉल सिंड्रोम कहते हैं विड्रॉल सिंड्रोम में क्या होता है एन्जाइटी शेकीनेस नोजिया एक्सेसिव स्वेटिंग एडिक्शन क्या होता है क्या कोई डेफिनेशन बता सकता है कि वट डू यू मीन बाय एडिक्शन क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि वॉट इज द एडिक्शन एडिक्शन क्या होता है यस yes, आज मैं बहुत खुश हूं कि कोई बच्चा रुक नहीं रहा है वो एडिक्शन क्या है एनी थिंग फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट विथ सर्टन थिंग

क्लियर है आगे बात करते हैं वाई द स्पोर्ट्स एंड गेम्स इन टेक ऑफ केनाबिनोइ शुड बी बैंड जस्टिफाई द रीजन बताइए हमें केनाबिनोइड पहले किस प्लांट से मिलता है प्लांट का नाम बताओ सबसे पहले प्लांट का नाम बताइए किससे केनाबिनोइड मिलता है यस 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 आज मैं बहुत खुश हूँ आज जो है बिल्कुल आपने धो डाला है ठीक है चलो जल्दी से केनाबिनोइड किससे मिलता है प्लांट का नाम बताइए कैनाबिनोइड के निकलने वाले प्लांट का नाम बताइए बच्चों यस 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 टेम्परेरी साइट ऑफ वेल्बिंग तो देता ही है कैनाबिनोइड बोलिए जल्दी से कैनाबिस बि सटाइवा भैया आठ सौ से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं जल्दी से लाइक तो करो आठ सौ कैना सटाइवा भांग धतूरा खाकर भांग 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 क्यों बैन कर देते हैं लोगों को क्यों बैन कर देते हैं बताओ क्यों ये आपको बैन कर देते हैं मतलब क्यों आपको ये बोल दिया जाता है कि भैया आप आप सुनो ऐसा है कि स्पोर्ट्स पर्सन भाग लेके नहीं करेगा बताइए जल्दी से केना जो होते हैं एथलीट इसको मिसयूज करते हैं ठीक है वेरी गुड ठीक वेरी गुड इसका इफेक्ट कहाँ होता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में होता है ना कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को ये बढ़ा सकता है अगर आपकी हार्ट बीट ज़्यादा होगी तो ब्लड सर्कुलेशन भी ज़्यादा होगा और अगर ब्लड सर्कुलेशन होगा तो एथलीट बहुत ज़्यादा एक्टिव रहेगा और ज़्यादा देर तक दौड़ पाएगा बेचारे सब थक के बेहोश हो रहे हैं ये दौड़े जा रहे हैं तो कहना बीना एथलीट में बै, बैन होता है क्योंकि ये इन्हांस कर देता है परफॉर्मेंस को क्लियर है वेरी गुड अगर कोई लेता है तो उसको वो उसको मना कर दिया जाता है डोप टेस्ट कहते हैं जिसको हम तो अगर आप लो, लोगों को लगता है कि मतलब Спасибо. क्यों बैन कर दिया जाता है ये इसलिए बैन किया दिया जाता है कि भैया ऐसा है भैया ऐसा है कि आप मत लीजिए इसको क्यों मत लीजिए क्योंकि ये एक्टिवेटेड एक्टिवेट करता है कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम को यस आपको एक्टिवेट कर देगा आपके ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होगा आप ज़्यादा लोड़ेंगे दिस कैन हैव अ सीरियस नेगेटिव इफेक्ट ऑन द जनरल हेल्थ इन लॉन्ग टर्म अगर आप भागते रहोगे भैया एक आदमी की एक, 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 एक एफिशियंसी होती है और अगर उस एफिसंसी से वो अपना काम करते रहे लिसन टू मी वेरी केयरफुली हर आदमी की एक अपनी एफिशेंसी होती है दवाई ले लेकर शराब पी पी के अगर वो अपनी एफिशेंसी को बढ़ा रहा है तो भैया लॉन्ग टर्म तक कैसे चलेगा स्टेमिना yes, इंक्रीज करते हैं इससे वेरी गुड ठीक है तो इसलिए इसका इंटेक बैन होता है इनफैक्ट जो केमिकल्स आपके होते हैं ड्रग्स एम्फिटामाइन को भी लोग करते डोप टेस्ट कराया जाता है ना इसीलिए डोप टेस्ट ओके एवरीबॉडी What is the basic principle of vaccination? How do vaccine prevent the microbial infection? Name the organism जिससे hepatitis B produce होता है। पहले तो छोड़िए। आप मुझे बताइए hepatitis B vaccine हमने किस organism में produce की थी? जल्दी बताइए हेपेटाइटिस बी वैक्सीन हमने किस ऑर्गेनिज्म में प्रोड्यूस की थी जल्दी बता दो मुझे हेपेटाइटिस का किस में किया था हमने जल्दी बताइए हेपेटाइटिस जो होती है ये हम लोगों ने प्रोड्यूस की थी ईस्ट में ये लाइन बिल्कुल एनसीआरटी की लाइन है बाकी सब आपको आता है वेरी गुड ठीक है बाकी सब आपको आता है जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बताया द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इम्यूनाइजेशन इम्यूनाइजेशन मतलब वैक्सीन लगने के बाद जो रिस्पॉन्स होता है इसको हम इम्यूनाइजेशन कहते हैं इट इज़ बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ मेमरी कितनी भयंकर मेमरी बनी है एनसीआरटी के एक एक लाइन रट मारना है हमको और कल तक तो रट्टा हो जाएगा पूरा मुझे याद है पूरी रट्टाफिकेशन हो जाएगी आपके डन में इन वैक्सीनेशन हम एंटीजन देते हैं जिसके खिलाफ एंटीजन किस फॉर्म में देते हैं इनएक्टिव फॉर्म में देते हैं जिससे बॉडी का जो है माइल्ड इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है उसके बाद एंटीबॉडी पैथोजन को न्यूट्रलाइज कर देती है और मेमोरी बी और टी सेल बनाती हैं उसके बाद जब ये फ्यूचर में आता है तो ये मेमोरी और बी सेल और टी सेल इतनी भयंकर डिवाइड होती है कि मैसिव इम्यून रिस्पॉन्स बॉडी में जनरेट होता है क्लियर है क्लियर है बच्चों कल तक तो बिल्कुल आप प्रो बन जाएंगे बायोलॉजी के छह चैप्टर में कल सुबह जब मैं पांच बजे आपको रिविजन करवाऊंगी तो यू बिकम प्रो ठीक है हाँ कल सुबह पांच बजे मैम फुल बायोलॉजी का रिवीजन होगा ठीक है फुल बायोलॉजी एग्जाम के देने से पहले फुल बायोलॉजी रिवीजन पांच बजे तो आप उठते ही होंगे मैम के साथ एक बार फुल बायोलॉजी रिवीजन कल कोई बातचीत नहीं होगी सिर्फ रिवीजन होगा तीन घंटे तक ठीक है दो ढाई घंटे पूरा छः चैप्टर ठीक है चलो चलो हाँ आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन ठीक है गिव द फुल फॉर्म ऑफ सी टी स्कैन एंड एम आर आई ठीक है जल्दी जल्दी बताइए सीटी स्कैन और एमआरआई का फुल फॉर्म बताइए और ये दोनों एक दूसरे से कैसे हैं ठीक है चलो 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 ठीक है <coughs> चलो 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 है हाँ, 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 हाँ। जल्दी बताइए कैसे होता है अभी भी स्लो चल रहे हैं शायद अरे धीरे कैसे हो गए आज धीरे नहीं होना है बताइए सीटी स्कैन का फुल फॉर्म क्या होता है वट इज अ फुल फॉर्म ऑफ सीटी स्कैन सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी कंप्यूटेड टोमोग्राफी ठीक है सीटी स्कैन का फुल फॉर्म होता है कंप्यूटेड टोमोग्राफी बच्चों क्लियर है कंप्यूटेड टोमोग्राफी इज़ द फुल फॉर्म ऑफ द सीटी स्कैन क्लियर है इसमें इसको कैसे करते हैं इसमें क्या रेज इस्तेमाल करते हैं कौन सी रेज का इस्तेमाल होता है इसमें कोई बता पाएगा मुझे जल्दी 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 क्या मुझे कोई बता पाएगा कि इसमें किस प्रकार की रेज का इस्तेमाल होता है इसमें हम इस्तेमाल करते हैं एक्स रेज किस डायमेंशन का इमेज देखते हैं हम इसमें थ्री डायमेंशन की इमेज देखने के लिए किया जाता है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड इसमें हम एक्स रेज का इस्तेमाल करके थ्री डी इमेज देखते हैं किसी भी ऑर्गन की ठीक है और एम आर आई वेरी गुड एवरीबाडी ठीक है और एम आर आई का फुल फॉर्म क्या होता है एम आर आई का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक ठीक है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये है इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ द एम आर आई ई ठीक है ठीक 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 एम में हम मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं ताकि हम चीज़ों की इमेजिंग कर सकें ठीक है ताकि हम चीज़ों की बेटा जी क्या कर सकें इमेजिंग कर सकें मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ठीक है मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करते हैं इसमें कोई इन्वेजिव रेडिएशन इस्तेमाल नहीं की जाती इसलिए यह बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल मेथड होता है ठीक है कंप्यूटर टोमोग्राफी एक्स रेज थ्री डी ऑर्गन इमेजिंग के लिए किया जाता है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग इसमें स्ट्रांग

हाँ 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 ठीक है डिटेक्ट कैंसर कर सकते हैं कैंसर कर नहीं सकते कैंसर डिटेक्ट कर सकते हैं चलिए अब आपको ये बताना है बच्चों कि कौन सा एक्वायर्ड इम्यून रिस्पॉन्स जो है उसमें कौन से लिफोसाइट होते हैं ठीक है जल्दी बता दो जल्दी बताओ हाँ बहुत मजा आ रहा है ना मजा आएगा पहले रिवीजन कर लो सारा मजा तो ठीक ही है जल्दी बता दो एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के लिए हम कौन से लिम्फोसाइट जनरेट करते हैं एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के लिए कौन सी इम्यून लिम्फोसाइट जनरेट करते हैं यस यस बी भी और सिर्फ टी नहीं लिखना बी लिम्फोसाइड भी और आपकी टी लिम्फोसाइड भी दोनों बी एंड टी दोनों लिम्फोसाइट आपके एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम का ही पार्ट है बाकी दुनियादारी की जितनी है आपकी डब्ल्यू वो सब आपके किसका पार्ट है यस बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट दिस इज द पार्ट ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी बाकी सब आपकी इनेट इम्यूनिटी की पार्ट है यस एवरीबॉडी ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया चलिए 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 आगे आइए तो हिम्यूरल बी इम्फोसाइड से कौन सा रिस्पॉन्स जनरेट होता है हिम्यूरल इम्यून रिस्पॉन्स एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पांस और टी लम्फोसाइड से जनरेट होता है सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स चलो भैया अब आपको इसके फुल फॉर्म बताने हैं क्या आप लोग रेडी हैं फुल फॉर्म बताने के लिए आर यू रेडी जल्दी आ जाइए फुल फॉर्म बताइए माल्ट का फुल फॉर्म बताइए फटाफट से माल्ट का अरे सुनो 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 ठीक है जल्दी बता दो फटाफट से आप भी धीरे कैसे हो यार धीरे नहीं होना है चैट स्लो कैसे चल रहा है मुझे लग रहा है स्लो मैम को मिल रहा है तेज तो चल तो तेज ही रहा है हाँ 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 हा। जल्दी बता दीजिए क्या है द फॉलोइंग बताइए एब्रीवेशन बताइए माल्ट का ठीक है माल्ट का एब्रीवेशन क्या है म्यूकोजल एसोसिएटेड टिश्यू टिश्यू, टिश्यू म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू कितना परसेंटेज होता है आपकी बॉडी में परसेंटेज बताओ कितना परसेंटेज होता है म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आपके शरीर में कितना परसेंटेज होता है कोई मुझे बता पाएगा म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू आपके शरीर में कितना परसेंट होता है

जल्दी बताइए म्यूकोजन एसोसिएटेड सेल म्यूडिएटेड एक्वायर्ड इम्यून ठीक है एचआईवी ह्यूमन नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये आपके एनसीआर के एड्स के आखिरी पेज पे लिखा हुआ है ना को 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 ना 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 का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए ठीक है नेशनल एड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इट इज अ फुल फॉर्म ऑफ द नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ये आपको मेजर्स बताती है चलो 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 एक स्टेटमेंट एक डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर एड्स में एक स्टेटमेंट लिखा है क्या मुझे बता सकते हैं वो कौन सा स्टेटमेंट है एनसीआर में एड्स के अंदर एक डबल इनवर्टेड कॉमा के अंदर एक स्टेटमेंट लिखा है क्या कोई बच्चा वो स्टेटमेंट बता सकता है यस 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 ये गेस्ट पेपर नहीं है ये मैराथन है गेस्ट पेपर आज तीन बजे गैस पेपर आज तीन बजे होगा जल्दी 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 बता दो एक बता स्टेटमेंट दिया है बस यस ड्रीम अचीवर बहुत बढ़िया ड्रीम अचीवर इमरान शरीफ बहुत बढ़िया श्रुति यादव बहुत बढ़िया मोहित डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस बेटा ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है ठीक है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस इग्नोरेंस की वजह से मत मर जाना क्लियर है डोंट डाई ऑफ इग्नोरेंस याद तो सब करवा दिए सब याद है बच्चों को एग्जाम्प आपको एकदम तैयार है बढ़िया है आप इम्यून सिस्टम ऑफ अ पर्सन इज सप्रेस्ड ठीक है इम्यून सिस्टम पर्सन का सप्रेस हो गया है इन द एलाइजा टेस्ट ही वॉज फाउंड टू पॉजिटिव टू अ पैथोजन बताइए कौन सा है वो पैथोजन एलाइजा करवाया उसने भाई साहब एलाइजा करवाया एलाइजा करवाया ठीक है डन 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 जल्दी बताइए एलाइजा करवाया डन 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 अब उसको कौन सा पैथोजन का इन्फेक्शन हो गया है बच्चों बता दो जल्दी से मुझे मेरे लल्ला मेरे बच्चों मेरे आंखों के तारो चांद से ठीक है बोलिए बोलिए सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे अभी बिल्कुल शांत रहिए आप लोग ठीक है बिल्कुल 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 शांत रहिए बोलिए क्लियर <laughs> रुक क्यों रहे हो यार चैट सेक्शन में बिल्कुल आग लगा देना है एक भी मिनट रुकना नहीं है हमको यस 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 जल्दी बताइए अगर हमने किसी पर्सन का इम्यून सिस्टम बहुत लो है उसको डायरिया होता है उसको उल्टी हो रही है बुखार हो रही है उसका टेस्ट कराया गया है एलाइजा का तो उसे कौन सी टेस्टिंग चल रही है कौन सी बीमारी की टेस्टिंग कराई गई उसकी बोलिए उसकी टेस्टिंग कराई गई है एच की ठीक है उसको में भी एच हो गया है ठीक है एच आई ओके पॉजिटिव एजेंट क्या है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशेंसी वायरस ठीक है कौन सी सेल इफेक्टेड होती है टी सेल टी में भी कौन सी सेल टी हेल्पर सेल वेरी गुड वही मैं सोचू कि तीन तीन क्यों लिख रहे हो आगे के क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो हाँ हाँ ठीक है दो 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 आज अपने को वन के करना है इधर है ना आ जाओ हाँ कहां थे तो पेशेंट सफरिंग फ्रॉम एड्स एज uh, का कॉज बाय द ह्यूमन इम्यूनो एफिशिय वायरस ठीक है इस कारण जेनेटिक मटेरियल होता है और टी सेल अफेक्टेड होती है क्लियर टी में भी कौन सेल बच्चों टी में भी कौन सी सेल टी में भी कौन सी सेल ठीक है टी में भी कौन सी सेल अफेक्टेड होती है जल्दी बोलो टी में भी हेल्पर सेल रुकना नहीं है बच्चों आज बिल्कुल नहीं रुकना है आज हमें आग लगा देनी है ये याद रखना है ठीक चलो अगला सवाल अगला सवाल वट प्रिकॉशन वुड यू रिकमेंड टू अ पेशेंट रिंग रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन क्या प्रिकॉशन आप बोलोगे कि भैया अगर किसी को रिपीटेड किसी को ब्लड कैंसर हो गया सपोज दैट ठीक है सपोज दैट किसी को ब्लड कैंसर हो गया सपोज दैट कि किसी को क्या हो गया ब्लड कैंसर तो उसको क्या बोलोगे क्या करो क्या करो बोलो जल्दी बोलो किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है उसको भैया ब्लड कैंसर हो गया है ब्लड ट्रांसफ्यूजन अगर उसे कराना है तो वो क्या करे अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है तो सबसे पहले वो क्या करेगा अगर किसी को बेटा जी लल्ला जी जी मुन्नो जी किसी को अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना है तो सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग कराओ किसी और का ब्लड मत चढ़ा देना दूसरी ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन जब आप करा रहे हो तो पेशेंट की सिरिंज एक्सचेंज मत कर लेना ठीक है यस 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 ठीक है ओके किसी की सिरिंज एक्सचेंज मत कर लेना ठीक है सिरिंज एक्सचेंज कर लोगे तो एचआईवी होने के चांसेस हो सकते हैं क्लियर ठीक है तो जब आप रिपीटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं मे बी आपको ब्लड कैंसर हो तो ये इंश्योर करिए कि डोनर का ब्लड एच आई वी स्क्रीनड हो समझ गए एच आई वी स्क्रीनड होना चाहिए क्योंकि अगर आपके डोनर का ब्लड एच आई वी स्क्रीनड नहीं होगा तो हो सकता है कि आप खुद भी एच आई वी के सफरिंग हो जाए यूज ऑफ डि सीरेंज और नीडल जो आप घुसा रहे हो ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए वो डिस्पोजेबल होने चाहिए ब्लड ग्रुप पीछे की अगला सवाल अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है इफ द एडवाइस इज नॉट फॉलोड बाई द पेशेंट अगर नहीं किया गया तो पेशेंट माइड बी कॉन्टैक्ट विद कॉन्टेक्ट द डिजीज दैट वुड डिस्ट्रॉय द इम्यून सिस्टम कौन सी डिजीज हो सकती है उसको एड्स हो सकते

You have to tell कि किस तरीके से उसका इम्यून सिस्टम जो है फ्लो चार्ट आगे दिया हुआ है फ्लो चार्ट आगे लॉन्ग आंसर में मैम ने लगाया है तो इसका फ्लो चार्ट हम लोग जो है लास्ट में लॉन्ग आंसर में देखेंगे इसको मुझे याद दिलाना ठीक है नहीं तो अदरवाइज आई विल मेक इट फॉर यू ठीक है ला... लाइक्स नहीं बढ़ रहे हैं बढ़ जाएंगे लाइक्स तुम इसका स्ट्रेस मत लो ठीक है बच्चों आ जाओ आ जाओ, आ जाओ जाओ ठीक है तो ये समझ में आया कि आपको जब भी ब्लड ग्रुपिंग ट्रांसफर कराने ब्लड ग्रुप ब्लड चढ़ाने जाएं तो आपको इस बात का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए कि, कि कभी भी जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा रहे हैं तो उसका ब्लड ग्रुप टेस्ट करिए पता चला उसको एच वायरस है तो भैया आपको भी हो जाएगा क्लियर क्लियर है इतनी बात आई होप इतनी बात आपको समझ में आ गई नेक्स्ट क्वेश्चन द टोबैको स्मोकिंग इज एसोसिएटेड विद द राइज इन ब्लड प्रेशर एंड इम्फाइसीमा ऑक्सीजन डिफिशियंटी इन द बॉडी एक्सप्लेन टोबैको से किस तरीके से आपको जो है इम्फाइसीमा हो जाता है टोबैको में निकोटीन होता है निकोटीन यस 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 येस थैंक यू सो मच मेहनत तो मैं कर ही रही हूँ और कल तक मेहनत बिल्कुल भयंकर होने वाली है और टोबैको स्मोकिंग जो है वो हमारे लिए बहुत भयंकर इंजीरियस होती है इससे इम्फाइसीमा हो जाता है आपको क्यों रीजन कोई बता सकते हैं क्या एक्सप्लेन करना है बोलिए जल्दी जल्दी से से क्या क्या जो है है बताइए टोबैको हमें हो 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 जाता है। स्लो हो रहे आप लोग कोई बता सकता है कोई बच्चा जो यहां बैठा हो वो बता सकता है कि क्यों होता है देखो भैया सीधी बात है निकोटीन निकोटीन की वजह से अरे निकोटीन तो होता है सबको पता है कि तमाकू में होता है पर निकोटीन क्या करता है आपके पूरे ब्रोंकाइटिस को इरोड करता है समझ रहे हो बात को आपकी पूरी ब्रोंकाइटिस को इरोड करता है कौन निकोटीन निकोटीन जब आपकी पूरी ब्रोंकाइटिस को इरोड करता है तो उसमें क्या जनरेट होता है इंफ्लेमेशन जनरेट होता है फिर वहां से यस 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 ऑफ ऑक्सीजन होना शुरू हो जाती है निकोटीन बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन को रिड्यूस कर देता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की डिफिशियंसी शुरू हो जाती है तो टोबैको स्मोकिंग इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन

सीमा और हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियां हो जाती है हाई ब्लड प्रेशर यस 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 हाँ 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 यस यस और निकोटीन की वजह से एड्रिनल ग्लैंड जो होती है वो आपका एड्रनिलिन एंड नॉर एड्रेनिन निकालना शुरू कर देती है और एड्रेनिन एंड नॉर एड्रनिन की वजह से आपका बीपी इंक्रीज हो जाता है आप एक्साइटेड फील करते हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है पर एक्चुअली ये कोई अच्छी बात नहीं है क्लियर है यस यस प्रियांशी बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो निकोटीन की वजह से क्या होता है निकोटीन की वजह से होता है आपका बीपी इंक्रीज निकोटीन की वजह से होता है आपको इम्फाइसीमा निकोटीन की वजह से आपकी बॉडी में ऑक्सीजन की कमी क्लियर अगला सवाल वाई देयर आर फीय द गार्जियन दैट देर मे गेट ट्रैप इन ड्रग एंड एल्कोहल अब्यूज भैया ये सवाल जो है जनरल अवेयरनेस का है डेफिनेटली पूछा जाएगा डेफिनेटली ये पूछा जाएगा समझ में आ रही बात ये जनरल अवेयरनेस के सवाल हैं और माताओं बहनों डेफिनेटली ये पूछा जाएगा समझ में आई बात अभी माइक्रोराइजर पे आएगी मैम सब समझा रही है स्ट्रेस नहीं लेना है ये आपका अल्कोहल शराब जो है सिगरेट ये डेफिनेटली पूछा जाएगा क्योंकि आजकल हम लोगों के यहां बड़ा प्रचलन है इन चीजों का ठीक है तो आप मुझे बताइए कैसे तो एज बिटवीन 12 से 18 साल इसको हम कहते हैं एडोसेन टीन है यहां तक के बच्चे जो हैं जल्दी जल्दी ड्रीम दीवानी अब नहीं आज नहीं करना बिल्कुल नहीं तो आज सच में मैम बहुत सीरियस है तो एज बिल्कुल ट्वेल्व से लेकर थर्टीन ईयर तक वालों को हम कहते हैं एडोलिसेंट और सबसे ज्यादा गार्जियन में फियर ये रहता है कि इसी एज में कि बेचारे कहीं न हो जाए है ना बताओ उनको ये लगता है इस संगति से दूर रहना तो भैया ये है क्योंकि सिवरल बायोलॉजिकल और बिहेवियरल चेंज उसके बॉडी में चल रहे होते हैं साइकोलॉजी ये बोलती है कि अपने अच्छे कूल दोस्त बनाओ वो कूल दोस्त अगर शराब पीते होंगे तो डेफिनेटली आप शराब पीना शुरू कर दोगे लोग क्यूरियस होते हैं कि एक बार पी के तो देखें बड़ा कूल लगता है एक्साइटमेंट एडवेंचर डिप्रेशन वेरी गुड छोटे बच्चों को डिप्रेशन डिप्रेशन तो वैसे कम ही होता है पर एक रीजन हो सकता है दूसरी बात एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा होता है लोगों को ये लगता है एक बार करके तो देखें

कूलनेस फ्रस्टेशन डिप्रेशन एवॉर्ड स्ट्रेस इनकी वजह से एडिक्शन क्या है एडिक्शन इज ए फिजियोलॉजिकल अटैचमेंट विदेन इफेक्ट सचेस यूफोरिया टेम्परेरी वेलबींग आप शराब पीना क्यों पसंद करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि शराब पीने से सिगरेट पीने से कुछ समय तक उनका जो बॉडी है वो खुश है तो टेम्परेरी यूफोरिया के चक्कर में वो लेना शुरू करते हैं फिर रेगुलर बेसिस में लेने लगते हैं और इवन जो है जब उनको कुछ नहीं भी करना है तो भी और इसी के चक्कर वो सेल्फ डिस्ट्रक्टिव जाते हैं और आपको मैं बता दूं कि वर्ल्ड में ज्यादातर सुइसाइड एल्कोहल या नशा करने के बाद ही होते हैं समझ में आ गई बात यस यस जानवी ठीक है समझ में आ गई बात कोई हाँ यस समझ में आ गई जानवी इट इज यस जानवी बहुत बढ़िया ठीक है डिपेंडेंस क्या होता है डिपेंडेंस वो होता है जब आप उसको छोड़ देते हैं तो आपकी बॉडी में विड्रॉल सिम्टम जनरेट होते हैं और जो है इस सिम्टम के चक्कर में लोग डिटैच हो जाते हैं अपनी सोशल चीज़ों से और बातचीत करने में बड़ा डरने लगते हैं इतनी बात आपको समझ आई बच्चों इतनी बात आपको समझ में आई यस 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 एवरीबॉडी क्लियर क्लियर टू यू बोलिए जल्दी से क्या ये बात आपको क्लियर है ठीक थैंक यू थैंक यू एवरीवन थैंक यू चलिए शाउट आउट कर रहे हो मेरे नाम का करो थैंक यू सो मच आई होप यू लाइक द सेशन अगर सेशन अच्छा लग रहा है ट्वेल्थ का एग्जाम कल तक है और बच्चों को बता दो उनका भी भला करो ठीक है ये मत सोचो कि आपका वो होगा तो ये याद रखना कि डिपेंडेंस अगर आप किसी चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं ठीक है किसी चीज़ के ऊपर अगर आप डिपेंडेंट है और अगर उसको छोड़ देते हैं डिपेंडेंट uh, है तो इस एडिक्शन छोड़ दोगे तो विड्रॉल होगा दिस इज डिपेंडेंस क्लियर क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ट्रू ड्रग्स ऑप्टेन फ्रॉम पॉपी जल्दी बता दीजिए जल्दी 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 यस <clears throat> yes, इतना सफिशियंट है ठीक है आई थिंक इतना सफिशियंट है थैंक यू सो मच थैंक यू एवरीबॉडी इतना मुझे प्यार देने के लिए ठीक है ये प्यार ही है जो मुझे इतना जोश से भर देता है थैंक यू चलो ओके नेम ट्रू ड्रग्स टू ड्रग्स ऑप्टेन फ्रॉम द पॉपी प्लांट पॉपी अरे भांग क्यों बोल रहे हो कन्हैया कन्हैया तुम्हारा नाम कन्हैया है और जो है तो बातें तुम ऐसी कर रहे हो जल्दी बता दो नेम टू ड्रग ऑपटेन फ्रॉम द पॉपी पॉपी से कौन सी ड्रग निकलती है जल्दी बता दो बच्चों पॉपी से कौन सी ड्रग निकलती है हाँ 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 पॉपी से पहली तो लिख देना ओपियोड ठीक है पॉपी से पहली तो क्या लिखोगे बच्चों पॉपी से पहली लिखोगे ओपियोइड ओपियोइड से को जब हम प्योरीफाई करते हैं ओपियोइड को जब हम प्योरीफाई करते हैं तो निकलता है मॉर्फिन ठीक है ओपियोइड को जब हम प्योरीफाई करेंगे तो क्या निकलेगा बच्चों ओपियोइड को जब हम प्योरीफाई करेंगे तो निकलेगा मॉर्फिन ठीक है मॉर्फिन और फिर मॉर्फिन का जब हम डाई एसेटाइलेशन कर देते हैं तो निकलता है हीरोइन ठीक है तो ये कहाँ था याद है आपको कि बहुत हीरोइन बनती थी अफग़ानिस्तान में जाके नाचती थी ठीक है तो ये ज़्यादातर अफ़ग़ानिस्तान की ड्रग है जिसने टेररिज्म को फंड किया है ठीक चल 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 आगे बढ़ते हैं

ठीक ठीक है है इस इसलिए लोग इसको अब्यूज करना शुरू कर देते हैं समझ में हीरोइन इज ऑल्सो कॉल्ड ए स्मोक स्मैक स्नॉट करके लिया जाता है ऐसे ऐसे बिछा लेते फिर ऐसे करके कर लेते हैं क्लियर ठीक अब तुम्हारी मम्मियां सुनेंगे तो फिर बोलेंगे मैम क्या सिखा रही हैं फॉलोइंग रोड एक्सीडेंट फोर इंजीरियस पर्सन were brought to a nearby clinic. The doctor immediately injected them with tetanus antitoxin. ठीक है वॉट इज टिटेनस एंटीटॉक्सिन चार लोगों का एक्सीडेंट हो गया हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया और उनको बोला गया कि टिटनस का लगाइए इंजेक्शन क्या होता है टिटनस का इंजेक्शन मैम पानी पी लिया जल्दी, जल्दी 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 ये चैप्टर खत्म करना है हमको हाँ चल चल चलो जल्दी बताओ क्या होता है टिटेनस का एंटीटॉक्सिन हैं है, है, जल्दी आर्यन खान <coughs> बोलो जल्दी क्या होता है वैक्सीन नहीं होता और क्या होता है एंटीवेनम भी नहीं होता सांप लेता है तब एंटीवेनम होता और बताओ अभी भी पैसिव इम्यूनिटी है पर क्या देते हो इसके साथ ये क्या है क्या चीज है ये एंटीबॉडी पर कैसी एंटीबॉडी बोलिए हाँ अभी इट इट गिव्स यू पैसिव इम्यूनिटी बट व्हाट यू आर गोइंग टू गिव इन दिस क्या कंटेंट है इसका एंटीबायोटिक भी नहीं है हाँ बोले 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 पैसिव एंटीबॉडी वेरी गुड परफॉर्म्ड एंटीबॉडी परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज ठीक है इट इज परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज ठीक है बच्चों इट इज परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज पहले से रेडीमेड एंटीबॉडीज आप इसको देते हैं यार दिस इज टिटेनस एंटीडॉक्सिन ये एक पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है बच्चों ये पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है एवरीबॉडी व्हाई वर इंजर्ड इमीडिएटली इंफेक्टेड विथ दिस एंटीडॉक्सिन क्यों दिया गया ये ठीक है जल्दी बताओ ये क्यों दिया गया है क्यों क्यों वाई द रीजन बिहाइंड इट कि हम परफॉर्म एंटीबॉडी दे रहे हैं क्योंकि क्लॉस्टीडियम से होता है टिटेनस और क्लॉस्टीडियम एक बहुत भयंकर एनोरोबी बैक्टीरिया है ये तुरंत आपको जो है कॉन्ट्रैक्ट कर देगा आप मर सकते हैं तो तुरंत इमिजिएट रिलीफ के लिए आपको तुरंत वाली एंटीबॉडीज देनी पड़ेगी ताकि टॉक्सिन जो क्लॉस्टीडियम से निकल रहे हैं उनको न्यूट्रलाइज कराया जाए वेरी गुड उत्कर्ष ठीक है तो आप चाहते हैं कि टॉक्सिन अगर आपका न्यूट्रलाइज कराया जाए तो आपको यही एंटीबॉडी देनी पड़ेगी के टॉक्सिन को तुरंत बाइंड करता है कौन तुरंत बाइंड करता है आपका एंटीबॉडी और उसको न्यूट्रलाइज कर देता है आप से बच जाते इसीलिए लोग कहते हैं कि कहीं गिर गए कहीं सॉइल से कॉन्टेक्ट में है तो बाईस से अड़तालीस घंटे के अंदर आपको ये लगा लेना नहीं तो पता चला निकल लिए क्लियर नेक्स्ट नेम द काइंड ऑफ इम्यूनिटी दिस रिजेक्शन इज इंजेक्शन इज प्रोवाइडेड किस प्रकार की इम्यूनिटी आपको दे रहा है पैसिव इम्यूनिटी क्लियर है पैसिव इम्यूनिटी पैसिव एक्टिव या पैसिव मतलब पैसिव आर्टिफिशियल या पैसिव नेचुरल जल्दी बता दो पैसिव आर्टिफिशियल या पैसिव नेचुरल आज हमें वन के वॉचिंग के ऊपर जाना है भैया नाइन ट्वेंटी रुपये हम आ चुके हैं जल्दी बताइए पैसिव आर्टिफिशियल या पैसिव नेचुरल पैसिव आर्टिफिशियल या पैसिव नेचुरल जल्दी 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 बताओ पैसिव हाँ पैसिव में भी आर्टिफिशियल है नेचुरल आर्टिफिशियल है नेचुरल कौन सी कौन सी कौन सी पैसिव आर्टिफिशियल यस उत्कर्ष इज वन ऑफ द बच्चा जो सबसे पहले जवाब देता है पैसिव आर्टिफिशियल आप पिला रहे हो ना बाहर से एंटीबॉडी तो हुई ना आर्टिफिशियल डंडा 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 डारा चलिए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये है डन तो टिटेनस क्लोस्टियम नि, से निकलता है टिटेनस एंटीटॉक्सिन जो है वो बहुत दिया जाता है ये क्लियर हो गया ये आंसर ले लीजिए क्विक के लिए दिया जाता है बैठे नहीं रहेंगे अपन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनाइजेशन बच्चों ठीक है वॉट इज कैंसर पहले अपन ये डिस्कस करते हैं हर सवाल को पार्ट्स में लिखो कभी भी लिखने के समय ध्यान रखना वेन एवर यू आर राइटिंग योर आंसर बच्चो जब भी आप अपना आंसर लिख रहे हो ये बात आप विशेष तौर से याद रखना कि क्वेश्चन पार्ट में दिया हुआ है और आपको वैसे ही लिखना है ठीक है स्टिकी एंड कैसे लाइगेट होते हैं उस चैप्टर के क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे काहे इतना घबरा रहे हो यार चलो आओ बच्चों व्हाट इज कैंसर कैंसर कैसे डिफरेंट है नॉर्मल सेल से हाउ डू नॉर्मल सेल अटैक द कैंसर सेल नेचर कैंसर क्या होता है सबसे पहले सबसे पहले एवरीबॉडी कैंसर इज द अब नॉर्मल अनकंट्रोल डिविजन ऑफ सेल ये क्या है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल जब आपकी बॉडी की कोई सेल डिवीजन करने की प्रॉपर्टी को खो दे समझो बात को जब आपकी कोई बॉडी की सेल डिवीजन करने की प्रॉपर्टी को खो देती है तो इसे हम कैंसर कहते हैं क्लियर है तो इट इज अनकंट्रोल्ड डिविजन ऑफ सेल टर्म कैंसर जीन जो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है उनको हम ऑंको जीन कहते हैं यह भी हमने डिस्कस किया ठीक है उसके बाद नॉर्मल सेल में प्रोटो ऑंकोजीन होता है पर कैंसर कार्सिनोजेंस की वजह से ये ऑंकोजीन में कन्वर्ट हो जाता है एक्टिवेटेड इन सर्टेन कंडीशन ऑंकोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल सेल लीडिंग टू द कैंसर समझ में आ गई बात बस 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 बास ठीक है चलो अ कैंसर सेल इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल सेल क्यों कैंसर सेल और नॉर्मल सेल में अंतर देख लीजिए कैंसर <coughs> सेल और नॉर्मल सेल में बच्चों जी अंतर देख लीजिए कैंसर सेल जो होती है अनकंट्रोल्ड मैनर में पागलों की तरह डिवाइड होती है ठीक है पागलों की तरह डिवाइड होती है इसमें कांटेक्ट जैसा कुछ भी नहीं होता ये एक कंट्रोल्ड मैनर में होती है जब ये टच हो जाती है एक दूसरे से तो वहां से आगे डिवाइड नहीं कर सकती लाइफ स्पैन इनका है ही नहीं अनकंट्रोल्ड है ये और ये एक समय के बाद अपने आप डेड हो जाती हैं क्लियर हो गया इतना बात बोलिए जल्दी से इज दिस क्लियर टू यू पीपल क्या ये सब कुछ आपको क्लियर है डन मैम कुछ सवाल पूछ लें आपसे अब आर यू रेडी कि मैम आपसे थोड़े, थोड़े से सवाल कर लें <laughs> <laughs> जल्दी बता दो आर यू रेडी कि मैम थोड़े से सवाल कर लें आपसे जल्दी बता दो आर यू रेडी चलो क्वेश्चंस <coughs> जो है मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ ओके 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 बच्चों ओके ठीक है चलिए व्हाट इज द ओके 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 लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होते हैं क्या मुझे कोई बच्चा ये बता सकता है कि वॉट इज द लिम्फॉइड ऑर्गन थोड़े से सवाल मैम करेगी ठीक है क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर के बाद आपको अपनी बुक भी ना उठानी पड़े इतना सॉलिड रिविजन हो जाए व्हाट इज़ द लिम्फॉइड ऑर्गन येस यू आर रेडी आई नो दैट यू आर रेडी ठीक है आई नो यू आर रेडी जल्दी से मुझे बताओ वट इज द लिम्फॉइड ऑर्गन बच्चों क्या होता है लिम्फॉइड ऑर्गन लिम्फॉइड ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जहां पे लिम्फ का फॉर्मेशन होता है यस 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 ठीक है यस 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 टीलोमरेज एक्टिविटी में बताती हूँ जब हम लोग सेल डिवाइड करते हैं तो जो आपका टीलोमर होता है क्रोमोजोम का वो छोटा होता जाता है पर कैंसर सेल्स में टीलोमर कभी छोटा नहीं होता जब टीलोमर छोटा नहीं होता क्रोमोजोम का साइज वैसा ही बना रहता है तो कभी सेल डिविजन रुकता ही नहीं है यस 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 लिम्फोइड लिम्फॉइड ऑर्गन क्या होता है लिम्फोइड ऑर्गन जिसके अंदर लिम्फ बनता है और प्रोटेक्शन मिलता है हाउ मेनी लिम्फॉइड ऑर्गन वी हैव प्राइमरी एंड सेकेंडरी प्राइमरी में क्या आता है बोन मेरो थाइमस ठीक है चलो अगला सवाल अगला सवाल ठीक है चलो 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 बुक लेती हूँ और पूछती हूँ कुछ छूट नहीं कुछ छूटना नहीं चाहिए भैया कुछ भी छूटना नहीं चाहिए छूट गया तो फिर छूट गया है ना चलो ओके ओके मुझे बताइए कि एक और धतुरा के अलावा आपके एनसीआरटी में एक और हेलूसनेजिंग एजेंट दिया है उसका नाम क्या है धतूरा के आपके एनसीआरटी में एक और हेलूसनेजिंग एजेंट दिया है क्या कोई मुझे उसका नाम बता सकता है हाँ? एट्रोपा बेलेडोना सजना है मुझे सजना के लिए तो ये वाली जो एक्टिविटी है ये आपकी एट्रोपा बेलेडोना से ही होती है एट्रोपा बेलेडोना जो है ये हेलुसिनेजिंग एजेंट है पहले के लोग इसको अपना सुरमा लगाने में काम करते थे ठीक है पर अब आपके लो, आज के लोग ऐसा नहीं करते ठीक है चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग एवरीबॉडी लेट स्टार्ट आगे बढ़े आगे बढ़े और सवाल के लिए रेडी हैं आप चलो 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 चलो, चलो। क्योंकि अभी तो लॉन्ग आंसर्स भी बाकी हैं। चलो हाँ 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 ओ हो, हो अभी बहुत सारे सवाल हैं यार कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है के? ओके 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 ओके। कैंसर वाला क्वेश्चन हो गया ट्यूमर ट्यूमर किसी को पता है कि ट्यूमर में क्या अंतर है चलो बिनाइन एंड मेलेग्नेंट ट्यूमर ये सवाल है आपकी स्क्रीन पे देड़ा 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 ये बिनाइन एंड मेलिग्नेंट ट्यूमर में अंतर बताइए ये रहा आपका अंतर बिनाइन ट्यूमर नॉन कैंसर ट्यूमर है जितने मोल्स होते हैं जितने मस्से होते हैं एट्रोपा बेलेडोना ठीक है एट्रोपा बेलेडोना और आपका धतूरा ये दोनों हेलोसिनेजिंग एजेंट हैं समझ में आई बात चलिए बिनाइन ट्यूमर और मेलिग्नाइन ट्यूमर में अंतर बताइए जितने भी मस्से होते हैं, जितने भी तिल होते हैं ऑल आर बिनाइन ट्यूमर खतरनाक नहीं होते ये कैंसर ट्यूमर होता है बिनाइन ट्यूमर मेटास्टेसिस नॉन इन्वेजिव होता है जल्दी 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 जल्दी, जल्दी। ठीक है सो बिनाइन ट्यूमर नॉन इन्वेजिव होता है और मेटास्टा की प्रॉपर्टी नहीं शो करता metastasis मतलब का मतलब ट्यूमर की सेल्स का घूमना जबकि मेलेग्नेट ट्यूमर मेटास्टाइसिस शो करता है एक समय के बाद ये ग्रोथ करना बंद कर देते हैं पर ये नहीं रुकते ये सेल बॉडी टिश्यूज के अंदर अढ़ेर नहीं होते घुसते नहीं चले जाते ये घुसते चले जाते हैं ये फेटल नहीं होते इसे मरेंगे नहीं पर इससे आप मर सकते हैं क्लियर अगला 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 आइए जल्दी देखिए इधर जल्दी 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 जल्दी, जल्दी आइए मेंटेनेंस ऑफ अ पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शन डिजीजे मैंने हर रेंज का सवाल आपको करा दिया है और अभी थोड़ा सा डिजीज का बाकी है वो मैं आपको और करा दूंगी अभी जल्दी मुझे बताइए मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एंड पर्सनल हाइजीन क्यों जरूरी है क्यों जरूरी है मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक एंड पर्सनल एंड पब्लिक हाइजीन इज नेसेसरी फॉर द प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ मेनी इन्फेक्शन क्यों जस्टिफाई करिए आंसर को कैन यू प्लीज जस्टिफाई द आंसर आई नो इसमें बहुत सारा लिखना पड़ेगा तो इसलिए मैं आपको आंसर दिखा देती हूं डिजीज जो होती है वो ईजिली कहीं से कहीं भी जा सकती है बच्चों मेलेग्नेट मूव फ्रॉम ऑल बॉडी पार्ट्स। यस 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 जो आपकी डिजीज़ होती है वो कहीं से कहीं भी जा सकती है इसलिए हाइजीन को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हाइजीन मेंटेन करने के लिए लोगों को सिखाओ ठीक है टाइफॉइड एमिबिस मलेरिया मलेरिया की स्पेलिंग गलत लिख रहे हो है ना चलो 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 तो हमें क्या करना है सबसे पहले तो लोगों को सिखाना है कि भैया आप अपनी हरकतें सुधारिए जो है आप डिजीज़ को प्रिवेंट करके रखिए किसी का सामान इस्तेमाल मत करिए पानी को कलेक्ट होने मत दीजिए दूसरी बात है आइसोलेशन अगर कोई आदमी कल ही था कल ही था समझ में आई बात कल ही था ये वाला क्वेश्चन कल ही किया हम लोगों ने ठीक है तो अगर कोई आदमी बीमार है तो उसे आइसोलेट करके रखिए दूर रखिए अगर किसी बीमारी की वैक्सीन अवेलेबल है तो वैक्सीन दीजिए तो पहला एजुकेशन दूसरा आइसोलेशन तीसरा वैक्सीनेशन सैनिटेशन ये क्वेश्चन करा रही हूँ क्योंकि इसके आने के चांसेस हैं एजुकेशन आइसोलेशन वैक्सीनेशन सैनिटेशन गंदा पानी गंदा खाना आपको नहीं खाना है मच्छर पनपते हैं चारों तरफ उन्हें मार डालना है क्लियर है आप कुछ ओडोमास नहीं पहना तो घर पे रहना कल बताया था ये वाला ऐड आपको चलिए अगला स्टरलाइजेशन ठीक है स्टरलाइजेशन का मतलब ये है कोविड में तो आपने भर भर के स्टरलाइजेशन जो किया है तो ये याद रखिएगा कि सराउंडिंग जो है वो आपकी साफ सफाई वाली होनी चाहिए लिम्फ नोड आर द सेकेंडरी लिंफॉयड ऑर्गन यस 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 लिंफॉइड ऑर्गन पे सवाल उसके बाद डिजीज पे सवाल होगा उसके बाद लॉन्ग आंसर पे आएंगे हम लोग ठीक है क्लियर है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है पुट इंसेक्टिसाइड इन द ड्रेनेज और बताओ क्या कर सकते हैं सैंपल पेपर में क्या है क्या था देख लेना चलो इम्यून सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स कंसिस्ट ऑफ लिम्फॉल्ड ऑर्गन ठीक है इसमें मैचुरेशन होता है लिम्फोसाइड का सुन लो इधर आओ आपके लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या होता है मैचुरेशन होता है प्रोलिफरेशन होता है लिम्फॉइड ऑर्गन दो प्रकार होते के होते हैं प्राइमरी लिफॉइड ऑर्गन के अंदर बोन मैरो और थाइमस आता है जहां पे बी और टी लिम्फोसाइड मैच्योर होती है और एंटीजन सेंसिटिव होती है जल्दी बताइए प्राइमरी लिम्फॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिंफॉर्ड ऑर्गन में क्या अंतर होता है कोई मुझे बता पाएगा प्राइमरी लिंफॉइड ऑर्गन और सेकेंडरी लिम्फॉइड ऑर्गन में क्या अंतर होता है प्राइमरी लिंफॉइड ऑर्गन के अंदर बोन मैरो होता है और थाइमस होता है ठीक है जिसके अंदर अंदर आपके लिंफोसाइड मैच्योर होकर एंटीजन सेंसिटिव बनती हैं जल्दी बताइए आराम से आयुष आराम से करा नहीं सकती हूँ जोश थोड़ा हाई रहता है तो जल्दी जल्दी कराती हूँ जल्दी बताओ तो आपका जो बोन मैरो रहता है और थाइमस रहता है इसमें आपके जो लिम्फोसाइड्स है, हो होते हैं वो मैच्योर होकर एंटीजन सेंसिटिव होते हैं सेकेंडरी में जाके मारना शुरू कर देते हैं अगला 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 सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन जैसे कि स्प्लीन लिम्फ नोट टॉन्सिल्स पेयर पैचेस ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पर एंटीजन से इंटरैक्ट करते हैं चलो जल्दी से लिख डालो यार Why you are, you are not नॉट लिखिंग क्यों नहीं लिख रहे हैं प्राइमरी में मेच्योर और एंटीजन सेंसिटिव सेकेंडरी में जाकर इंटरेक्ट करके किल करना शुरू कर देते हैं लिम्फ नोड क्या होते हैं पूरे शरीर में आपके सॉलिड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ठीक है पूरे शरीर में आपके सॉलिड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं डन 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 ठीक बताओ ठीक है जल्दी ओके पूरे शरीर में आपके सॉलिड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं ये सॉलिड स्ट्रक्चर में भरा होता है लिम्फ और यहाँ से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म निकलेगा तो उसको मार मूर के अपन भरता बना देंगे ठीक है वाई टम्बैको इज इज एनी फॉर्म इज इंजीरियस फॉर हेल्थ बताओ तंबाकू चबाते हैं लोगों को चबाते हुए देखा है आपने सिगरेट पीते हुए लोगों को देखा है मैम देख देख के पगला गए अब आप मुझे बताइए कि तंबाकू चबाना आपके सेहत के लिए क्यों और डिजीज करा के लॉन्ग आंसर कराऊंगी बस 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 बच्चों सब कुछ कंप्लीट होने वाला है इसका यू डोंट वरी अबाउट इट पूरा चैप्टर हमने अभी कंप्लीट कर लिया लंग कैंसर हो सकता है यस गैस्ट्रिक आल्सर हो सकते हैं आपकी बॉडी में ऑक्सीजन का लेवल कम हो सकता है इंफाइसीमा हो सकता है ब्रॉन्काइटिस हो सकता है लिखो दस रीजन लिखो

बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ा देता है कार्बन मोनोऑक्साइड का लेवल बहुत 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 ज्यादा बढ़ा देता है जिससे ऑक्सीजन की बाइंडिंग एफिशिएंसी कम हो जाती है मैम और फास्ट कराए मैम उड़ना नहीं शुरू कर दें मैम उड़ना नहीं शुरू कर दें मैम ने तो पचास से ऊपर सवाल निकाल दिया एक चैप्टर में चलो अगला नाउ विल मूव टू द लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन चलिए आ जाइए लॉन्ग आंसर टाइप कर रहे हैं हम लोग कैंसर इज वन ऑफ द मोस्ट ड्रीडेड एक्सप्लेन द विद रिस्पेक्ट टू द डिजीज नेम द ग्रुप ऑफ जीन्स चलो यहां पर हम लोग एक बार लिख लेते हैं यहां पर मैम सब कुछ लिखवा रही है और फिर मैं आपको आंसर का फोटो दिखा दूंगी ठीक है आंसर का फोटो दिखा दूंगी चलिए बताइए कैंसर मोस्ट डिजीज डिजीज होती है क्या डिफाइन करिए कॉन्टेक्ट इनिबिशन क्या होता है एवरीबॉडी बीपी इंक्रीज हो जाएगा हार्ट डिजीजेज हो जाएंगे हार्ट अटैक भी आ सकता है यार हार्ट अटैक भी आ सकता है कुछ नहीं कर सकते चलो एवरीबॉडी कम ऑन कम ऑन कम ऑन एवरीबॉडी चलो बताओ कैंसर एक बहुत खतरनाक बीमारी है एक्सप्लेन द कॉन्टेक्ट इनिबिशन एंड मेटास्टेसिस वॉट इज कॉन्टेक्ट इनिबिशन एक्सप्लेन करो चार्ट सेक्शन में एक्सप्लेन करो कॉन्टेक्ट इनिबिशन इज द इन कॉन्टेक्ट बिटवीन द टू सेल वेन द टू नॉर्मल सेल गेट विद ईच अदर दे स्टॉप शोइंग द सेल डिविजन जल्दी जल्दी बोलो दे स्टॉप शोइंग द ठीक है दे आर स्टॉप सोइंग द ना 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 डोरेमोन की बुआ की लड़का आज नहीं है स्पैमर आज सिर्फ ट्वेल्थ वाले बच्चे हैं ठीक है ओके okay, ओके okay. तो आज जो है हमको आग लगाना है कैंसर के अंदर क्या होते हैं आपके कॉन्टेक्ट uh, इनिबिशन की प्रॉपर्टी होती है यस वेन द कॉन्टेक्ट विद ईच अदर सेल सेल स्टॉप ग्रोइंग ठीक है वैन एवर द टू नॉर्मल सेल गेट कॉन्टेक्टेड आफ्टर द सेल डिविजन दे स्टॉप शोइंग द सेल डिविजन बट कैंसर सेल डू नॉट हैव दिस टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इवन आफ्टर द कॉन्टेट दे स्टार्ट शोइंग द सेल डिविजन और स्टार्ट कंटिन्यूस द सेल डिवीजन एंड मेक द ट्यूमर क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर है क्लियर ठीक है नो इनिबिशन ऑफ द सेल डिवीजन नो इनिबिशन इन द सेल डिवीजन ठीक है अगला नेम द ग्रुप ऑफ द मेटास्टेसिस क्या होता है बस खत्म होने वाला ये चैप्टर बस ये खत्म होने वाला मेटास्टेसिस क्या होता है व्हाट डू यू मीन बाय मेटास्टेसिस मेटास्टैटिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें द कैंसर सेल स्टार्ट मूविंग फ्रॉम द ब्लड टू द डिफरेंट ऑर्गन एंड मेकिंग ट्यूमर इन टू द डिफरेंट ऑर्गन ग्रुप ऑफ जीन्स द ऑन्को जींस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेकिंग कैंसर बोलो 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 जल्दी ठीक है हाँ 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 अब ये वाला नेक्स्ट चैप्टर अपन करेंगे फटाफट से ओके नेम टू टेक्निक यूजफुल देखो भैया समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा बट इफ़ यू आर लर्निंग सो मेनी क्वेश्चन ना तो वो समय भी क्या होता है तुमको है एक ही चैप्टर में मैंने करीब 50 से 60 क्वेश्चन करा दिए हैं अब इसके अलावा क्या आएगा बताओ ना मुझे एक ही चैप्टर में 50 से 60 क्वेश्चन करा दिए हैं इसके अलावा और क्या आएगा बताओ अगर किसी ने ये वाला किसी ने देख लिया ना सेशन ये मान लेना कल के एग्जाम में वो टॉपर बनेगा नेम टेक्निक बताओ कैंसर को डिटेक्ट करने की बहुत सारी हैं एक्स-रे एमआरआई सीटी स्कैन कई बार अल्फा इंटर इंटरफेरॉन किसी भी पेशेंट को क्यों दिया जाता है कांटेक्ट इमिनेशन पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए इसमें मेटास्टेसिस भी लिखा हुआ है फिर उसके बाद ये देखिए पूरा कौन सी टेक्निक से मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग ये पूरा स्क्रीनशॉट लीजिए हम डिस्कस कर चुके हैं फिर उसके बाद थर्ड नंबर बायोलॉजिकल इम्यून मॉडिफायर क्या कोई बच्चा चार्ट सेक्शन में मुझे ये बता सकता है कि आप अल्फ़ा इंटरफेरॉन क्यों देते हो एवरीबॉडी चलो मुझे बताओ क्या कोई बच्चा मुझे ये बता सकता है कि हम अल्फ़ा इंटरफेरॉन क्यों देते हैं हम अल्फ़ा इंटरफेरॉन इसलिए देते हैं क्योंकि ये पेशेंट का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट करता है बचा कर रखता है यस यस टू बूस्ट यशोरंजन बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया टू बूस्ट द इम्यून सिस्टम चलो अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल अगला सवाल ठीक है ये है केस बेस्ड क्वेश्चन ठीक है ये पूरा केस बेस्ड है पूरा केस पढ़ लो और उसके बाद आओ हेपेटाइटिस बी कौन से माइक्रोब से प्रोड्यूस की जाती है अभी पढ़ा हम लोगों ने ईस्ट से East से हेपेटाइटिस बी जो है प्रोड्यूस की जाती है यह एक वैक्सीन है, East, देखो लिखा हुआ है सवाल, immunity, needed, immunity, ये भी मैंने बता दिया। जैसे क्लॉस्टेडियम अगर आपके अंदर घुसेगा तो इतना समय नहीं होता कि आप एंटीबॉडी बनाना शुरू करें तो आप बाहर से एंटीबॉडी देना शुरू करते हैं अब आया अगला थोड़ा सा तो आप एंटीबॉडी चलो 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 जब आपको डस लेता है, तब तो आप antibody लगाते हैं, पर आप पोलियो का इंजेक्शन में क्या देते हो हाँ अरे स्लो हो रहे हो मेरी संतानों स्लो कैसे हो रहे हो स्लो नहीं होना है जल्दी बताओ आप मुझे बताइए कि क्या दे रहे हैं आप पोलियो में स्नेक में देते हैं आप रेडीमेड एंटीबॉडी स्नेक के इंजेक्शन में देते हैं बताओ जल्दी से क्या दे रहे हो भैया पोलियो में माताओं बहनों क्या दे रहे हो पोलियो 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 में क्या देते हैं आप वीकेंड पैथोजन

आपके ना कमेंट्स ही नहीं दिखते थे दूसरे जल्दी बताओ यस 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 चलो 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 ठीक है तो वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन से हम किसी भी पेशेंट को क्या देते हैं वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन से हम किसी भी पेशेंट को इम्यूनिटी देते हैं पोलियो के लिए वैक्सीन है टिटनस डिपथेरिया निमोनिया सब के लिए इन्फेक्शियस डिजीजेस के लिए भैया ये लिखना है कि जितनी भी इन्फेक्शियस डिजीजेज होती हैं ड्रडली डिजीजेज होती हैं जिनके लिए हम वैक्सीन बना सकते हैं उनके लिए हमने वैक्सीन बनाकर लोगों को दे दी हैं क्लियर है क्लियर है स्मॉल पॉक् जितने भी खतरनाक ऑर्गेनिजम्स है जिनके लिए हम वैक्सीन बना सकते हैं उनके लिए हमने वैक्सीन बनाई है चलो भैया वंस गीता ये बढ़िया नाम वाला क्वेश्चन आया यार नाम वाला क्वेश्चन आया है तो नाम वाला क्वेश्चन करते हैं आइए वंस गीता आज सरिता अबाउट हर एड्रेन एंड स्टोरॉयड मेडिकेशन एक दिन इससे पूछा सरिता टोल्ड गीता दैट शी इज एलर्जिक टू अ माइट ठीक है सरिता ऑल्सो मैंशन दैट शी बिकम एलर्जिक ड्यू टू द प्रोटेक्टेड एनवायरमेंट प्रोवाइडेड टू हर इन अर्ली लाइफ इवन फर्दर कॉन्वर्सेशन गीता डिस्कस दैट शी इज सफरिंग फ्रॉम ऑटो इम्यून डिजीज ठीक है सही बात है समझ में आई बात भैया सीता और गीता जो है दो सरिता और गीता दोनों बात कर रहे थे सीता और गीता जो भी नाम ले लो फिर हुआ सरिता ने बताया कि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती हूँ मुझे एलर्जी हो जाती है और मुझे ये पता लगाया पता चला सरिता को सरिता ने गीता को बताया कि भैया ऐसा है ठीक है ऐसा है कि मुझे बचपन में ना बहुत ज़्यादा वो दिया जाता था इम्यूनिटी बोला प्रोटेक्शन तो गीता ने बोला तुझे पक्का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर होगा नेम द एंटीबॉडी विच इज़ प्रोड्यूस इन तो रिस्पॉन्स टू एलर्जन एलर्जी का के दौरान प्रोड्यूस होने वाली एंटीबायोटिक एंटीबॉडी का नाम बताइए एलर्जी के दौरान प्रोड्यूस होने वाली एंटीबॉडी का नाम बताइए यस बहुत बढ़िया आई जी ए कितनी प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं ये भी डिस्कशन हो जाए अभी के अभी कितने प्रकार की एंटीबॉडीज़ होती हैं डिस्कशन हो जाए अभी के अभी कितने प्रकार की एंटीबॉडी होती हैं पांच प्रकार की एंटीबॉडी बॉडी होती है लिखो चाहे सेक्शन में लिखो जल्दी आई जी ए आई जी डी आई जी ई आई जी एम आई जी ए बस बस वस बस बस बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया ठीक है पांच प्रकार की एंटीबॉडी होती है आई जी ई आई जी जी आई जी ए आई जी एम आई जी डी ठीक है ठीक पांच प्रकार की बताया था मैंने आपको उसके बाद ये आईजीई ई कौन सा सब्सटेंस निकालती है तो जिससे एलर्जी होती है जल्दी 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 बताओ जल्दी से ये कौन सा सब्सटेंस निकालती है जिसकी वजह से एलर्जीज होती हैं ये निकालती हैं हिस्टामाइन और सेरेटोनिन जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है गेम डी से याद रखो गेमड ठीक है जल्दी बताओ हाँ 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 ये और सेरेटोनिन निकालती हैं जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है स्किन रैशेस वैशे देते हैं उसके बाद आपको एंटी हिस्टामिनिक ड्रग को लेना पड़ता है समझ आई बात इतनी मेरी स, मेरे साथ ओके नाउ अब आपको मुझे ये बताना है यस यस कौन सी एंटीबॉडी माँ के फर्स्ट मिल्क में होती है थैंक यू बच्चो थैंक यू थैंक यू थैंक यू ठीक है जल्दी बताओ कौन सी एंटीबॉडी कौन सी एंटीबॉडी अब आपको बताना है कि माँ के फर्स्ट मिल्क में होती है कौन सी एंटीबॉडी आई कौन सी एंटीबॉडी माँ के प्लेसेंटा से पास होती है आई ठीक है एंटीबॉडी कोलेस्ट्रम में फर्स्ट मिल्क इस कोलेस्ट्रम कौन सी एंटीबॉडी होती है आई जी ए प्लेसेंटा से पास होती है आई जी जी ठीक है उसके बाद एंटीबॉडी का शेप बताओ क्या होता है बच्चों रुकना नहीं है पुष्पा झुकेगा नहीं ठीक है एंटीबॉडी का शेप बताइए क्या होता है एंटीबॉडी का, का शेप होता है वाई एंटीबॉडी का शेप होता है वाई एंटीबॉडी में कितनी चेन्स होती हैं एंटीबॉडी में दो चेन्स होती हैं एक होती है लाइट चेन जो ब्रांच में होती है हैवी चेन जो बेस में होती है क्लियर है आइए आगे बात करते हैं एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स बताइए हाँ 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 तुम चैट सेक्शन में लिखते रहो मैंने सवाल दाग दिए हैं मुझे सवालों में कमी नहीं चाहिए मैंने सवाल दाग दिए हैं आपके ऊपर आप सवालों के आंसर दीजिए एलर्जिक रिएक्शन के सिम्टम्स बताइए वॉटरी आईज अच्छी स्नीजिंग कफिंग खुजली ठीक है और रैशेस बहुत सारे होते हैं

आपकी हिस्टामाइन और आपकी सेरेटोनिन कौन सी सेल्स निकालती हैं जल्दी 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 आपकी हिस्टामाइन और सिरेटोनिन कौन सी सेल्स निकालती हैं इट इज रिलीज बाय द मास्ट सेल तो अगर आप एड्रेनिन और स्टेरॉइड दे रहे हैं तो आप उसका इम्यून सिस्टम थोड़ा सा सप्रेस कर दे रहे हैं इम्यून सिस्टम सप्रेस करने की वजह से ये सेल्स शांत हो जाती हैं और हिस्टामाइन और सिरेटोनिन निकालना बंद कर देती हैं क्लियर चलो आ जाओ आगे बात करते हैं डन 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 अब आइए अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे लॉन्ग आंसर में ये रहा ये आपके पैसेज बेस में भी आ सकते हैं रेप्लीकेशन ऑफ रेट्रोवायरस मतलब एच आई वी का लाइफ साइकिल चलो सबसे पहले कोई बच्चा मुझसे फ्लो चार्ट पूछ रहा था ना कोई बच्चा मुझसे फ्लो चार्ट पूछ रहा था कल मैम बना दीजिए मैम आज प्रिंटेड फॉर्म में ले आई है फ्लोचार्ट नोट डाउन करिए सबसे पहले वायरस एंटर करता है मैक्रोफेजेस में मैक्रोफेजेस को हम कहते हैं क्या बताओ मैक्रोफेजेस का दूसरा नाम विद रिस्पेक्ट टू एच कोई मुझे बताएगा अरे जल्दी बोलो जल्दी बताओ जल्दी बोलो जल्दी 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 आ स्लो हो गए स्लो हो गए स्लो हो गए भैया स्लो नहीं होना यार स्लो नहीं होना है जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ मेरे साथ ठीक है हाँ ठीक 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 आईजीएम सिक्रीशंस में मिलता है बच्चों है ना बताइए तो सबसे पहले क्या कहते हैं मैक्रोफेजेस हाँ हाँ स्क्रीनशॉट ले लीजिए एच फैक्ट्री एनसीआर को थॉरली तुमने रीड तो कर लिया है इसे हम कहते हैं एच फैक्ट्री एच फैक्ट्री जो होती है ये होती है आपकी मैक्रोफेजेस ठीक है उसके बाद आप जैसे ही वायरस एंट्री लिया आपका आर जीनोम जो इस तरीके का दिखाई देता है दो सिंगल स्टैंडर्ड होते हैं इसमें रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज जुड़ा रहता है इसमें यह रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से डी में कन्वर्ट होते हैं फिर वायरल डीएनए गेट इन

आपका जो टी इंफोसाइट है वो सिर्फ और सिर्फ मैक्रोफेजेस में ही नहीं आपके टी इंफोसाइट को भी मारना शुरू करते हैं ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है कंटिन्यूसली वायरस टी इंफोसाइड को अटैक कर करके मारते रहते हैं टील इंफोसाइट क्या से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी है टी इंफोसाइड मरेंगे तो आपकी इम्यूनिटी डिक्रीज होती रहती है क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि एच का इन्फेक्शन अगर किसी पेशेंट को हो जाए तो उसे कौन कौन सी बीमारियाँ हो सकती हैं किसी पेशेंट को अगर एच की बीमारी हो जाए तो उसे और

रिपीट कर दूं देखो वायरस एंटर हुआ मैक्रोफेज में वायरस आरएनए से डीएनए बना डीएनए से होस्ट के सेल में चला गया होस्ट का सेल का डीएनए डिवाइड हुआ वायरल डीएनए एन भी डिवाइड हुआ वायरल डीएनए जो बना उससे पूरे नए नए वायरसेस बने फिर ये जो नए नए वायरसेस हैं ये टी सेल को भी इन्फेक्ट करना शुरू किए टी सेल्स को इन्फेक्ट किए अदर टी सेल भी इन्फेक्ट हुई ये प्रोसेस बार बार रिपीट होता रहा और आपकी टी सेल का नंबर घटता गया और आपकी इम्यूनिटी डिक्लाइन होती गई फीवर हो सकता है जल्दी 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 आपको टी हो सकता है भैया आपको टॉक्सोप्लाज्मा हो सकता है प्लाज्मोसिस हो सकता है आपको और बहुत सारी डायरिया वेट लॉस चलिए लीवर लीवर बोल रही मलेरिया का लाइफ साइकिल मलेरिया का लाइफ साइकिल मलेरिया का लाइफ साइकिल 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 चलो मलेरिया का लाइफ साइकिल देखते हैं सबसे पहले पैथोजन एंटर किया ठीक है पैथोजन एंटर किया इन्फेक्शियस फॉर्म जल्दी चार्ट सेक्शन धीरे कैसे हो रहा है सबसे पहले इन्फेक्शियस फॉर्म एंट्री किया एंट्री किस फॉर्म में करता है स्पोरोजॉइट स्पोरोजॉइट ब्लड से होते हुए लीवर में आ गए लीवर में ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हुआ यस ए सेक्शुअल रिपोडक्शन हुआ और ए सेक्शुअल रिपोडक्शन से क्या हुआ कौन सा ए सेक्शुअल रिपोडक्शन बच्चों जल्दी से बताओ हाँ तो कौन सा ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन और लॉस ऑफ एपिटाइट होता है स्पोरोजोइट ठीक है उसके बाद ये क्या हुआ आपका लीवर से एसेक्शुअल रिप्रोडक्शन हुआ फिर ये आरबीसी में आ गया आरबीसी बी सी में सेक्शुअल रिप्रोडक्शन हुआ आरबीसी फटी so सो हीमोजोइन निकला हीमोजोइन एक केमिकल होता है जिससे आपको फीवर होता है फिर इसने नई आर को इन्फेक्ट किया कुछ आर के अंदर जो है थोड़ा सा रिप्रोडक्टिव फेज डेवलप हुआ मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइड गैमीट्स नहीं मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइड मेल एंड फीमेल गैमीटोसाइड को शक कर लिया मच्छरनी ने मच्छरनी ने गैमीट बनाए गैमीट से फर्टिलाइजेशन हुआ अगेन नए बने और फिर उसने मच्छर ने आपको काट दिया तो ये मलेरिया का लाइफ साइकिल है आई डोंट so कि ये कम से कम पंद्रह हजार पांच सौ पच्चीस बार तो हो ही चुका होगा क्लियर है ओके 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 चलो भैया एक बार क्वेश्चन देख लें इसके पैरासाइट जो है ह्यूमन होस्ट बाय ए सेक्शुअल रिपोडक्शन होता है सेक्शुअल स्टेजेस ऑफ क्या होते हैं इनको हम गेमिटोसाइट कहते हैं वेयर डज द दे फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट ऑफ मॉस्किटो फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट स्टमक में होता है स्पोरोजॉइड क्या है स्पोरोजॉइड इन्फेक्टिव स्टेज ऑफ मॉस्किटो है साइकिल ड्यूरी जब आपकी आरबीसी फटती है तो आपको हिमोजॉइड निकलता है जिससे फीवर आता है क्लियर है बच्चों डन है डन डना डन 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 डना डन 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 डारा चलो आओ क्लियर हुई इतनी बात बोलो जल्दी से बोलो जल्दी से क्लियर हुआ बोलो एवरीबॉडी, अभी एक ही चैप्टर करा रही हूं दो चैप्टर अरे ओ बातचीत करने वालों, ये जो हरकतें पटक रहे हो ये बिल्कुल भी मत पटको ब्रेक नहीं मैं ब्रेक नहीं सुनो चलो थोड़े से क्वेश्चन मैम और करवा दे इसके अब आएगा मज़ा अब आएगा मज़ा ठीक है चलो चलो शुरू करते हैं ओके एनसीआरटी में बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी दी हुई है जल्दी 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 एनसीआरटी में बैक्टीरियल डिजीजेस कौन सी दी हुई है बोलो ना बोलते नहीं हो एनसीआरटी में बैक्टीरियल डिजीज कौन कौन सी दी हुई है एन में बैक्टीरियल डिजीज दी हुई है निमोनिया निमोनिया और टाइफॉइड निमोनिया एंड टाइफॉइड निमोनिया एंड टाइफॉइड

अब आप मुझे बताइए जल्दी से एवरीबॉडी मुझे बता दो कि सालमोनेला टाइफी जो होता है ये इसका मेजर सिम्टम क्या होता है क्योंकि यही चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेजर सिम्टम क्या होता है सालमोनेला टाइफी का मेजर सिम्टम है क्या बताइए इसमें क्या क्या होता है स्टमक में क्रैम्स होते हैं आपको जो है पेट में दर्द होता है आपको फीवर होता है आपको वॉमिट भी हो सकता है और एडवांस स्टेजेस में इंटेस्टिनल परफोर्मेशन हो परफोरेशन हो सकता है क्लियर क्लियर है इतनी बात परफोरेशन हो सकता है ठीक 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 वेरी गुड रुको नहीं बिल्कुल भी लिखते जाओ उसके बाद निमोनिया का क्या है निमोनिया में सांस लेने में दिक्कत होती है निमोनिया में आपको फीवर होता है निमोनिया में आपका कंजेशन होता है और आपके एडवांस स्टेजेस में आपके लिप्स और आपके नेल्स जो होते हैं वो ग्रे होना शुरू हो जाते हैं क्लियर है आपके नेल्स और आपके लिप्स ग्रे होना शुरू हो जाते हैं ठीक है और टेम्परेचर बहुत बढ़िया टेम्परेचर टाइफॉइड का बहुत इंपॉर्टेंट है सस्टेन्ड हाई फीवर सस्टेन्ड हाई फीवर सस्टेंड हाई फीवर ठीक है कॉन्स्टिपेशन क्रैम्स लॉस ऑफ एपिटाइट फीवर सस्टेंड हाई फीवर, फीवर, हाँ फीवर और आपका इंटेस्टिनल परफोरेशन इन द एडवांस स्टेज ठीक है कॉमन कोल्ड का वायरस बताइए कॉमन कोल्ड का वायरस बताइए ठीक है एवरीबॉडी कॉमन कोल्ड का वायरस बता दो जल्दी से है व्हाट इज द वायरस ऑफ द कॉमन कोल्ड जल्दी बताओ यार टाइम थोड़ी है बस ये वाला रिवाइज करवा दे मलेरिया रिवाइज हो ही चुका है कॉमन कोल्ड का वायरस बताइए कॉमन कोल्ड का वायरस बताइए हेलो मैम मैं पांच मिनट में ओवर कर हाँ 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 ठीक है ठीक है तो भैया सुनो सुनो फिर कॉमन कोल्ड का जो है आपका वायरस क्या है वो है रायनोवायरस अरे वाह यार निमोनिया और रायनोवायरस में क्या अंतर होता है वट इज द डिफरेंस बिटवीन निमोनिया एंड राइनो वायरसेस राइनोवायरस और निमोनिया में क्या अंतर होता है राइनोवायरस अपर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इंफेक्शन होता है और निमोनिया लोअर रेस्पायरेटरी ट्रैक्ट मतलब लंग्स का इंफेक्शन है अगला सवाल अगला सवाल आपकी स्क्रीन पे ये रहा हाँ 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 एस्कैरियासिस का सिम्टम बताइए एस्केरियसिस का रुकना नहीं है चैप्टर को एकदम ऐसा रिवाइज करो कि कुछ भी पार्ट छूटा ना रह जाए एस्कैरियासिस As जल्दी से बता दो एस्केरसिस As क्या होता है कैसे होता है रुकने रुकना नहीं जल्दी बताओ एस्रियासिस As के सिम्टम्स बता दो बच्चों क्या होते हैं एस्केरियसिस As के सिम्टम क्या होते हैं जल्दी बताओ हैं आपको एनीमिया होने लगता है यार आपका जो पैरासाइट होता है जो आपका हेलमिथ है वो खाना शुरू कर देता है वेरी गुड वेरी गुड ठीक है हेलमेंट खाना खाना शुरू कर देता है लॉस ऑफ एपिटाइट होता है क्रैम्स होते हैं इंटरनल ब्लीडिंग होती है मस्कुलर पेन होता है फीवर मस्कुलर पेन एस्केरिस एस्केरिस एंड लेने लिया है क्योंकि ये ऑलरेडी कंप्लीटेड है ऑलरेडी कंप्लीटेड है बच्चों ठीक है अगला सवाल अगला सवाल ठीक है एस्केरिस के बाद आते हैं हम बताइए मुझे क्यूलेक्स मच्छर क्यूलेक्स मच्छर फीमेल क्यूलेक्स मच्छर किस बीमारी को ट्रांसफर करती है रिवीजन बढ़िया हो गया है ऐसा रिवीजन तो कहीं नहीं हुआ मतलब इतना भयंकर भैया क्वेश्चन तो कराए कराए एनसीईआरटी के के क्वेश्चन बना बना सिखाए क्यूलेक्स क्यूलेक्स मच्छर मच्छर जो है फीमेल ये किस बीमारी को लेकर आता है कोई मुझे बता सकता है कि ये किस बीमारी को लेकर आता है ठीक है जल्दी बता दो जल्दी 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 जल्दी, <ri> <laughs> जल्दी बोलो बोलो बोले जल्दी फाइल एरिया डेंगू बहुत बढ़िया पर डेंगू तो एडीज लेके आता है मैम है, अच्छा, को, को हैंड कर दूंगी जल्दी बताओ हैं है, है, जल्दी 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 फाइल एरियासिस हुआ डंडरा ना डंडारा उसके बाद वेरी गुड चिकनगुनिया डेंगी एडीज से होते हैं अब इसका अब इसका वो बता दो जल्दी से मुझे कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है वोचेरिया बनक्राफ्टी वोचेरिया

जल्दी बता दो किसको ये लगता है कि बायोटेक्नोलॉजी और एंड इट्स एप्लीकेशन का सवाल उससे नहीं बन पाएगा क्या क्यों मुझे बता सकता है है? जल्दी बताओ हाँ तो इसमें क्या होता है मुझे आंसर देते जाओ मैं अपने आगे बढ़ते जाती हूँ इसमें क्या होता है सिम्टम बताओ वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी का सिम्टम क्या होता है बच्चों वुचेरिया बैनक्राफ्टी का सिम्टम यह है कि इसमें लेग फूल जाता है लिम्फ ऊपर नहीं आ पाता ना तो लेग जो है वो फूल जाता है तुमको प्रॉब्लम है किसको प्रॉब्लम है हाथ रेस करते जाओ किसको प्रॉब्लम है आप भी पढ़ा दो आप पढ़ा दूंगी मैं दो चैप्टर में आपको छः बजे कराऊंगी ठीक है दो चैप्टर में आपको छः बजे कराऊंगी थोड़ी थोड़ी है ठीक है मैं प्रिंसिपल एप्लीकेशन वाला करवा दूंगी मैं ना उसको करवा दूंगी जब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी तो वहीं पर आप उसको उस, उस चैप्टर को भी एक्सप्लेन करते जाऊंगी ठीक है उसके बाद चलिए चलिए तीन जीनस ऑफ फंगस बताइए जो आपको स्किन डिजीज कॉज करते हैं तीन जीनस ऑफ फंगस बताओ जो आपको स्किन डिजीज कॉज करते हैं लल्ला जल्दी बताओ ठीक है तीन जीनस ऑफ फंगस बताओ जो आपको स्किन डिजीज करते हैं मजा आता है ना मैम के साथ मुझे पता है ठीक है तो मैम के साथ मजा आता है और वो मैम के साथ भी मज़ा आएगा बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लेना जल्दी पढ़ो जल्दी 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 बताओ तीन डिजीज हब को है है तुम लोगों को बस बोल दो तो तुम हाथ उठाना शुरू कर देते हो मैम जब क्वेश्चन कराएगी तो उसके एप्लीकेशन भी बता देगी ठीक है बिल्कुल भी टेंशन नहीं होना चाहिए जल्दी बोलो स्वेलिंग ऑफ द लेग्स हो जाता है, पर तीन जीनस ऑफ फंगस बताइए मैम इको लो कल सुबह पांच बजे महाभारत होगा पूरी बायोलॉजी का पूरे बायोलॉजी का महाभारत कल मैम सुबह सुबह कराएगी हाँ ट्राइकोडर्मा ट्राइकोफाइटोन एपिडर्मेटोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम यस और ठीक है दाद खाज खुजली और फंगस से इन्फेक्शन से बचा ले इसको कौन सा बीमारी कॉज करते हैं फंगस फंगस कॉजेज द रिंग वॉम फंगस क्या बीमारी कॉज करते हैं फंगस कॉज करते हैं रिंग वॉम ठीक चलो भैया आगे बढ़ते हैं क्योंकि आ, और कौन सा बच्चा है एडीज मॉस्किटो से कौन सी बीमारी ट्रांसफर होती है मैं पूरा एनसीआरटी के टॉपिक्स देख देख के रिवाइज करवाऊंगी ठीक है पूरा हेल्थ एंड डिजीज का टिप टू द बॉटम एवरीथिंग इज रेडी यू आर रेडी फॉर एग्जामिनेशन कल सुबह का अभी रा, रात में माइंड मैप से भी रिविजन है कल सुबह एक बार और रिविजन है चलो इम्यूनिटी जो होती है ये आपकी कितने प्रकार की होती है रिंग वॉर्म रिंग वॉर्म इम्यूनिटी आपकी कितने प्रकार की होती है ये चैप्टर करवाऊंगी नेक्स्ट शाम को दो चैप्टर और करवाऊंगी ठीक है इम्यूनिटी आपकी कितने प्रकार की होती है जल्दी बता दो इम्यूनिटी डेंगू और चिकनगुनिया इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है ये होती है एक्वायर्ड और इनेट हाँ हाँ इनेट से हमको कितने प्रकार के बैरियर्स मिले यस 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 इनेट से हमको कितने प्रकार के बैरियर्स मिलते हैं एवरीबॉडी इनेट से हमको कितने प्रकार के बैरियर्स मिलते हैं इनेट एंड एक्वायर्ड पर कितने प्रकार के बैरियर बताओ जल्दी से पहला मिलता है हमको क्या फिजिकल बैरियर जिसके अंदर स्किन वगैरह आते हैं फिर फिजियोलॉजिकल बैरियर फिर सेलुलर बैरियर और साइटोकाइन बैरियर लिख नहीं रहे हो लिख नहीं रहे हो जल्दी बताओ फिजिकल फिजियोलॉजिकल सेल्यूलर और साइटोकाइन यस yes, चार साइटोकाइन का एग्जाम्पल बताओ जल्दी से साइटोकाइन का एग्जाम्पल बताइए वट इज द एग्जाम्पल ऑफ साइटोकाइन बैरियर ठीक है महाभारत आज रात में सैंपल पेपर तीन बजे एक पंद्रह क्वेश्चन का इंपॉर्टेंट वीडियो जो आने वाले हैं क्वेश्चन फिर उसके बाद दस बजे माइंड मैप से आधे घंटे में पूरी बायोलॉजी का रिविजन और कल सुबह तो कल सुबह पांच बजे होगी महाभारत पूरा रिविजन मेरे साथ याद रखना ये चीज ठीक है हां साइटोकाइन का एग्जाम्पल आपने नहीं बताया इंटाफेरॉन्स इंटरफेर इंटाफेरस इंटोफेरॉन्स ठीक है चलिए अगली बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट इज इंटर्फेर ओके 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है चलो चलो चले ओके अगला सवाल एनसीआरटी में इसे देखते हैं एनसीईआरटी के पीछे के सवाल देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई आपसे देखो एनसीआरटी का तो वैसे मैंने ले लिया था सारा सवाल तो आई डोंट थिंक कि इसमें कोई दिक्कत होगी एक बार और देख लेते हैं नाको का फुल फॉर्म हो गया ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है और देखते हैं एंटीबॉडी का डायग्राम ज़रूर बना के जाना क्योंकि ये आ सकता है ठीक मेटास्टेसिस भी करवा दिया हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एल्कोहल भी करा दिया सब करा दिया एक बार चैप्टर को खोल लो और मुझे बता दो कि इसमें कोई समस्या है क्या एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है ये बता दो बस मुझे मैंने सब कुछ करा चुकी हूँ एक एक एवरी थिंग अच्छा एक बात मुझे ये बता दो जरा सा कि अगर मान लो कि बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा अगर आप एल्कोहल पीते हैं ठीक है हाँ हाँ महाभारत होगी कल सुबह आग लगाएंगे याद रखना अगर आप बहुत ज़्यादा एल्कोहल पीते हैं तो मेल और फीमेल में क्या अंतर होता है दोनों में <coughs> मैम इको सिस्टम करा दें क्यों ग्लॉसी हो तो चुका है इको सिस्टम बेटा है जल्दी बताओ अगर मैम ये बोल रही है मेल और फीमेल में क्या अंतर होता है भैया मेल में ना मेल में उसका मेल पैनिश जो है उसका साइज छोटा हो जाता है मेल में स्टर्लिटी आ जाती है फीमेल में क्या होता है फीमेल उसका क्लाइटोरिश छोटा हो जाता है फीमेल में दाढ़ी आने लगती है मेल में दाढ़ी नहीं आती है ये बताया था लीवर डैमेज नहीं मेल और फीमेल में अंतर पूछ रही हूँ फीमेल में मेस्ट्रोल साइकिल ऑल्टर हो जाता है पेज नंबर वन पेज नंबर वन में इसका आंसर दिया है पीछे की ओर देखो पेज नंबर वन में इसका आंसर दिया हुआ है आप जाइए और आप दे, सक, देख सकते हैं ठीक है चलिए 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 प्रोस्टेट ग्लैंड का इलाजमेंट भी हो सकता है ठीक है चलिए अगला 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 ठीक है चलिए डर आप मुझे चार सिंथेटिक ड्रग्स के नाम बताइए जो एनसीआरटी में दिए हुए हैं तीन बता दो तीन दिए हुए हैं चलो बताओ तीन सिंथेटिक ड्रग्स के नाम बताओ जो आपके एनसीआरटी में दिए हुए हैं थ्री सिंथेटिक ड्रग्स जो आपके एनसीआर में दिए हुए हैं वन इज एम्फिटामाइन्स वन इज एम्फिटामाइंस बार्बिट्यूरेट्स बेंजो ठीक है एम्फिटामाइंस बार्बिट्यूरेट्स डाइजोपाइंस ठीक है क्लियर है बच्चों टन 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 आई होप कि ये चैप्टर आपका हो गया होगा हेलो मैम कर दूं मैम चलो वो डन है ये चैप्टर मजा आया अरे अरे सिंथेटिक लिखना है एम्फिटामाइंस बेंजोडाइजाइंस और 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 बारबीट्यूरेट्स सिंथेटिक हैं क्लियर टन डन डन आई होप दिस इज डन इस चैप्टर में कुछ भी नहीं छूटा है अब आप इस चैप्टर को नहीं भी पढ़ोगे तो भी काम चल जाएगा क्लियर है क्लियर अब मैं ये सेशन मैम को कर रही हूं मैम आपको दो चैप्टर पढ़ाएंगी दो चैप्टर मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ शाम को छह बजे आ जाना शाम को छह बजे हम बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल डील करेंगे और बायोटेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस को डील करेंगे ठीक है चलिए ओके बाय बाय हाय बच्चों कैसे हो आप लोग सो आई थिंक बहुत देर से आप लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हो पर ये क्योंकि एक क्वेश्चन मैराथन है तो भी क्वेश्चन चालू रहेंगे ठीक है हाई एवरीबडी कैसे हो आप लोग अ वेरी गुड मॉर्निंग अभी भी गुड मॉर्निंग है क्योंकि अभी स्टिल देर आर फाइव मिनट्स टू ट्वेल्व सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू कैसे हो आप लोग कैसे हो तो आपका माइक्रोब्स वाला चैप्टर हो गया अच्छे से हाँ अच्छे से कर लिया सभी ने माइक्रोब्स वाला सॉरी आपने ह्यूमन हेल्थ वाला चैप्टर किया है राइट चलो तो माइक्रोब्स आप मेरे साथ करोगे और उसके साथ साथ हम बायोडाइवर्सिटी भी करेंगे ठीक बच्चो, so, है बच्चों ठीक है ऑल राइट चलिए सो शुरू करते हैं क्योंकि बेटा आपके सिर्फ एक ही चैप्टर नहीं आना ना आपके ये सारे चैप्टर्स आने हैं ठीक है ठीके? सो या अ वेरी गुड मॉर्निंग अ वेरी गुड मॉर्निंग आई होप आप लोगों की संडे अच्छी जा रही है और आप लोगों के अंदर उतना ही जोश है जो हमने स्टार्टिंग से क्रिएट किया था क्योंकि बेटा आज लास्ट दिन है बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का दिन अगर आपने अच्छे से यूटिलाइज़ कर लिया तो आप इसको आगे तक कई सालों तक याद रखोगे जब आपके बायो में से पैंतीस में से पैंतीस आएंगे ना तो ये आज का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ठीक है तो चलिए फटाफट से स्टार्ट कर देते हैं फटाफट से स्टार्ट कर देते अपने क्वेश्चंस के साथ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम विदाउट वेस्टिंग फॉर द टाइम क्विकली लेट जस्ट गेट स्टार्टेड ठीक है बच्चों बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहला सवाल है एक्सपैंड एल ए बी हाउ आर एल ए बी इज बेनिफिशियल टू ह्यूमंस सो एल ए बी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे जी बच्चे बायोडायवर्सिटी के क्वेश्चंस भी करेंगे एल ए बी का फुल फॉर्म क्या, क्या होता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एल ए बी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया क्या होता है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया ह्यूमंस के लिए कैसे यूजफुल है बच्चों कैसे यूजफुल है तो बेटा जी मैंने आपको ये पहले भी बताया था इसके कई सारे यूजेज होते हैं ठीक है सो so, सबसे पहले इसका फुल फॉर्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और अगर हम बात करें इसके बेनिफिट्स की तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं सबसे पहली चीज़ यहाँ पे इट इज़ फाउंड इन द कर्ड ठीक है ये कर्ड में प्रेजेंट होता है दही बनाने के काम आता है सो दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड दे हेल्प इन मेकिंग कर्ड ओके इसके अलावा और क्या रोल रहता है और क्या रोल रहता है बच्चे दे इम्प्रूव द न्यूट्रिशनल क्वालिटी ऑफ द फूड ये खाने की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं बढ़ाते हैं ठीक है ठीके? ये हो गया फर्स्ट पॉइंट ये हो गया सेकंड पॉइंट तीसरा पॉइंट है कि आपका यहाँ पे इसके अलावा बच्चे और क्या होता है दे ऑल्सो चेक है ना दे चेक द डिजीज इन द स्टमक दे चेक डिजीज इन द स्टमक दे चेक डिजीजेज इन स्टमक तो आप कोई भी दो लिख सकते हो मैंने आपको तीन पॉइंट्स बता दिए हैं आप इनमें से कोई भी दे दो लिख के आ सकते हो ठीक है बच्चे हो गया चलो आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव फॉर्दर वॉट इज साइक्पोरिन ए साइक्लोस्पोरिन ए क्या है एंड इसकी इंपॉर्टेंस क्या है बच्चे ये जितने भी बायो एक्टिव मोलिक्यूल्स पर आपके क्वेश्चंस बनते हैं ना ये रेपिटेटिवली पैटर्न देखा गया है कई बार इस तरह का पैटर्न देखा गया है कि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ठीक है तो इसीलिए ये बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स वाले आपको सारे इनका ना अच्छे से पता होना चाहिए कि इनका सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है और इनका यूज़ क्या है ठीक है बच्चे वॉट इज़ साइक्लोस्पोरिन एम एंड इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है तो बच्चे हम सभी जानते हैं साइक्लोस्पोरिन क्या है वेरी नाइस वेरी नाइस इट इज़ एन इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट क्या होता है ये इम्यूनोसप्रेसिव प्रॉपर्टीज होती है बच्चे साइक्लोस्पोरिन ये आपका क्या है इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट है ये ओके इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है एंड इसके अलावा बच्चे इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है कहा से मिलता है इसका सोर्स ऑर्गेनिज्म क्या है ट्राइकोडर्मा ऑर्गेनि ठीक है अब इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो बच्चे हम सभी जानते हैं कि ये एक इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है यानी कि ये किसको दिया जाता है इट इज गिवेन टू दू द पेशेंट द ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन ताकि वहाँ पे वो रिजेक्शन ना करे, ताकि वो किस चीज़ को प्रिवेंट कर पाए ग्राफ्ट रिजेक्शन को प्रिवेंट कर पाए क्योंकि क्या होता है बेटा जब बाहर से इस तरह के है ना आपके ऑर्गन्स के और एक नया ऑर्गन आपकी बॉडी में डाल दिया जाता है तो बॉडी उसको कैसे रिकॉग्नाइज करती है बॉडी उसको नॉन सेल्फ रिकॉग्नाइज करके उसी के अगेन क्या करने लगती है अटैक है ना इम्यून अटैक शुरू हो जाता है तो इससे क्या हो सकता है इस इम्यून अटैक से आपका ग्राफ्ट रिजेक्ट हो सकता है कि भाई इसको बाहर निकालो ये हमारा नहीं है तो इसी रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए इस तरह के इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट्स ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट्स में दिए जाते हैं ठीक है थीके, हो गया यस बच्चों हो गया चलो आगे बढ़ते हैं हाउ डू एंटीबायोटिक्स एक्ट एंटीबायोटिक्स एक्ट कैसे करती है एंटीबायोटिक्स के एक्ट करने का क्या तरीका होता है तो बेटा जी एंटीबायोटिक्स का कोई दे डू नॉट हैव एन आइडेंटिकल इफ़ेक्ट्स ऑन ऑल द हार्मफुल माइक्रोब्स मतलब ऐसा नहीं है कि सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे वो एक जैसा ही एक्ट करती है यानी कि इनका कोई जनरलाइजेशन नहीं है ये स्पेसिफिक होते हैं

और यू कैन से किल द बैक्टीरिया बाय वॉट कैसे बच्चे कैसे किल करती है बैक्टीरिया को वहाँ पे उसकी सेल वॉल की फॉर्मेशन को रोक देती है बाय स्टॉपिंग द सेल वॉल फॉर्मेशन बाय स्टॉपिंग द सेल वॉल फॉर्मेशन तो यही बोला गया है बच्चे यही बोला गया है कि जो भी उस ऑर्गेनिज्म का तरीका होता है ना जो भी उसका पाथवे होता है उसी वाइटल लिंक उसी पाथवे के साथ जाके वो क्या कर देती है उसी पाथवे को वो रोक देती है डिसरप्ट कर देती है ठीक है क्लियर यस और नो समझ में आ गया सबको चलिए आगे बढ़ते हैं वाई आर बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स प्रेफर्ड ओवर योर फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स देखो हम केमिकल्स बायो फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल क्यों करते हैं इन कंपैरिजन टू योर केमिकल्स हम इन केमिकल्स के बजाय इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं क्या रीज़न है चलो जल्दी जल्दी बताएंगे क्या रीज़न होता है क्या रीज़न होते है? जल्दी जल्दी जल्दी, जल्दी फटाफट से फटाफट से फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ क्या रीज़न होते भाई क्या रीज़न होते है? जल्दी बोलो जल्दी क्यों क्यों प्रेफर कर रहे हैं पाँच मिनट का ब्रेक <laughs> पाँच मिनट का ब्रेक बेटा ब्रेक ब्रेक क्या ही करना है आप पढ़ लो एक ही बारी में फिर आराम से ब्रेक करना ठीक है आराम से ब्रेक करना आज की क्लास ज़्यादा लंबी नहीं लेने वाले डोंट वारी ओके आज की क्लास आपकी ज़्यादा लंबी नहीं रहेगी डोंट वारी सो <laughs> ब्रेक ब्रेक छोड़ो और आज पढ़ाई करते हैं ठीक है कल की तरह वन शॉट नहीं जाएगा ना हाँ जी जल्दी बताओ फटाफट से यस बायोलॉजिकल होते हैं नेचुरल तरीका होता है है ना और ये साथ में क्या होते हैं आपके नैरो स्पेक्ट्रम होते हैं जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गैनिजम्स होते हैं उनको किल नहीं करते राइट यही सारी चीज़ें होती है बच्चे चलो वेरी नाइस वेरी नाइस सो बायो फर्टिलाइजर्स और बायोपेस्टीसाइजर प्रेफर्ड बिक दे आर सेफ ये सारे पॉइंट्स नोट कर लो दे आर सेफ ये सेफ़ होते हैं सेफ टू यूज़ एंड आर बायोलॉजिकल इन ओरिजिन क्योंकि बेटा ये नेचुरल है है ना बायोलॉजिकल इन ओरिजिन का मतलब है ये नेचुरल है ठीक है नेचर को इफेक्ट नहीं कॉज करेंगे फिर है दे डू नॉट स्पॉइल द क्वालिटी ऑफ द सॉयल ये सॉइल की क्वालिटी को खराब नहीं करते ठीक है सॉइल की क्वालिटी को खराब नहीं करते एंड आर टारगेट स्पेसिफिक और कैसे होते हैं टारगेट स्पेसिफिक यानी कि जो इम्पोर्टेंट डू नॉट हार्म दी डू नॉट हार्म इम्पॉर्टेंट इम्पोर्टेंट बायोटा जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिजम्स होते हैं इम्पोर्टेंट लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं उनको हार्म नहीं करेंगे सिर्फ और सिर्फ जो पेस्ट होगा उसी को जाके टारगेट करेंगे देन दे डू नॉट पॉल्यूट द एटमोसफेयर और किसी भी तरह का पॉल्यूशन नहीं कॉस करते क्योंकि फर्टिलाइजर्स पेस्टिसाइड्स ये सब क्या करते हैं एयर पॉल्यूशन करते हैं सॉयल पॉल्यूशन करते हैं साथ में वाटर पॉल्यूशन भी करते हैं है ना जब मिट्टी बह के जाएगी नदियों में तो उसको भी पॉल्यूट करेंगे हवा में स्प्रे करेंगे हवा पॉल्यूट होएगी मिट्टी पॉल्यूट होती है ठीक है तो ये जो होते हैं ये आपके एटमोसफेयर को पॉल्यूट नहीं करते एंड आर नॉन पॉइजनस क्लियर यस एग्जैक्टली दे आर लेस एक्सपेंसिव चीप होते हैं अफोर्डेबल होते हैं जो हमारे फार्मर्स हैं वो बेचारे Uh, कैसे कैसे मतलब पैसों का इंतज़ाम करते हैं है, है ना और फिर जाके आपके पेस्टिसाइड्स और ये सब खरीदते हैं अगर उनको वही सेम फ़ायदा और इनफैक्ट उससे ज़्यादा अच्छा फ़ायदा कम दामों में मिल रहा है तो ऑब्वियसली क्या प्रेफर करेंगे बायो पेस्टिसाइड्स है ना बायो फर्टिलाइज़र्स क्लियर हो गया बच्चों समझ में आ गया समझ में आ गया भाई समझ में आ गया माइकोराइज बायो फर्टिलाइजर्स कैसे एक्ट करते हैं एक बच्चे का सवाल आया है चलो इसको ले लेते हैं कि माइकोराइजर कैसे एक्ट करता है माइकोराइजर आपका कैसे एक्ट करता है देखो माइकोराइजर क्या होता है जो आपके बड़े बड़े हायर प्लांट्स होते हैं ना उनकी रूट्स के अंदर उनकी रूट्स ये जो जड़े होती है उनकी रूट्स के अंदर आपके फंगल एसोसिएशन दिखते हैं क्या दिखते हैं इस तरह के फंगस के एसोसिएशन दिखते हैं तो यही जो रूट्स और फंगस का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है इसी को माइकोराइजा कहते हैं अब ये जो है फर्टिलाइजर्स का काम कैसे करते हैं बच्चे कि ये जितनी भी मिट्टी के अंदर आपकी फॉस्फोरस होती है ना क्या होती है जितनी भी मिट्टी में फॉस्फोरस होती है फॉस्फोरस उसको यहाँ से एब्जॉर्ब करके पेड़ों तक पहुँचाते हैं ठीक है न्यूट्रिएंट की क्वालिटी को बढ़ाते हैं क्लियर ठीक है Clear, ओके okay. <laughs> क्या कह रहे हो पेपर लीक करवा दो बेटा हम तो करवा देंगे है ना जैसे हमारे तो बहुत बड़े सी बी एस से जुगाड़ है मतलब यार तुम हम लोगों को क्या समझते हो हैं तुम्हें क्या लगता है मतलब हम ऐसे उनके साथ रोज़ डिनर विनर पे जाते सी बी एस वालों के साथ है ना हमारे ही सारे जुगाड़ है वहाँ पे बट डोंट वरी एग्ज़ाम देखो आप फोड़ के आओगे अब इतना सारा तो पढ़ा दिया मतलब बच ही क्या गया कि अब आपको एग्ज़ाम लीक कराने की भी ज़रूरत है हाँ? नहीं ये जो इतनी मेहनत की सब वेज जाएगी यार अब देखो तुम लोग पैंतीस में से पैंतीस लाओगे बिना किसी सहायता के बिना कोई पेपर लीक के ठीक है चलो ओके ये क्लियर हो गया बेटा आपका डाउट क्लियर हो गया ना देखो मैं डाउट्स भी ले रही हूँ आपके साथ साथ सी हाँ इतने बच्चों में भी डाउट्स लिए जा रहे हैं यहाँ पे आप देख रहे हो हमारी मेहनत और हमारी फुर्तीला ठीक है चलो और राइट आगे बढ़ते हैं बेटा हाइड्रेशन बहुत ज़रूरी होता है है ना हाइड्रेशन जिंदगी में बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हो कि आपके ऑर्गन्स आपके सेल्स अच्छे से काम करें तो पानी वानी पीते रह करो आप लोग भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, पानी पीते रहना यार और अपने एग्जाम टाइम में भी लेके जाना एक एक बॉटल सारे चलो इधर आ जाओ नेम द स्पेसेस ए बी सी एंड डी आपको क्या करना है ए बी सी और डी को यहाँ पे नेम करना है बड़ा ही आसान है है कि नहीं बड़ा ही आसान है चलो सो फंगस में साइंटिफिक नेम क्या है इसका साइंटिफिक नेम बताना है इससे प्रोडक्ट मिलता है साइक्लोस्पोरिन और इसकी फिर एप्लीकेशन यानी कि इसका यूज़ बताना है समझ गए साइक्लोस्पोरिन किससे मिलता है साइक्लोस्पोरिन किससे मिलता है ट्राइकोडर्मा पॉलीस्पोरम वेरी नाइस एंड वाट अबाउट इट्स एप्लीकेशन साइक्लोस्पोरिन का काम क्या होता है इट इज़ अ इट इज़ वॉट जल्दी बोलो जल्दी 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 बोलो जल्दी, जल्दी फटाफट फड़ बताएंगे साइक्लोस्पोरिन एंड दूसरा है फिर आपका अरे ये मैस्कस नहीं है यार ये मोनास्कस आएगा मोनास्कस पर प्यूरियस मोनास्कस पर प्यूरियस क्या है क्या ये बैक्टीरिया है फंजाई है एल्गी है वायरस है क्या है ये हाँ क्या है ये ओके सो दिस इज सी फिर इसका प्रोडक्ट लिखा है स्टैटिन और इसका एप्लीकेशन बड़ा ही आसान सवाल है चलो इधर आ जाते हैं सो so, आपका ट्राइको डर्मा पॉलिस पॉलिसफोरम ठीक है ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में इम्यूनो सप्रेशन का काम करता है इट इज़ एन इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट क्लियर और आपका मुनासिक परप्यूरस क्या है एक ईस्ट है ठीक है एक फंगस है और ये एक ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट रहता है क्लियर डन बच्चों हो गया समझ में आ गया चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल Why is sewage water treated until the BOD is reduced? बेटा जी हम sewage water को treat करते हैं। तब तक treat करते हैं जब तक कि उसका biochemical oxygen demand घट नहीं जाता। जब तक कि उसका biochemical oxygen demand घट नहीं जाता। गिव अ रीज़न बिहाइंड दिस और इसके पीछे का रीजन देना है क्यों किया जाता है भाई क्यों ऐसा किया जाता है क्योंकि बी ओ डी का एक बहुत ही सिग्निफिकेंट रोल है अगर बी ओडी घटेगा मतलब वहाँ पे पानी क्या हो गया लेस पॉल्यूटेड यानी कि पानी के अंदर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर था वो क्या हो गया कंज्यूम हो गया ध्यान देना यहाँ पे कैसे लिखोगे इसके द ग्रेटर द बी ओ डी ऑफ द सीवेज वाटर मोर इज इट्स पॉल्यूटिंग पोटेंशियल जितना ज़्यादा बीओडी उतना ही ज़्यादा क्या पॉल्यूटिंग वाटर ठीक है पॉल्यूटेड वाटर उतना ही ज़्यादा पानी प्रदूषित है ठीक है प्रदूषित है पॉल्यूटेड इज प्रदूषित ओनली देन सो द सीवेज वाटर इज ट्रीटेड टिल इट्स बीओडी इज रिड्यूस्ड एंड रिड्यूस द ऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट इन इट सो so, बेटा इसको तब तक ट्रीट करेंगे जब तक कि वहाँ का सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर क्या नहीं हो जाता सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर डिग्रेड नहीं हो जाता ठीक है ये सारा ऑर्गेनिक मैटर कम नहीं हो जाता वहाँ पे क्लियर चलो बहुत आसान सवाल था अगला है नेम टू ग्रुप्स ऑफ द ऑर्गेनिजम्स विच कॉन्स्टिट्यूट फ्लॉक्स बेटा फ्लॉक्स किस चीज़ से बन के मिलते हैं हाँ जी किस चीज़ से मिलके बनते हैं जल्दी बताओ फ्लॉक्स हाँ जी बोलो फ्लॉक्स किस से मिल बनते हैं जल्दी बोलो जल्दी यस बेटा फ्लॉक्स में क्या होता है जल्दी बताओ यार रोज़ बता रही हूँ मैं आपको रोज़ क्लास में बता रही हूँ फ्लॉक्स क्या होता है फ्लॉक्स क्या होता है जल्दी बोलो किसका एसोसिएशन होता है दो चीज़ का होता है किस किस का होता है बैक्टीरिया का होता है कौन से बैक्टीरिया एरोबिक बैक्टीरिया और इसके अलावा क्या होता है एरोबिक बैक्टीरिया और आपके बच्चे फंगल एसोसिएशन्स फंजाय फंगल एसोसिएशन्स मिलके क्या बनाते हैं मिलके बनाते हैं फ्लॉक्स क्या बनाते हैं बच्चे फ्लॉक्स मैश लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं मैश लाइक स्ट्रक्चर्स यानी कि ऐसे जाल जाल जैसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं जिनको हम बोलते हैं फ्लॉक्स ठीक है बच्चों ठीक है समझ गए येस ओ नो ठीक है चलो आगे क्या लिखा है राइट देअर इन्फ्लुएंस ऑन द लेवल ऑफ द बी ओ डी बेटा फ्लॉक्स का क्या इन्फ्लुएंस होता है बी ओ डी पे कि बेटा जो ये फ्लॉक्स है ना ये जो फ्लॉक्स हैं यही क्या कर रहे हैं धीरे धीरे सारे ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं दे आर ओनली रिड्यूसिंग द बी ओ डी तो बी ओ डी घटाने का काम इन्हीं फ्लॉक्स का होता है किसका होता है इन्हीं फ्लॉक्स का बदले में इनको क्या चाहिए होती है बदले में इनको ऑक्सीजन चाहिए होती है बस ये क्या डिमांड करते हैं इनकी डिमांड होती है हमें और ऑक्सीजन दो हम और विगरेसली ग्रो करेंगे और धीरे धीरे क्या कर देंगे सारे के सारे ऑर्गेनिक मैटर को वहां से ख़त्म कर देंगे और पानी को क्या बना देंगे साफ बना देंगे ठीक है उसका पॉल्यूशन का लेवल घटा देंगे समझ गए तो यहाँ पे देख लो फटाफट से जल्दी से क्विकली सी हो फ्लॉक्स आर वॉट दीज आर द्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म यही बोला मैश का मतलब फैला होता है ठीक है किस चीज का बैक्टीरिया और फंजाई का दीज बैक्टीरियलोसिएटेड विद द फंगल फिलाेंट्स आर नोन एज फ्लॉक्स और इनको हम क्या बोलते हैं फ्लॉक्स बोलते हैं दे कंज्यूम द मेजर पार्ट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर ये इनका रोल यही है कि सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम करने का काम इन्हीं का है और यही क्या करते हैं बीओडी को घटा देते हैं बीओडी को रिड्यूस कर देते हैं एंड सिग्निफिकेंटली दे आर हेल्पिंग इन द ट्रीटमेंट ऑफ योर सीवेज क्लियर बच्चो येस और नो येस और नो समझ में आ गया सबको कोई डाउट यहां पे चलो आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव फर्दर नाउ आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं ये अगला सवाल आया है नेम द बैक्टीरियम विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द लार्ज होल्स सीन इन द स्विस चीज बच्चे स्विस चीज़ इस तरह से होता है ना स्विस चीज़ आपका एंड जेरी वाला चीज मैंने बहुत बार बताया है आपको ये स्विस चीज़ ऐसे इसमें बड़े, बड़े 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 छेद रहते हैं ठीक है इस स्विस चीज के अंदर इस तरह से बड़े बड़े छेद किस चीज के होते हैं किस चीज के होते हैं जल्दी बोलो जल्दी बताओ भाई किस चीज के होते हैं किसकी वजह से होते हैं हाँ किसकी वजह से प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी मेरे साथ इसकी स्पेलिंग की प्रैक्टिस करो प्रो प्रोपियोनी प्रो, बैक्टीरियम टी ई आर आई एम ठीक है शर्मानी एस एच ए आर एम ए एन आई ठीक है प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी क्लियर जी बेटा आप डबल आई भी लगा सकते हो और इसको अंडरलाइन भी करना है इसको दोनों को अंडरलाइन भी करना है क्लियर क्लियर बच्चों ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं सो सी हियर ये आ गया आपका प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी इसकी आ, मदद से आपके क्या होता है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है इट प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से बड़े बड़े छेद आ जाते हैं सो इस चीज़ में अगला सवाल आता है नेम द एंजाइम प्रोड्यूस बाय स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरियम बेटा इसी के नाम पे ही एंजाइम का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस से आ जाता है आपका स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया से आता है स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम स्ट्रेप्टोकोकस

स्टेप्टोकाइनीज एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस इन द अच्छा इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है भाई क्या इंपॉर्टेंस होता है सो so, स्टेप्टोकाइनीस ये क्या है इट इज़ अ क्लॉट बस्टर इट इज़ व्हाट इट इज अ क्लॉट बस्टर बच्चे ठीक है तो जो पेशेंट्स मायोकार्डियल इन्फॉक्शन के अंदर गए होते हैं यानी उनकी आर्टरीज क्लॉट्स देखो उनकी आर्टरीज में क्या होता है जैसे उनकी आर्टरीज है ठीक है इनके अंदर क्या हो जाता है इस तरह के फैट के क्लॉट्स बन जाते हैं तो धीरे-धीरे ये क्लॉट्स बनने से ये क्या हो जाती है ब्लॉक हो जाती है तो बच्चे इस ब्लॉकेज को इस क्लॉट्स को रिमूव करने का काम कौन करता है ये आपका क्लॉट बस्टर जो है एक स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम क्लियर चलो आगे बढ़ते हैं नेम द सोर्स ऑफ साइक्लोस्पोरिन ए साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स क्या होता है साइक्लोस्पोरिन ए का सोर्स क्या होता है भाई ए का सोर्स क्या होता है ए का सोर्स क्या होता है जल्दी बोलो कहा से मिलता है एंड बॉडी और हमारी बॉडी में और ये ऑर्गेन ट्रांसप्लांट में चलो रिपीटेड हो गया आगे बढ़ते हैं नेम द सोर्स ऑफ स्टैटिन और इसका काम तो स्टैटिन भैया अभी हमने किया था स्टैटिन आपको मुनासकस पर अब ये वाले क्वेश्चन अगर आपने गलत किए ना पेपर में तो बता रही हूँ मैं इतनी पटाई करूँगी सबकी हाँ अभी इतना हमने अच्छे से यहाँ पे सही में मतलब आपको ऐसे ग्रैब हो गया ना बिल्कुल ऐसे आज तो रट्टा ही हो गया बिल्कुल ठीक है हाँ हमने पूरा मतलब इतनी बार प्रैक्टिस कर लिया अब ये क्वेश्चंस गलत करके आए मैं बता रही हूं बहुत पिटाई हो जाएगी माइक्रोब्स वाले चैप्टर से आना ही यही है सोर्क सोर्स ऑर्गेनिज्म बताना है उसका प्रोडक्ट बताना है उसके यूज बताने हैं फिर आपके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से क्वेश्चन आएंगे बायोगैस से आएंगे बायो फर्टिलाइजर्स और बायो पेस्टिसाइड्स के एग्जाम्पल्स डैथ तो छोटा सा चैप्टर है यार ये तो Photo receptor. It acts as the competitively inhibiting enzyme. Okay. क्लियर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के अंदर काम आता है चलो आगे बढ़ते हैं एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सीवेज ट्रीटमेंट हाँ जी बच्चे सीवेज ट्रीटमेंट में डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं चलो सीवेज ट्रीटमेंट में डिफरेंट स्टेप्स बताने हैं एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड क्या हो रहा है ओके एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स हां जी बच्चे यस एक्सप्लेन द डिफरेंट स्टेप्स इन्वॉल्व इन द सीवेज ट्रीटमेंट चलो ये एक लंबा क्वेश्चन है ये एक बड़ा क्वेश्चन है जो कि आपका थ्री मार्क्स में आ सकता है थ्री मार्क्स में सीवेज ट्रीटमेंट के बारे में पूछ सकते हैं या बायोगैस प्लांट के बारे में भी पूछ सकते हैं तो ये आपका तीन नंबर में सवाल बन सकता है बच्चे चलो इसको करते हैं इसको करते हैं फटाफट से यहाँ पे देखो कैसे आंसर लिख के आओगे जल्दी से देख लो जल्दी से फटाफट से सो so, सीवेज ट्रीटमेंट आपके दो स्टेप्स में होते हैं सबसे पहला आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट होता है जो कि है एक फिजिकल ट्रीटमेंट फिज़िकल ट्रीटमेंट होता है बच्चे और इसमें सिर्फ मेनली आपकी दो ही चीज़ होती है क्या क्या एक तो फिल्ट्रेशन होएगा और दूसरी चीज़ क्या होती है बच्चे आपकी सेडिमेंटेशन ठीक है फिल्ट्रेशन होती है और क्या होती है सेडिमेंटेशन होती है क्लियर फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन सो इट इज़ अ फ़िजिकल प्रोसेस ऑफ द रिमूवल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज पार्टिकल्स थ्रू द फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन से फिल्ट्रेशन में जितना भी ऊपर ऊपर का आपका फ्लोटिंग डेबरी होगा है ना जितना भी फ्लोटिंग डेबरी होता है फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स होता है जैसे पॉलिथीन बैग्स हैं ऊपर कूड़ा कचरा जो भी तैर रहा होता है वो सारा फिल्टर आउट हो जाता है एंड उसके बाद में जो नीचे बच जाता है वो ग्रिट चैम्बर के अंदर आपका जितना भी ग्रिट है ग्रिट के अंदर आपकी सॉयल सैंड पेबल्स स्टोन्स कंकर पत्थर सब आ जाएंगे इसके अंदर ठीक है तो ये सारा नीचे सेटल हो जाता है ये सारा नीचे सेडिमेंट हो जाता है ठीक है बच्चों क्लियर एफलुएंट फिर उसके बाद में बच्चे इस तरह से आपका चैम्बर है तो नीचे आपका जो सेडिमेंट्स फॉर्म हुए उसको हम क्या बोलते हैं स्लज बोलते हैं देट इज़ योर प्राइमरी स्लज ओके दैट इज़ योर प्राइमरी स्लज और जो ऊपर का पार्ट आपका फॉर्म होता है वो क्या होता है बच्चे वो होता है आपका प्राइमरी एफ्लुएंट क्या होता है प्राइमरी एफ्लुएंट जिसको अब हम कहाँ लेके जा रहे हैं सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लेके जा रहे हैं इसको हम कहाँ लेके जा रहे हैं बच्चों सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्लियर इसको सेकेंडरी ट्रीटमेंट में लेके जाएंगे सेकेंडरी ट्रीटमेंट में क्या होएगा इट इज़ अ बायोलॉजिकल प्रोसेस वेरी 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 इंपॉर्टेंट यही तो इसकी खास बात है यही तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक है क्या कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है कि ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है इन विच बैक्टीरिया नेचुरली अक्रिंग इन द सी वेज आर यूज जिसमें बैक्टीरिया जो नेचुरली बैक्टीरिया आ रहा है ना उसको क्या करते हैं बच्चे उसको यूज किया जाता है दिज आर यूज एफ्लुएंट ऑब्टेन फ्रॉम द प्राइमरी ट्रीटमेंट इज पास इन टू द लार्ज एरेशन टैंक्स फिर बेटा जो ये प्राइमरी एफ्लुएंट होता है जो इधर से आ रहा है उसको एक बड़े से लार्ज एरेशन टैंक के अंदर डाला जाता है जहाँ पे कॉन्टिन्यूसली एयर की सप्लाई चल रही होती है क्योंकि यहाँ पे आपके होते हैं फ्लॉक्स क्या होते हैं फ्लॉक्स होते हैं जो विग्रसली ग्रो कर रहे हैं इसलिए यहाँ पे एक कॉन्स्टेंट एजिटेशन भी होता है एजिटेशन का मतलब होता है कि इसको इसे ज़ोर जोर से ज़ोर जोर से घुमाया जाता है ताकि जो एयर की सप्लाई है वो पूरे के पूरे बैक्टीरिया को पूरे के पूरे फ्लॉक को अच्छे से मिले ठीक है क्लियर बच्चे सो so, यहाँ पे क्या हो रहा है हियर एजिटेटेड ठीक है यही मैंने बताया और हवा को यहाँ एयर को पंप किया जा रहा है कॉन्टिन्यूसली एयर इसके अंदर जा रही है तो इसमें क्या होता है अब धीरे धीरे आपका फ्लॉक्स क्या करते हैं फ्लॉक्स ग्रो करते हैं सो ड्यू टू दिस रैपिड ग्रोथ ऑफ़ एरोबिक बैक्टीरिया अकर्स रैपिडली बहुत तेजी से ग्रो करते हैं बच्चे बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और वहाँ पे जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है बच्चों जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है उसको क्या कर लेते हैं ज्यूम करते हैं और धीरे धीरे उधर बीओडी के लेवल को घटा देते हैं क्लियर बच्चों बीओडी के लेवल को घटा देते हैं नाउ इधर जो यहाँ से फिर जो ऊपर ऊपर का एफ्लुएंट पास होता है बच्चे इधर का जो एफ्लुएंट होता है जब यहाँ पे सिग्निफिकेंटली आपका बीओडी रिड्यूस हो जाएगा तो ये आपकी आगे पास होएगी एंड ये आपके वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है ये क्या कर दिया जाता है वाटर बॉडीज़ में रिलीज़ कर दिया जाता है ठीक है ओके बच्चों वाटर बॉडीज में रिलीज़ कर दिया जाएगा राइट right? <coughs> और जो बच्चे ये नीचे आपका इस तरह से सेटल हो जाता है इस तरह से जो नीचे सेटल हो जाएगा ना जो नीचे सेटल होएगा इसको हम बोलते हैं एक्टिवेटेड स्लज क्या बोलते हैं इसको एक्टिवेटेड स्लज बोलते हैं बच्चों ठीक है बच्चो, तो ये जो एक्टिवेटेड स्लज है थोड़ा सा इसमें इनोकुलम वापस से इस रिएक्शन में यूज़ किया जाएगा एज अ स्टार्टर एज अ इनोक्यूलम वापस से यहाँ यूज किया जाता है और बाकी का जितना भी आपका एक्टिवेटेड स्लज है उसका क्या होने वाला है इस बाकी के एक्टिवेटेड स्लज को बच्चे आपके बड़े बड़े डाइजेस्टर्स के अंदर भेज दिया जाता है ठीक है बच्चे तो so, देखो फटाफट यहाँ पे अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एक्टिवेटेड स्लज बैक इन टू द रेशन टैंक एज इनोक्युलम दैट इज अ स्टार्टर क्लियर ओके okay, एंड जितना भी रिमेनिंग मेजर पार्ट है एक्टिवेटेड स्लज का उसको बड़े बड़े स्लज डाइजेस्टर्स में भेज देते हैं और ये स्लज डाइजेस्टर कैसे होते हैं एनरोबिक होते हैं यानी कि वहाँ पे ऑक्सीजन उनको नहीं चाहिए होती है और फिर वहाँ पे कुछ गैसेस डाइजेशन के बाद कुछ गैसेस रिलीज होती है कौन कौन सी कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन सल्फाइड और मीथेन, और ये मिलके आपकी क्या बनाती हैं बायोगैस क्या बनाती हैं बायोगैस क्लियर लिख दोगे बच्चे ये क्वेश्चन कर लोगे हाँ क्वेश्चन डन क्वेश्चन डन लॉन्ग क्वेश्चन था बच्चे ये ये लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा समझे थ्री मार्क्स में आएगा वेरी इजी कर दोगे ना प्राइमरी सेकेंडरी ट्रीटमेंट बहुत टाइम से पढ़ रहे हो लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पे दोबारा से डिटेल में समझाया ताकि अभी भी अगर आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन है वो भी दूर हो जाए हो गया चलो वेरी नाइस वेरी नाइस वेरी नाइस आगे बढ़ते हैं मैंशन द प्रोडक्ट एंड इट्स यूज प्रोड्यूस बाई ईच ऑफ द माइक्रोब्स लिस्टेड बिलो चलो ये आता है हमें <laughs> कर लिया हमने स्ट्रेप्टोकोकस से क्या बनता है स्ट्रेप्टोकोकस से हो गया ना ठीक है इट इज ठीक इजोकाइनेज स्ट्रेप्टोकाइने लैक्टोबैसिलस से क्या मिलता है भाई लैक्टोबैसिलस से क्या मिलता है लैक्टिक एसिड मिलता है क्या मिलता है लैक्टिक एसिड सैक्रोमाइज से क्या मिलता है कुछ भी बता सकते हो यार सैक्रोमाइसिस आपका ब्रियूल ईस्ट भी है है ना ये आपका ब्रियूल ईस्ट भी है ये आपका बेकर्स ईस्ट भी है ये आपका बेकर्स ईस्ट भी है तो आप इसमें से कुछ भी प्रोडक्ट लिख सकते हो है ना आप इसमें से कुछ भी प्रोडक्ट लिख सकते हो क्लियर ठीक है बच्चों आया समझ में चलिए सो सेप्टोकोकस लैक्टोबैसिलस और सैक्रोमाइसिस चलो इधर आ जाओ फटाफट से सो स्टेप्टोकोकस की अगर हम बात करें तो यहाँ से हमें क्या मिलता है बेसिकली ये आपका एक क्लॉट बस्टर होता है ठीक है इसका यूज क्या होता है कि ये क्लॉट बस्टर है क्लॉट बर्स्टर है लैक्टोबैसिलस से आपको क्या मिलता है दही मिलती है क्या मिलती है दही लैक्टिक एसिड किस में हेल्प कर रही है बच्चे लैक्टिक एसिड मिल्क को कर्ड में टर्न कर देती है मिल्क को कर्ड में टर्न कर देती है जो कि वाइटमिन बी ट्वेल्व एनरेज होता है ठीक है हो गया चलो सैक्रोमाइस एरि से हमें क्या मिलता है कोई भी बता दो यार कोई भी बेकरी प्रोडक्ट आपका डोसा इडली केक्स है ना पेस्ट्रीज सबको भूख लगाई होगी नाम सुनते ही और इसके अलावा फॉर्मेंटेड बेवरेजेस में आप विस्की वाइन रम बियर कुछ भी लिख सकते हो ठीक है थीके? चलो आगे बढ़ते हैं डिस्क्राइब हाउ बायोग फ्रॉम द एक्टिवेटेड स्लज बेटा एक्टिवेटेड स्लज से कैसे आपको बायोगैस मिलती है वैसे हमने ये अभी कर लिया है ठीक है ये अभी हमने किया सेकेंडरी ट्रीटमेंट में जो जो होता है सेम ही चीज है कि आपका एक्टिवेटेड स्लज इन टू द एरेशन टैंक जहाँ पे धीरे धीरे बीओडी घटती है ठीक है फटाफट -फड़ से बता रही हूँ इसको रिमेनिंग मेजर पार्ट ऑफ द स्लज वो आपके बड़े बड़े टैंक्स में डाला जाता है जिसको हम एनरोबिक स्ल स्लज डाइजेस्टर बोलते हैं ये

ओके बच्चों सो आई थिंक इतना इतने सारे हमने क्वेश्चंस कर लिए घुमा फिरा के आपके क्वेश्चंस कैसे बन रहे हैं आपके बायोगैस पे बनेंगे बायोगैस प्लांट पे बनेंगे ठीक है आपके सीवेज ट्रीटमेंट पे बनेंगे बायो फर्टिलाइजर्स के एग्जांपल्स पे बने बायो पेस्टिसाइड्स के एग्जांपल्स पे बने ठीक है और हमने देखा कि बायो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हाउस होल्ड में कैसे यूज़ होता है है ना कौन सा एसिड बनता है कौन सा बायो एक्टिव मॉलिक्यूल बनता है ठीक है डन हो गया चैप्टर कंप्लीट डन क्लियर नेक्स्ट चैप्टर पे बढ़ते हैं फटाफट फड़ से लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर स्टूडेंट्स लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर यस ओके थके तो नहीं थके तो नहीं हाँ जी थके तो नहीं हो यार जल्दी बता दो थके तो नहीं हो हाँ थक गए थक गए चलो ठीक है कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं जल्दी 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 फटाफट पानी वानी पियो वापस आ जाओ एक चैप्टर ऑल कर लेते हैं ठीक है एक चैप्टर ऑल कर देते हैं फ्लॉक्स को एक्सप्लेन कर दो बेटा जी फ्लॉक्स कुछ नहीं है यार इतना क्या कन्फ्यूजन है फ्लॉक्स में कुछ भी नहीं है यार फ्लॉक्स क्या है फ्लॉक्स सिंपली आपके बैक्टीरिया और फंगस का एक साथ मिल के ना सिर्फ गुच्छा सा बना देते हैं ऐसे नेटवर्क जैसा बना देते हैं उसी को फ्लॉक्स बोल रहे हैं और वो आपका पूरे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट में प्रेजेंट रहेगा धीरे धीरे सीवेज में से वो क्या है उसके अंदर माइक्रोब्स हैं तो दे आर यूटिलाइजिंग द ऑर्गेनिक मैटर धीरे धीरे अपना आ, फीड कर रहे हैं वहाँ पे ग्रो किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं किए जा रहे हैं है, और धीरे धीरे वहाँ पे सारे ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस कर देते हैं ऑर्गेनिक मैटर को रिड्यूस कर देंगे ओके और फिर वहाँ पे जैसे ही ये गंदगी साफ हो जाएगी ये ऑर्गेनिक मैटर बेसिकली क्या होता है एक्सक्रीटा है ना घरों से निकलता हो कूड़ा कचरा सब कुछ जितना भी ऑर्गेनिक चीज़ें आप फेंकते हो कूड़े में ये सब वही है तो धीरे धीरे माइक्रोब्स इनको खा लेंगे है ना खा लेंगे घपा घपे से खाएंगे और फूलते जाएंगे फैलते जाएंगे फूलते जाएंगे फैलते जाएंगे और एक टाइम के बाद ये सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर वहाँ से ख़त्म हो जाएगा और आपका पानी साफ़ हो जाएगा ठीक है और आपका पानी साफ हो जाएगा क्लियर चलो ओके आगे बढ़ते हैं बायोडाइवर्सिटी मजब बी कंजर्वड एज इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मैनी इको सिस्टम सर्विसेज दैट नेचर प्रोवाइड्स एक्सप्लेन एनी टू सर्विसेज ऑफ द इको सिस्टम हाँ जी इको सिस्टम से हमें क्या सर्विसेज मिलती है और आपको कोई भी दो सर्विसेज बतानी है सो लेजस् सी फटाफट से इधर आ जाओ सो द इको सिस्टम सर्विसेज आर आपकी दो इको सिस्टम सर्विसेज कौन सी होती है बच्चों आपकी इको सिस्टम सर्विसेज कौन सी है फर्स्ट इज फॉरेस्ट मिटीगेट्स ड्रॉट्स एंड फ्लड्स देखो एक तो है कि आपका फॉरेस्ट अगर देखा जाए तो वो ड्रॉट्स और फ्लड्स को कंट्रोल में रखता है है ना ड्रॉट्स और फ्लड्स को कंट्रोल करता है द वाइल्ड लाइफ हेल्प इन द पॉलीनेशन ऑफ क्रॉप्स आप देखते हो भाई इकोसिस्टम से और हमें क्या सर्विसेज मिल रही है कि पॉलिनेशन होता है नेचर में और क्या होता है हमें ऑक्सीजन मिलती है भाई है ना जिस पे हम सर्वाइव कर रहे हैं जिस पे हम सर्वाइव कर रहे हैं ऑक्सीजन मिलती है हमें है कि नहीं ओके क्या <coughs> बायो फर्टिलाइजर्स बच्चे करवाया तो था बायो फर्टिलाइजर्स माइकोराइजा एग्जाम्पल बायो फर्टिलाइजर्स में सारे एग्जाम्पल्स आपके आ जाएंगे माइकोराइजा आ जाएगा ठीक है वी हैव ऑलरेडी डन उसके बाद बैक्यूलो वायरसेज आएंगे बैक्यूलो वायरसेस की सबसे जो कॉमन स्पीशीज़ होती है वो कौन सी होती है हाँ न्यूक्लियो पोलीहैड्रो वायरसिस उसके अलावा आपके साइनोबैक्टीरिया आ जाएंगे ओसेलेटोरिया नोस्टॉक बस एग्जाम्पल्स ही हैं यार उसमें और कुछ भी नहीं है ठीक है और आपका क्या आ जाएगा राइजोबियम बैक्टीरिया बचपन से बढ़ते आ रहे हो फिर कुछ फ्री लिविंग भी होती है जैसे कि एजोस्पेरेम ओके ठीक है एग्जाम्पल्स है दैट्स इट चलो <coughs> देखा बच्चे ठीक है इकोसिस्टम को सर्विसेज कोई भी लिख सकते हो यार जो भी हमें एनवायरमेंट से इकोसिस्टम सर्विसेज़ मिलती है जो भी हमें फ़ायदे होते हैं हमें खाना मिलता है हमें ऑक्सीजन मिलती है हमें टिम्बर मिलता है है ना पॉलिनेटर्स नेचर में पॉलीनेशन होता है सो ये सारी चीज़ें क्या आती है इको की सर्विसेज होती हैं नेक्स्ट वाई सर्टन रीजन हैव बीन डिक्लेयर्ड एज बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स कई सारे रीजन को ऐसे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स डिक्लेयर कर दिया गया है बाय by... बाय द एनवास्ट किसने environmentalist ने की तरह कर दिया है, ठीक है आपको कोई भी दो बताने हैं, ठीक है? थीके? आपको yes, <coughs> exactly, आपको क्या बताने है? कोई भी दो हॉटस्पॉट रीजन चलो भाई यस हाई लेवल ऑफ एंडमिजम वेरी नाइस बच्चे वेरी नाइस जानवी वेरी नाइस हाई स्पीशीज रिचनेस एकदम सही लक्ष्य देखो आप मैं बच्चों के नाम भी लूंगी जो जवाब दे रहे हैं इससे पता चल रहा है कि बच्चे सीरियस हैं हाँ चलो 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 वेरी नाइस वेरी नाइस और येस yes, एग्ज़ाम्पल्स आ रहे हो वेस्टर्न घाट इंडो बर्मा श्रीलंका हिमालयाज़ ये सारे इंडियन हॉटस्पॉट्स के एग्जाम्पल हैं ठीक है थीके? कई बार ये सवाल रिपीट हुआ है ठीक है इस तरह का सवाल कई बार रिपीट हुआ है बच्चे तो ये आपको पता होना चाहिए तो सर्टेन रीजंस को हमने हॉटस्पॉट्स कैसे डिक्लेयर किया क्योंकि वहाँ पे क्या है हाई लेवल्स ऑफ स्पीशीज रिचनेस फर्स्ट पॉइंट और दूसरी चीज़ है हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म दोनों का मतलब पता है ना हाई स्पीशीज़ रिचनेस का क्या मतलब होता है कि वहाँ पे अच्छी खासी आपकी क्या है बायोडाइवर्सिटी है तभी तो हम कंजर्व करें देखो बेटा आपके नेचुरलिस्ट ने क्या कहा था कि देखो इतना सारा नेचर ऐसा है जो कि थ्रेटेंड है जिसको कंजर्व करने की ज़रूरत है पर हम लोग गरीब लोग हैं हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम इतनी सारी डाइवर्सिटी को बचा सकें ओके तो हमें कुछ ऐसे रीजन को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा जहां पर हमें अच्छी खासी स्पीशीज़ की रिचनेस भी मिल जाए और हमें वहाँ पे कुछ ऐसी स्पेसिफिक स्पीशीज़ uh, भी मिले जो और कहीं नहीं मिलेंगी इसी को हम बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ क्या बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ एंडेमिक स्पीशीज़ जो होती है वो ऐसी स्पीशीज़ होती है जो पर्टिकुलरली सिर्फ उसी जोग्राफिकल रीजन में पाई जाएगी और कहीं और नहीं मिलती या, यानी कि वहां की उसकी वो एक क्या कैसी है, एक अनोखी स्पीशीज है जो सिर्फ वही मिलेगी ऐसी स्पीशीज को हम एंडेमिक स्पीशीज बोलते हैं तो हॉटस्पॉट जो आपके हॉटस्पॉट्स होते हैं बायोडावर्सिटी हॉटस्पॉट होते हैं वहां पे इस तरह की एंडेमिक स्पीशीज बहुत ज्यादा पाई जाती है इसीलिए हम बोलते हैं ये हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म होता है यहाँ पे क्लियर समझ में आया रटना नहीं है हमें बायोलॉजी को समझना है है ना रटवा दिया कि हाई स्पीशीज डाइवर्सिटी हाई एंडमिज़म बच्चे को वहाँ मतलब नहीं पता लिख के वो आ जाएगा पर कोई फ़ायदा नहीं एग्ज़ाम के बाद उसको कोई नॉलेज नहीं ज़ीरो नॉलेज पर हम यहाँ पे रटना नहीं है हमें समझनी है चीज़ें क्यों क्या कैसे सब पता होना चाहिए अच्छा नाम तो आपको देखो याद करने पड़ेंगे तो इंडिया के अंदर आपके वेस्टर्न घाट हैं श्रीलंका है हिमालयस है इंडो बर्मा है ठीक है क्लियर बच्चे यस yes, बच्चे जल्दी बताओ समझ में आ गया चलो आगे बढ़ते हैं देयर देर नीड टू कंजर्व द बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत क्यों है क्यों बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने की ज़रूरत है जल्दी बोलो जल्दी बताओ क्यों ज़रूरत है क्योंकि इसके हमारे पास तीन रीजंस हैं कौन कौन से तीन रीजन थ्री मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है टू मार्क्स का भी आ सकता है थ्री मार्क्स में आता है तो तीनों पॉइंट लिख देना टू मार्क्स में आएगा तो कोई भी इनमें से दो पॉइंट लिख देना ठीक है आपके पास तीन पॉइंट्स है पहला पॉइंट क्या है बच्चे पहला पॉइंट ये है कि नैरोली यूटिलिटेरियन होते हैं यानी नैरोली यूटिलिटेरियन का मतलब है इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ़ द रिसोर्स रिक्वायर्ड फॉर आर डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल फूड ऑयल क्लोथ यार इतना सब मिल रहा है हमें है ना हमें खाना मिलता है हमें टिम्बर मिलता है हमें ऑयल मिल रहा है हमें तेल मिल रहा है एंड हमें फायरवुड मिल रहा है ड्रग्स मिल रहे हैं मेडिसन्स मिल रहे हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट मतलब इतने सारे रीज़न्स हैं ये सब जो हमारे बेनिफिट के लिए हैं है, है न तो इनको पाने के लिए हमें इन जंगलों को इस बायोडाइवर्सिटी को बचाने की बहुत ज़रूरत है तो ये हो गया एक नैरोली यूटिलिटेरियन रीजन दूसरा है एक ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन यानी कि जो नेचर से हमें इतनी सारी इकोसिस्टम सर्विसेज मिल रही है क्या उसका कोई मोल है क्या हम उस पर कोई प्राइस टैग लगा सकते हैं हाँ हमें इतनी सारी ऑक्सीजन मिलती है अमेजोन फॉरेस्ट से है ना पोलिनेटर्स पॉलिनेशन करते हैं हम इन चीज़ों पे प्राइस टैग नहीं लगा सकते तो ये एक ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजन है इट इंक्लूड्स मोस्ट ऑफ द इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइडेड बाई अस प्रोवाइडेड टू आस बाय द नेचर सच आज द रिलीज ऑफ द ऑक्सीजन फिक्सेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस इन द प्लांट्स एक तो देखो ऑक्सीजन तो दे ही रहे सांस लेने के लिए साथ साथ में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स भी करते हैं और उससे खाना भी बना देते हैं है ना तो कितना फ़ायदा हो रहा है हमारे लिए सीड्स का डिस्पर्जल पॉलीनेशन होना सो so, इन सभी चीज़ों के लिए इन सारी सर्विसेस के लिए बहुत ज़रूरी है ये ब्रॉडली यूटिलिटेरियन रीजनस है कि हमें अपने डायवर्सिटी को बचाना चाहिए फिर आते हैं एथिकल रीजंस। क्या आते हैं बच्चे एथिकल रीजंस। कुछ दर, कुछ धर्म दया है ना इमोशंस ह्यूमैनिटी इंसानियत वो अभी मरी नहीं है हमारे अंदर जिंदा है तो उसी को जिंदा रखने के लिए हमें बायोडाइवर्सिटी को बचाना है ठीक है ओके सो रीजंस इट बिकम्स आर मॉरल ड्यूटी ये हमारी मॉरल ड्यूटी है कि हमें अपने साथ साथ जिस अर्थ पे जिस धरती पे हम दूसरे जानवरों के साथ दूसरे ऑर्गेनिज़म्स के साथ रह रहे हैं उन्हें हम बचाएं भी ठीक है हमें यहाँ पे क्या होना है अब हमें अपनी इंसानियत दिखानी है तो वो आ जाता है आपका एथिकल रीजंस पे ठीक है बच्चे ठीक है क्लियर सो इट इज़ आर मॉरल ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ ऑल द लिविंग स्पीशीज इन आर सराउंडिंग्स इर ऑफ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस और तब हमें पैसा नहीं देखना इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस नहीं देखनी बल्कि हमें यह देखना है कि हम अपने फ्यूचर जनरेशन को क्या आगे पास ऑन करेंगे खाली जंगलों की जगह खाली मैदान हाँ ड्रॉटेड एरियाज जो बिल्कुल सूखे पड़ चुके हैं ये ये पास ऑन करेंगे नहीं हम कौन होते हैं ऐसा करने वाले नेचर जैसा हमें मिला है हमें नेचर ऐसा एज इट इज फ्यूचर जनरेशन को पास ऑन करना चाहिए ठीक है ये हमारी मॉरल ड्यूटी है चलो ये हो गया एथिकल रीज़न नेक्स्ट डिफाइन सेकर्ड ग्रूव्स बड़े बच्चे इसको लेके इतने परेशान हैं मैं देख रही हूँ चैट बॉक्सेस में नीचे लिखा भर भर के लिखा होता है मैम सेकड़ ग्रुप्स क्या है मैम सेकड़ ग्रुप्स बता दो क्या है क्या है क्या है तो जिसको अभी तक नहीं पता इसको प्लीज ध्यान से सुन लो सेकड ग्रुप्स क्या है सेकड़ ग्रुप्स क्या होते हैं ना देखो ध्यान से मेरी बात को सुनना जो ट्राइबल पीपल होते हैं है ना ट्राइबल पीपल पता है ना आपको जो जंगलों में रहते हैं तो बेटा वो क्योंकि वो जंगल में रहते हैं तो वो वहीं पे रहते हैं उन्हें नेचर से बहुत ज़्यादा प्यार है तो वहाँ पे उन पेड़ों की पूजा वूजा करते हैं उनके अपने अपने क्या होते हैं उनके अपने इमोशंस होते हैं उनके साथ रिलीजियस बिलीव्स होते हैं ठीक है इस वजह से वो क्या करते हैं इस वजह से उन एरियाज़ को वो पूरी तरह प्रोटेक्ट कर देते हैं ठीक है स्केर्ड नहीं है, सेकर्ड ग्रूव हैं ये सेकर्ड नॉट स्केर्ड डोंट बी स्केर्ड ऑफ सेकर्ड ठीक है इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सेकर्ड से मत डरो चलो समझो इसको तो वो क्या कर देते हैं उसको कवर उसको पूरा का पूरा प्रोटेक्ट कर देते हैं बाउंड्री बना देते हैं कि यहाँ कोई भी एंटर नहीं करेगा ठीक है तो उन्होंने क्या कर लिया उन्होंने उस सारी जगह को प्रोटेक्ट कर लिया ठीक है सो वॉट इज़ देर रोल इन द कॉन्ज़रवेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी भाई अच्छा खासा रोल है कि इतनी सारी हमने वहाँ पे स्पीशीज़ को वहीं के वहीं बचा लिया ठीक so, है सो ये आपको ज़्यादातर ट्राइबल रीजन्स में एरियाज़ मिलते हैं जैसे आपके मेघालय है वेस्टर्न घाट है अरावली हिल्स है यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश ब, बस्तार डिस्ट्रिक्ट पता नहीं क्या क्या इतने सारे एग्जाम्पल्स भर भर के दे रखे हैं एन में तो आप कोई भी दो तीन याद कर लेना वेस्टर्न घाट्स कर लो मेघालय हिल्स कर लो सॉ मेघालय कर लो अरावली हिल्स कर लो ठीक है सो दे आर सेकर्ड ट्रैक सेकर्ड मतलब रिलीजियस एरियाज होते हैं ये ठीक है जहाँ पे रिलीजियस बिलीफ्स जुड़े होते हैं लोगों के विच आर ऑफ अटमोस्ट इंपॉर्टेंस टू द लोकल कम्युनिटीज जो वहीं लोकली उसी जगह पे रहते हैं ठीक है भूख लग रही है थोड़ी देर और वेट कर लो भाई थोड़ी देर और वेट कर लो फिर उसके बाद हम अपनी मैराथन को चालू रखेंगे ठीक है अपनी मैराथन को चालू रखेंगे और भी बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे हम छः बजे कितने बजे छः बजे इसी चैनल पे ठीक है छः बजे इसी चैनल पे दोबारा आना आप लोग हम बाकी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अभी यही करेंगे आज पूरा दिन हमें पढ़ाई करनी है ठीक है तो बस थोड़ी देर और रुक जाओ यार अभी मत जाना कहीं पे भी मुश्किल से मुश्किल बस पंद्रह बीस मिनट और लूंगी मैं तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो यार ठीक है आज आज की मेहनत है बस सिर्फ आज आज की मेहनत है बता रही हूँ यार अभी तक आपने बहुत अच्छे से नहीं पढ़ा था मैं भी जानती हूँ आप सब कुछ बिल्कुल लास्ट के दिनों पे छोड़ते हो क्योंकि हम भी स्टूडेंट रहे हैं हमें भी पता है हम भी ऐसे थे थोड़े लापरवाह हो जाते हैं दस दिन हैं अरे कल करेंगे परसों करेंगे और वो करते करते सारे दिन निकल जाते लास्ट में दो ही दिन आप पढ़ते हो है कि नहीं चलो अभी इसलिए सुन लो चलो जल्दी से अब आज पढ़ लो है ना मैथ्स का पेपर तो आप लोगों को बहुत ही कम बच्चों को देना है शायद चलिए ओके दे आर डिवोटेड टू एंसेस्ट्रल स्पिरिट्स ठीक है लोकल डीटीज उनके लोकल डीटीज होते हैं जिनकी वो पूजा करते हैं डीटीज़ क्या होते हैं गॉड्स जिनको वो मानते हैं and are guarded by local communities through taboos and social traditions. Taboos क्या होते हैं बच्चे Taboos यही होते हैं पुराने ख्याल कुछ अपने अपने emotions, कुछ अपने religious beliefs और इन्हीं spiritual values की वजह से वो इन regions को protect करते हैं समझ गए समझ गए समझ गए इन सी टू एक्स सी टू में डिफरेंस आ रहा है इन सी टू एक्स सी टू में डिफरेंस आ रहा है बच्चे किसी का डाउट है जानवी का अभी आ रहा है बच्चे यहीं रुके रहो ठीक है अभी आ रहा है डोंट गो एनी वेयर स्टे हियर जब तक ये सारे क्वेश्चन नहीं ख़त्म हो जाते स्टे हियर चलो एक्सप्लेन हाउ स्पीशीज डाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज रिड्यूस्ड बाय द इन्वेशन ऑफ एन एलियन स्पीशीज़ एलियन स्पीशीज़ के आने से एलियन स्पीशीज़ के आने से बच्चों आपकी जो स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो कैसे रिड्यूस हो जाती है एक्सटिंक्ट हो जाते हैं ख़त्म हो जाते हैं कैसे हो जाता है ऐसा कैसे हो जाता है बच्चे देखो सिंपल सी बात है किसी एक जगह में कोई पहले से जो स्पीशीज़ रह रही थी उनको बोलते हैं इंडिजीनियस स्पीशीज़ इस एरिया में पहले से कुछ स्पीशीज़ रह रही थी वो क्या है इंडिजीनियस स्पीशीज़ तो ये जो एलियन स्पीशीज़ आती है ये आती है बाहर से कहाँ से आती है बाहर से फॉरेन स्पीशीज़ होती हैं तो ये जो एलियन स्पीशीज़ आई है मान लो ये आपकी एलियन स्पीशीज़ इधर गई ये बाहर से आई ये क्या करेगी इसके साथ रिसोर्सेज़ के लिए फाइट करेगी है ना रिसोर्सेज के लिए लड़ेगी इससे और धीरे धीरे क्या करती है धीरे धीरे वो उसको वहाँ से खत्म ही कर देती है ठीक है धीरे धीरे क्या कर देती है ख़त्म ही कर देती है ओके इसके एग्जाम्पल्स आप लोग बहुत सारे हैं आपके पास एक तो आपने सुना है लेक विक्टोरिया के अंदर आपकी नाइल पर्च का इंट्रोडक्शन हुआ था किसका हुआ था नाइल पर्च को इंट्रोड्यूस किया गया तो वहाँ की ओरिजिनल जो 200 सौ स्पीशीज़ थी है ना दो सौ स्पीशीज ऑलमोस्ट क्या हो गई ऑलमोस्ट एक्सटिंक खत्म 200 सौ स्पीशीज़ देख रहे हो आतंक इसका है और इसके अलावा आपकी जो वीड्स होती है जैसे लैंटना हो गया है ना कैरेट ग्रास पार्थीनियम हो गया देन इसके अलावा आपकी आ, वाटर हाइसिंथ हो गया जिसको टेरर ऑफ बंगाल बोला जाता है तो ये सब क्या होती हैं ये वीड्स होती हैं तो जब इनको इंट्रोड्यूस किया गया था ये भी एलियन स्पीशीज़ की तरह थी इन्होंने भी नेटिव स्पीशीज़ को वहाँ से क्या कर दिया था एक्सटिंक्ट कर दिया था क्या कर दिया था बच्चों एक्सटिंक्ट ख़त्म क्लियर ओके ओके चलो आगे बढ़ते हैं बेसिकली so ये ऐसा क्यों करती है क्योंकि वो वहां पे बच्चे के लिए उनसे फाइट करती हैं, है ना हैबिटेट के लिए दे अ पर्टिकुलर हैबिटेट या तो पर्पजली करेंगी या हो सकता है कि मतलब गलती से भी आ गई हो पर एक बार अगर वो आ जाए तो वहां पे उनसे रिसोर्सेज के लिए लड़ेंगी जगह के लिए लड़ेंगी हैबिटेट के लिए लड़ेंगी और धीरे धीरे इसको क्या आज आई फाइनल देखना है अरे बेटा आई पी एल जिंदगी में ज़्यादा ज़रूरी है कि एग्ज़ाम ज़्यादा ज़रूरी है हाँ ये हमारे बच्चे ये लाएंगे पैंतीस में से पैंतीस इनके लिए एग्ज़ाम से ज़्यादा आईपीएल ज़रूरी है और ख्वाब है इनके पैंतीस में से छत्तीस लाने के पॉसिबल नहीं है बेटा पॉसिबल नहीं है कभी कभी जिंदगी में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है सुनिए ना पुरानी कहावत है तो अब आपको पैंतीस में से पैंतीस पाने के लिए आई को खोना पड़ेगा ठीक है कल उसका रिकॉर्डेड देख लेना वैसे भी आप लोग मानोगे तो हो ही नहीं बीच बीच में तो आप डेफिनेटली जा जाके चेक करोगे पर लेकिन एग्जाम टाइम में बेटा आपके लिए एग्जाम ज़्यादा ज़रूरी होनी चाहिए चलो इधर आ जाओ वाई डज़ डाइवर्सिटी अमंग स्पीशीज डिक्लाइन एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर बेटा हमने एक ट्रेंड देखा था क्या ट्रेंड देखा था यहाँ टिकटॉक के ट्रेंड की बात नहीं कर रही बच्चे मैं यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं ठीक है है ना तो इंस्टाग्राम के रील्स का ट्रेंड नहीं पूछ रही मैं मैं ये पूछ रही हूँ कि नॉर्थ पोल की तरफ जाते हैं या अगर हम साउथ पोल की तरफ भी जाते हैं तो हम क्या देखते हैं बच्चों तो हम ये देखते हैं कि वहाँ पे आपका जो नंबर ऑफ़ स्पीशीज़ डाइवर्सिटी है वो धीरे धीरे क्या होती जाती है घटती जाती है कम होती जाती है ठीक है क्या होती जाती है कम होती जाती है क्लियर तो ऐसा क्यों होता है क्या रीज़न है चलो इसके रीज़न समझते हैं जल्दी से फटाफट से आ जाओ जल्दी से फटाफट से इधर आ जाओ सो इट इज़ बिकॉज़ अ डिक्लाइन इन द टेम्परेचर देखो पहली बात तो ये इक्वेटर से जब पोल्स की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर घटता है है ना जो सोलर एनर्जी आ रही है वो कम आ रही है ठीक है तो कम सोलर एनर्जी कम वेजिटेशन कम बायोडाइवर्सिटी एंड ओवरऑल स्पीशीज रिचनेस भी कम ठीक है इट कॉज द स्टेट टू बिकम एंड ऑल्सो देयर इज अ डिप इन द इंटेंसिटी एंड द अमाउंट ऑफ द सोलर रेडिएशंस यही रीजन है बच्चे टेम्परेचर कम हो रहा है सोलर एनर्जी कम हो रही है राइट अवेलेबिलिटी ऑफ रिसो इज लेस और यहाँ पेज की जो अवेलेबिलिटी होती है वो कैसी होती है कम होती है यहाँ पे कम रिसोर्सिस है एंड इसके अलावा बच्चे सर्वाइवल ऑफ स्पीशीज बिकम डिफिकल्ट एंड देखो यहाँ पे ना जब हम टेम्परेट uh, रीजन की तरफ जाते हैं पोलर रीजन की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर उतना ज्यादा कॉन्स्टेंट नहीं होता Temperature is not कॉन्स्टेंट दैट इज़ नॉट कॉन्टेंट और बच्चे स्पीसीशन के लिए स्पीसीेशन के लिए न्यू स्पीशीज की फॉर्मेशन के लिए किसकी ज़रूरत होती है एक स्टेबल टेम्परेचर की एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर की राइट right? वो यहाँ पे आपको टेम्परेट रीजन्स और पोलर रीजन्स में नहीं मिलेगा तीन रीज़न्स आपके एन में लिखे हैं पहला रीज़न लिखा है स्पीसीएशन वाला एक्सप्लेन करोगे दूसरा आप बताओगे कि भाई यहाँ पे क्या होता है ना यहाँ पे टेम्परेचर कॉन्स्टेंट नहीं है टेम्परेचर इज़ नॉट कॉन्सटेंट वेयर इन द पोलर रीजन्स ओके इन दोलर रीजन्स पोलर रीजन्स में उतना कॉन्स्टेंट नहीं होता और वही अगर बात करें ट्रॉपिकल रीजन्स की तो वहाँ पे काफ़ी हद तक कॉन्सटेंट है प्रडिक्टेबल है लेस वेरिएशंस आते हैं और इसीलिए बायोडाइवर्सिटी भी ज़्यादा होती है और तीसरा आपका ये सोलर रेडिएशंस वाला हो गया ठीक है तो ये तीनों पॉइंट्स को आपको एक्सप्लेन करना है ठीक है समझ गए समझ गए समझ गए समझ गए, गए। चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं राइट द नोट्स ऑन द रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस बाय पॉल अरलिक आपको शॉर्ट नोट लिखना है यहाँ पे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस पे टू मार्क्स का भी आ सकता है थ्री मार्क्स का भी आ सकता है बट शॉर्ट नोट ज़्यादातर आपके थ्री मार्क्स में ही आते हैं ठीक है अगर आपको टू मार्क्स में पूछा जाता है व्हाट व्हाट इज रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस तो उसके अकॉर्डिंगली थोड़ा कम एक्सप्लेनेशन देना थ्री मार्क्स में आता है तो थोड़ा और डिटेल में अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना ठीक है तो देखो बच्चे रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस में क्या था रिवेट प्रॉपर हाइपोथेसिस में पॉल अर्लिक ने सिंपली क्या किया था कंपेरिजन किया था किसका एरोप्लेन का कंपैरिजन किया था किसका किया था बच्चे एरोप्लेन का कंपैरिजन किया था किससे इकोसिस्टम से यानी कि एनवायरमेंट से और बोला कि अगर हम अपने एनवायरमेंट को एक एरोप्लेन की तरह समझें तो और वहाँ पे जो स्पीशीज़ हैं है ना जो स्पीशीज़ हैं उसको कंपेयर किया किससे रिवेट से यानी जो एरोप्लेन के अंदर स्क्रूज लगे होते हैं ना बच्चे पेच होते हैं जो उसको बोला वो रिवेट्स हैं ठीक है वो रिवेट्स क्या है वो स्पीशीज हैं तो हर बार अगर एक पैसेंजर एक एक एक-एक स्क्रू लेके चला जाएगा तो एक टाइम के बाद क्या होएगा एक टाइम के बाद आपके प्लेन उड़ान नहीं भर पाएगा और स्पेशली अगर किसी पैसेंजर ने विंग्स से हाँ एरोप्लेन के पंखों से ही अगर स्क्रूज निकालना शुरू कर दिया तो क्या होगा तो तो भाई आपका एरोप्लेन वहीं के वहीं क्रैश वहीं के वहीं ख़त्म तो ये जो विंग्स वाले रिवेट्स होते हैं रिवेट्स ऑन द विंग्स ये आपकी एनवामेंट की बिल्कुल की स्पीशीज़ की तरह हैं ये क्या है एनवामेंट की बिल्कुल की स्पीशीज़ की तरह है ठीक है चलो अब इधर आंसर देखो फटाफट -फड़ से तो अल्टीमेटली उनका यही कहना था कि हर एक स्पीशीज़ की अलग अलग इम्पोर्टेंस है या नहीं है ये नहीं पता बट ओवरऑल जब सब मिलके एक इकोसिस्टम बनाते हैं तो उसके बैलेंस के लिए है ना, उसकी कंजर्वेशन के लिए एंड उसकी स्टेबिलिटी के लिए हर एक स्पीशीज़ को बचाना कंजर्व करना और उनके लॉस को बचाना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है चलो इधर आ जाते हैं ही सजेस्टेड द हाइपोथेसिस टू अंडरस्टैंड द बेनिफिकेशन ऑफ स्पीशीज़ रिचनेस उसने ये जानने की कोशिश की थी कि भाई स्पीशीज़ के क्या फ़ायदे हैं और क्या उनका मतलब रोल क्या होता है ठीक है सो ही अराइव एट अ कंपेयरिंग ईच स्पीशीज़ रिवेट उन्होंने हर स्पीशीज़ को किससे रिवेट से कंपेयर किया ठीक है एक स्क्रू से कंपेयर किया और एरोप्लेन को कंपेयर किया आपके एनवायरमेंट से ठीक है इट डेमोन्स्ट्रेट दैट इको सिस्टम टू बी एन एरोप्लेन इको सिस्टम को बोला वो एक एरोप्लेन है एंड स्पीश इज द रिवेट होल्डिंग टूगेदर ऑल द पार्ट सो इट इफ ईच पैसेंजर बिगेन टू टेक रिवेट्स होम अगर हर पैसेंजर एक एक तो वहां पे इट में हार्डली अफेक्ट द सेफ्टी इनिशियली आपकी सेफ्टी में उतना असर नहीं होगा बट एक लॉन्ग टर्म के बाद एक बहुत लंबे समय के बाद आपके वहां से सारे स्क्रूज चले जाएंगे एंड इवेंचुअली द प्लेन बिकम्स फ्रेजाइल प्लेन कैसा हो जाएगा बिल्कुल ऐसा फ्रिजाइल है ना बिल्कुल उड़ान भरने लायक नहीं बचेगा ऐसे अस्थि पंजर सब ढीले हो जाएंगे उसके एंड क्रैश और ऐसा प्लेन क्रैश कर जाएगा ठीक है इसीलिए बेटा बोला जाता है कि आपके एनवायरमेंट में हर एक स्पीशीज मिलके पूरी स्टेबिलिटी लाते हैं चलो बहुत लंबा डिस्कशन चल गया इस पर आगे बढ़ते हैं लेट्स मूव फर्दर सो या अरे यार ये क्या हो रहा है बार बार चलो ओके सो व्हाट इज व्हाट इज क्या यस व्हाट इज रेड लिस्ट व्हाट इज रेड लिस्ट बच्चों व्हाट इज रेड लिस्ट एंड गिव टू यूजर्स ऑफ़ द रेड लिस्ट रेड लिस्ट क्या है रेड लिस्ट क्या है बच्चे रेड लिस्ट क्या है रेड लिस्ट बेटा पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम वहाँ से ज्वाइन कर लेना ओके okay, पीडीएफ आपको वहाँ टेलीग्राम पे शेयर कर दिए जाएंगे इधर आ जाओ व्हाट इज़ रेड लिस्ट रेड लिस्ट क्या है रेड लिस्ट क्या है रेड लिस्ट क्या है रेड लिस्ट क्या है रेड लिस्ट आईयूसीएन द्वारा एक जारी की गई एक ऐसी लिस्ट होती है जहाँ पे सभी एंडेंजर्ड थ्रेटर्ड एंड वलरेबल स्पीशीज की एक लंबी सी लिस्ट बनाई जाती है आईयूसीएन बोले तो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ योर नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज ओके चालो और इसके दो यूज़ बताने हैं आपको इधर आ जाओ फटाफट से इधर आ जाओ सो आई यू सी एन मेंटेन्स रेड डेटा बुक जिसको हम रेड लिस्ट बोलते हैं ये बेसिकली एक टै कैटलाग है एक तरीके से जिसके अंदर ये देखा जाता है कि किस तरह से हमारा जो है नेचर में एक्सटिंक्शन आ रहा है ठीक है इट एम्स टू कन्वे द और इसका पर्पज़ क्या है कि ये यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन होती है डॉक्यूमेंटेशन होती है एंडेंजर्ड स्पीशीज की और प्लांट्स की और साथ में इट इज़ टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग द थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी जो जितनी भी हमारी थ्रेटेंड बायोडाइवर्सिटी है है ना उसको बचाने के लिए लोगों के अंदर जागरूकता लाने की ज़रूरत है तो इस लिस्ट से पता चल जाता है कि भाई ये स्पीशीज़ अब इंडेंजर्ड है जैसे बीच में टाइगर का बहुत ज़्यादा हुआ था है ना फिर टाइगर को कंजर्व करने के लिए टाइगर को बचाने के लिए बहुत सारे आप का एक पूरा टाइगर का प्रोजेक्ट चला था ठीक है ओके तो ऐसे ये अलग अलग स्पीशीज़ का बताते हैं अवेयरनेस क्रिएट करते हैं कि अब जागरूक हो जाओ भाई ये स्पीशीज़ खत्म होने वाली है इसको बचाने की ज़रूरत है ठीक है चलो नेक्स्ट आते हैं वॉट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इन सी टू एंड एक्स सी टू कन्जर्वेशन सो आई थिंक जन्नवी वॉज आस्किंग अबाउट दिस इफ आई एम नॉट रॉन्ग येस जान्नवी आप पूछे थे ना बच्चे आई थिंक सभी बच्चों को इसमें थोड़ा सा डाउट होगा कि इसका आंसर कैसे लिख के आना है ना इसका आंसर कैसे कैसे लिखेंगे? इन के के बीच में differences कैसे आओगे? So, see here, in C2 में लिख आओगे? क्या दिया हुआ बच्चे इन सी टू कॉन्जर्वेशन के अंदर इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोटेक्टिंग द स्पीशीज इन इट्स नेचुरल हैबिटेट यहां पे हम क्या कर रहे हैं इन सी टू के अंदर ऑन साइट कॉन्जर्वेशन होती है यानी कि उसके नेचुरल हैबिटेट में वहीं के वहीं उसको क्या कर दिया जाता है कंजर्व कर दिया जाता है ठीक है ठीके? कंजर्व कर दिया जाता है ओके एंड एक्स सी टू कॉन्जर्वेशन में क्या होता है दिस इज द ऑफ साइट कॉन्जर्वेशन यानी कि हम उसको उसके अनसेफ हैबिटेट उसका जो ओरिजिनल हैबिटेट है वो अभी उसके लिए क्या है खतरा भरा है खतरा भरा है अनसेफ है वहाँ वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है उसको वहाँ से ले जा के कहीं और दूसरे एरिया में ले जा के उसको बचाया जाता है क्लियर येस बच्चो क्लियर वेरी नाइस दूसरा है इट हेल्प इन रिकवरिंग द पॉपुलेशन इन द सराउंडिंग्स ताकि जितनी भी सराउंडिंग में पॉपुलेशन है वहीं के वहीं उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाए रिकवर हो जाए इन सीटों में यही होता है कि वहीं बच्चे उसकी पॉपुलेशन क्या हो जाएगी रिकवर हो जाएगी बल्कि आपके एक सीटों में क्या है इट हेल्प्स इन रिकवरिंग द पॉपुलेशन अंडर सिम्युलेट कंडीशंस यानी कि हमने यहाँ पे एक अलग से सिमुलेटेड मतलब ये मैन मेड कंडीशन होती हैं कैसी कंडीशन होती हैं ये मैन मेड कंडीशंस में हम इनको इनकी पॉपुलेशन को रिकवर करने की कोशिश करते हैं ये कंडी जैसे जोलॉजिकल पार्क्स होते हैं आपके जू गए हो ना बचपन में जूलॉजिकल पार्क गए हो ज़ू में गए हो तो ज़ू में क्या होता है क्या वो बिल्कुल नेचुरल इन्वायमेंट होता है जंगल जैसा नहीं वहाँ पे अलग से मैन ने क्या हैबिटेट बनाए हैं जहाँ पे उनकी पॉपुलेशन को बचाने की कोशिश की जा रही है ठीक है ओके फिर आता है नेक्स्ट है नेक्स्ट है बच्चे एग्जाम्पल दे रखे हैं फिर आप सिंपली एग्ज़ाम्पल लिख दो एग्जाम्पल में आपके इधर आ जाते हैं नेशनल पार्क्स, बायोस्फीयर रिजर्व एक 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 ये भी लिख सकते हो कि भाई ये ऑन साइट होती है ये ऑफ साइट होती है ठीक है और यहाँ पे एग्ज़ाम्पल्स है बॉटनिकल गार्डन्स जीन बैंक सीड बैंक पोलन बैंक है ना जोलॉजिकल पार्क ये सारे आपके एक्स सी टू कॉन्जर्वेशन के एग्जाम्पल्स हैं समझ गए ये समझ गए पिछले वाला क्वेश्चन नहीं समझ में आया क्या नहीं समझ में आया यार पिछले वाले क्वेश्चन में बेटा रेड लिस्ट बताना है आई ने रेड लिस्ट दी थी है ना आई ने रेड लिस्ट डेटा दिया है 2004 में जहाँ पे पूरा आपका डेटा दिया है सारे एंडेंजर्ड स्पीशीज़ एक्सटिंग स्पीशीज़ और वल्नरेबल स्पीशीज़ का यूज़ क्या होता है यूज़ ये होता है बच्चे कि आपके एंडेंजर्ड स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया जाता है दूसरा होता है कि अवेयरनेस क्रिएट की जाती है कि भाई ये स्पीशीज़ अब ख़त्म हो गई है अब थोड़ा जागरूक हो जाओ क्या दिक्कत आ गई इस क्वेश्चन में इतना क्यों परेशान हो रहे है अभी क्लियर हो गया भाई रिम्पल अभी क्लियर हुआ अभी क्लियर हो गया चलो ओके ओके अगला सवाल देख लो फटाफट फड़। जल्दी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया थोड़ा लंबा सा सवाल दिया जल्दी बताओ देखो क्या क्या दिया जल्दी रीड कर लो फटाफट फड़ से यहां तक सबको समझ में आ गया सबको समझ में आ गया यहां तक पांच मिनट का ब्रेक पांच नहीं सिर्फ एक मिनट का ठीक है सिर्फ एक मिनट का ब्रेक दैट्स इट चलो जल्दी जल्दी डन बच्चो ये सुनो डन हो गया पानी वानी पी लिया हो गया एक मिनट का ब्रेक हो गया चलो ब्रेक हो गया हो गया हो गया हो गया भाई इतने ब्रेक नहीं देने आप भी ब्रेक नहीं देंगे ब्रेक ब्रेक एक बार लेना ब्रेक कल मिलेगा अब आपको सीधा एग्जाम के बाद ठीक है एग्जाम के बाद फिर ब्रेक ही ब्रेक है चलो इधर आ जाओ हॉटस्पॉट्स आर रीजन ऑफ द एक्सेप्शनली हाई बायोडाइवर्सिटी भाई यहां बोला है कि हॉटस्पॉट जो होते हैं वो ऐसे रीजन होते हैं जहा पे अच्छी खासी हाई बायोडाइवर्सिटी होती है क्या होती है अच्छी खासी हाई बायोडाइवर्सिटी होती है बट दे habit loss, loss. ये क्या बने हैं? ये एक एक्सीडेंटल habitat लॉस के regions बने हैं नेम द थ्री हॉटस्पॉट ऑफ आर कंट्री वाई आर दे कॉल्ड हॉटस्पॉट्स तो आपको कोई भी क्या करने हैं तीन हॉटस्पॉट्स बताने हैं कंट्री के और उनको हॉटस्पॉट्स क्यों कहते हैं सो so, हॉटस्पॉट्स क्या है बच्चे हॉटस्पॉट्स आपके ऐसे रीजन हैं। बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हम ऑलरेडी कर चुके हैं ये क्वेश्चन ना। रिपीटेड क्वेश्चन है ठीक है कि हाई लेवल ऑफ़ स्पीशीज रिचनेस होता है यहाँ पे हाई डिग्री ऑफ एंडमिजम होता है और एग्जाम्पल वेस्टर्न घाट श्रीलंका इंडोबर्मा हिमालयाज ठीक है ओके चलो वाट इज सो स्पेशल व्हाट इज सो स्पेशल अबाउट द ट्रॉपिक्स दैट माइट अकाउंट फॉर देयर ग्रेटर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी बेटा मैंने आपको बोल था ये क्वेश्चन कई तरह से रिपीट होता है है ना कई तरह से रिपीट होता है क्वेश्चन आपका ऐसे भी आ सकता है कि भाई जब हम इक्वेटर से पो, पोल्स की तरफ जाते हैं तो बायोडाइवर्सिटी क्यों घटती है, है न ट्रॉपिक्स से ट्रॉपिक्स के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों होती है या ऐसा भी आ सकता है कि इंडिया के अंदर बायोडाइवर्सिटी ज़्यादा क्यों है और स्कैंडिनेवियन कंट्री जैसे कि नॉर्वे वहाँ पे आपकी बायोडाइवर्सिटी कम क्यों है ठीक है तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है तो चलो यहाँ देखते हैं फटाफट से सो so, इसके तीन रीज़न्स जो एन में मैंशन है वही डायरेक्ट रीजन आप लिख के आओ देखो पहली चीज़ तो है कि जो स्पीसीशन होता है वो फंक्शन ऑफ़ टाइम होता है यानी एक नई स्पीशीज़ का फॉर्मेशन स्पीशीज़ मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ है ना फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज़ तो बेटा जी जो आपकी न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है जो आपकी न्यू स्पीशीज़ का फॉर्मेशन होता है वो क्या होता है वो टाइम का फंक्शन होता है किसका फंक्शन होता है टाइम का एंडमिजम का मतलब बेटा एंडमिजम का मतलब ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ उसी एरिया में अनोखी है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगी ठीक है तो ऐसी स्पीशीज को बचाने का फायदा है ना कि वो अनोखी है हमने वही के वही उन स्पीशीज को बचा लिया अब हम क्या कर रहे हैं हमने इधर भी टाइगर को बचा लिया इधर भी टाइगर को बचा लिया इधर भी टाइगर हमने इधर भी बाली को बचाया इधर भी बाली इधर भी बाली हमने हर जगह बाली को बचा लिया हमने जवान और कैस्पियन को छोड़ दिया समझ रहे हो तो हम ऐसा एरिया ढूंढेंगे ना जहाँ पे हमें अलग अलग स्पीशीज़ डाइवर्सिटी मिलेंगी और साथ साथ हमें ऐसी स्पीशीज़ मिलेंगी जो एकदम वहाँ पे वहीं पे प्रेजेंट होती है हो, और कहीं और नहीं मिलेंगी उसी को बोलते हैं एंडेमिक स्पीशीज़ ठीक है ओके okay, कितना है अभी क्वेश्चन बस होने वाला है बेटा बस होने वाला है ठीक है तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज को स्पीसीएशन बोलते हैं और नई स्पीशीज का फॉर्मेशन ऐसे ही चुटकी बजाते ही नहीं होता है ना कि आज हम सो के उठे कल एक नई स्पीशीज़ हमारे सर पे आके खड़ी है नो no! स्पीसी एक लंबा प्रोसेस होता है मिलियंस ऑफ ईयर्स लग जाते हैं इसके लिए और इस स्पीसीशन प्रोसेस के लिए बच्चों इस स्पीसीशन प्रोसेस के लिए आपको क्या चाहिए है, एक कॉन्स्टेंट टेम्परेचर एक कॉन्स्टेंट एनवायरनमेंट है ना तो ये सारी चीजें आपको सिर्फ और सिर्फ कहां मिलती हैं? ट्रॉपिकल रीजन् में कहाँ मिलती है ट्रॉपिकल रीजन्स में क्योंकि अगर हम आपके टेम्परेट रीजन्स की बात करें अगर हम टेम्परेट रीजन्स की बात करें तो वहाँ पे क्या होता है ना बहुत आते हैं बहुत वेरिएशन आते हैं इस तरह के ग्लैसीशन्स गलेश... वहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं जिसकी वजह से स्पीसीशन नहीं हो पाएगी है ना जिसकी वजह से स्पीसीएशन नहीं हो पाएगी सो ट्रॉपिकल लैटिट्यूड हैज़ रिमेन वेयर एज़ अगर हम ट्रॉपिकल की बात करें तो इट हैज़ रिमेन अनडिस्टर्ब्ड बिल्कुल भी हिला नहीं है एज इट इज़ रहा है फॉर मिलियंस ऑफ यर्स इसी लिए यहाँ पर अच्छा खासा एवोल्यूशनरी टाइम मिला किस चीज़ के लिए स्पीसीशन के लिए समझे सो so, इसी लिए आपके ट्रॉपिकल रीजन्स में हाई स्पीसीशन न्यू वेराइटी रिच बायोडाइवर्सिटी समझे समझ गए येस और नो बेटा ऑर्गेनिजम्स एंड पॉपुलेशन चैप्टर हम करेंगे अब आपके छह बजे वाली क्लास में ठीक है उधर करेंगे छः बजे वाली क्लास में है ना आई थिंक आपके बायोटेक के क्वेश्चन भी बच गए हैं कुछ तो बायोटेक के क्वेश्चन और वो वाले क्वेश्चन सुबह की छः बजे शाम की छः बजे वाली क्लास में कॉन्टिन्यू करेंगे ठीक है ओके इसीलिए बोल रही हो छः बजे वाली क्लास में जरूर आना छः बजे वाली क्लास में जरूर आना ट्रॉपिकल इन्वायरमेंट्स आर लेस सीजनल मोर कांस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल ठीक है तो ट्रॉपिकल रीजन क्या होते हैं कम सीजन वेरिएशंस होती हैं ज़्यादा कांस्टेंट होते हैं और अच्छे खासे प्रेडिक्टेबल भी होते हैं हमें पता है यहाँ क्या रिजल्ट आएगा फिर ए मोर सोलर एनर्जी इज अवेलेबल इन द ट्रॉपिकल रीजन दिस इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हाई प्रोडक्टिविटी विच लीड्स टू ग्रेटर डाइवर्सिटी तो यहाँ पे सोलर एनर्जी भी ज़्यादा है ज़्यादा रेडिएशन है ज़्यादा एनर्जी है ठीक है ज़्यादा रेडिएशन है ज़्यादा एनर्जी है क्लियर ज़्यादा रेडिएशन है ज़्यादा एनर्जी है ओके तो इस वजह से क्या होता है बच्चे इस वजह से यहाँ पे इस वजह से यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे आपके ज्यादा वेजिटेशन होगी और ज्यादा एनिमल्स होंगे दान? ओके, आगे बढ़ते हैं वॉट डू यू मीन बाय बायोडाइवर्सिटी वट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बायोडाइवर्सिटी का मतलब बताना है टाइप्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी बतानी है तो बेटा बायोडाइवर्सिटी क्या है इट कैन बी डिफाइंड एज द टोटैलिटी ऑफ द जीन्स स्पीशीज एंड एकको सिस्टम ऑफ अ गिविन पर्टिकुलर रीजन एक रीजन के अंदर कितनी अलग अलग तरह की वेराइटी ऑफ स्पीशीज आपको मिल रही हैं कितने अलग अलग तरह species के स्पीशीज के जीन्स मिल रहे हैं वही क्या होती है वही आपकी होती है बायोडाइवर्सिटी टाइप्स कितने हैं तीन टाइप्स हैं कौन कौन से एक जेनेटिक डाइवर्सिटी है जो कहाँ पे? जेनेटिक लेवल पे होता है ठीक है इसके एग्जाम्पल क्या है एग्ज़ाम्पल आप ज़रूर लिख देना राइस का एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो ठीक है रोवल्फिया का एग्ज़ाम्पल लिख सकते हो राइस की पचास हज़ार वेराइटी हैं भाई अरे ये एक ज़ीरो ज़्यादा चला गया यार एक सेकेंड रुक जाओ सो पचास हज़ार वेराइटी हैं ठीक है फिफ्टी थाउजेंड ऑफ योर वॉट योर राइस ठीक है राइस की पचास हज़ार वेराइटीज़ इंडिया इंडिया में प्रेजेंट होती है पता है आपको फिर आते हैं स्पीशीज डाइवर्सिटी मैंग मैंगो की दस हज़ार हैं ठीक है थीके? आम की दस हज़ार हैं तो आप देख रहे हो ये एग्जांपल्स एग्जाम्पल्स आप लिख देना ठीक है ओके क्लियर देन स्पीशीज़ डाइवर्सिटी में आपको डाइवर्सिटी स्पीशीज़ के लेवल पे मिलती है ओके okay, स्पीशीज़ के लेवल पे मिलती है जैसे आप जब वेस्टर्न घाट इसका एग्जाम्पल लिखना कि जब आप वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाते हो वेस्टर्न घाट से ईस्टर्न घाट्स की तरफ जाते हो तो क्या होता है स्पीशीज़ की डाइवर्सिटी कम हो जाती है स्पीशीज डाइवर्सिटी कम होती जाएगी यानी कि वेस्टर्न घाट में स्पीशीज रिचनेस ज़्यादा है यहाँ पे डायवर्सिटी ज़्यादा है ठीक है ये एक एग्जाम्पल हो गया फिर इसके बाद में क्या आता है यस 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 चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े चलो यस बच्चो चलो 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 आगे बढ़ जाओ फटाफट हाँ 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 हा। थाउजेंड है थाउजेंड है एक जीरो इसमें भी आगे चला गया क्या ठीक है चलो ओके okay, आगे बढ़ते हैं इकोसिस्टम डाइवर्सिटी सो इकोसिस्टम डाइवर्सिटी रेफर्स टू वैरायटी ऑफ द जोग्राफिकल सिचुएशंस यहाँ पे क्या मिलती है जोग्राफिकल सिचुएशंस क्या मिलती है बच्चे जोग्राफिकल सिचुएशंस ऑन दी अर्थ सो यहाँ पे आपको अलग अलग इको मिलते हैं कैसे इको आपको यहाँ पे टुंड्रा रीजन्स मिलेंगे एल्पाइन रीजन्स मिलेंगे एशचरीज मिलेंगी सो डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी मिलती है ठीक है बच्चे सो so, ये सारे एग्जाम्पल्स आपके आ गए इको सिस्टम डाइवर्सिटी में सो दैट वॉज ऑल बच्चे दैट वॉज ऑल और फिर अब हम जो हमारा जो चैप्टर है ठीक है दैट वी विल बी डूइंग इन द नेक्स्ट क्लास जो कि हमारी छः बजे होने वाली है ठीक है नेक्स्ट कहाँ पे करेंगे छः बजे करेंगे हम लोग ओके okay. हाँ तब तक के लिए आप लोग देखो बेटा अगर कोई भी डाउट आ रहा हो तो गूगल फॉर्म ज़रूर भर देना ठीक है डोंट फॉरगेट टू फिल द गूगल फॉर्म लिंक उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है और बेटा टाइम नोट कर लो ठीक है देखो एक चीज़ सुनते जाना एक चीज़ सुनते जाना छोड़ने से पहले क्लास छोड़ने से पहले आप बहुत इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन मिस कर रहे हो ध्यान से सुनना जिसको नहीं पता है हमारी अभी तीन बजे एक गैस पेपर गैस पेपर सबको चाहिए ना गैस पेपर डिस्कस होएगा कहाँ पे अड्डा के स्कूल चैनल पे कहाँ पे अड्डा के स्कूल चैनल पे और फिर उसके बाद में बच्चे दोबारा छः बजे हम यहीं पे मिलेंगे छः बजे दोबारा हम यहीं मिलेंगे नीट चैनल पे दोबारा नीट चैनल पे मिलेंगे बच्चों फॉर योर फर्दर क्वेश्चन मैराथन दोबारा से एक क्वेश्चन मैराथन चलाएंगे। छः बजे मैं और शिप्रा मैम मिल के चलाएंगे तो ये दोनों सेशन्स मैं और शिप्रा मैम मिल के लेने वाले हैं डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दीज क्लासेस ओके चलिए बाय बाय एंड अड्डा के ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लेना क्योंकि आपको जितने भी आपके बच्चे जो पी आप लोग मांग रहे हो ना यूट्यूब पे क्लासेस के पी वो सारे यही मिलते हैं ऑल राइट थैंक यू सो मच बाय बाय चेक केयर